सी एरे। सी प्रोग्रामिंग में एरे क्या होता है, एरे की डेफिनेशन क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन में एक एरे को कैसे भेजते हैं, एक एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनकी सॉर्टिंग मतलब उनको आरोही या अवरोही क्रम में कैसे बनाते हैं, मल्टी डाइमेंशनल एरे क्या होती है, उसको कैसे यूज करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले है एरे का इंट्रोडक्शन। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर डाटा लिखा है, उस डाटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स हैं और उनको किसी एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं। वो मार्क्स इस तरह से होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखा जाए तो रोल नंबर 1 जिसको मैं R1 लिख रहा हूँ उसको 10 मार्क्स मिले हैं, R2 को 8 मार्क्स मिले हैं, R3 को 9, R4 को 4, रोल नंबर 5 को 6, रोल नंबर 6 को 7 मार्क्स, रोल नंबर 7 को 8 मार्क्स, रोल नंबर 8 को 7 मार्क्स, रोल नंबर 9 को 7 मार्क्स, रोल नंबर 10 को 5 मार्क्स। परसेंटेज अब सारे सब्जेक्ट्स में उसे जो मार्क्स मिले उन स्टूडेंट्स को उनको ऐड करके उनका परसेंटेज निकाला जाए, प्रतिशत निकाला जाए। तो रोल नंबर 1 क्या है 90.44%, रोल नंबर 2 के हैं 78.31 और इस तरह से कुछ परसेंटेज में मार्क्स हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स के नाम का इनिशियल लेटर देखा जाए, पहला करेक्टर देखा जाए तो रोल नंबर 1 का है A, रोल नंबर 2 का है B, रोल नंबर 3 का है H, रोल नंबर 4 का है J, रोल नंबर 5 का है P, रोल नंबर 6 का R, रोल नंबर 7 का S, रोल नंबर 8 का S, रोल नंबर 9 का V एंड रोल नंबर 10 का U। अब यहाँ पर हमने जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट R काम में लिया, ये रोल नंबर के लिए काम में लिया है, उसके सबस्क्रिप्ट में उनकी सीक्वेंस लिखी है, उनका अनुक्रम लिखा है जो उनके रोल नंबर को बताता है कि उनका रोल नंबर किसका कितना है। और ये जो तीन तरह के एग्जांपल हैं उनमें तीन तरह का डाटा है, पहले में किसी पर्टिकुलर पेपर का डाटा है, दूसरे में परसेंटेज का डाटा है और तीसरे में जो रियल नंबर है। फर्स्ट में इंटीजर्स हैं, दूसरे में रियल नंबर्स हैं और तीसरे में इनिशियल अल्फ़ाबेट है जो कि करेक्टर टाइप का डाटा है। उसी डाटा को टेबल के रूप में लिख लिया। यहाँ रोल नंबर 1 को रोल नंबर 1 लिखने की बजाय मैंने 0 लिखा है और 0 को सबस्क्रिप्ट में लिखने की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया है, बड़े कोष्टक में लिख लिया है। तो सबका रोल नंबर जो 1 से 10 था वो अब 0 से 9 हो गया है और मार्क्स जो सिंगल पेपर में थे वो लिख दिए, परसेंटेज में थे वो लिख दिए और फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो भी था वो लिख दिया। इस तरह से R0 रोल नंबर 1 के लिए लिखा है, R1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 रोल नंबर 2 के लिए और R9 स्क्वायर ब्रैकेट में 9 मतलब R स्क्वायर ब्रैकेट में 9 रोल नंबर 10 के लिए लिखा है। इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं वो एरे कहलाता है। ये R एक एरे है जो सारे सेम नाम रिपीट कर रहे हैं जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा हुआ है वो उसकी सबस्क्रिप्ट है। इस तरह से जो एक ही नाम से सबको रिप्रेजेंट किया है इसको हम एरे कहते हैं, एरे ARRAY। इस तरह से हम यहाँ पर चार तरह की एरे डिफाइन कर रहे हैं, चारों को अब मैंने अलग अलग नाम दे दिया है। पहली एरे को मैं R नाम दे रहा हूँ, R फॉर रोल नंबर, तो R0 1 है, R1 2 है एंड सो ऑन। इसी तरह से इंडिविजुअल पेपर के मार्क्स थे उस एरे को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो M0 10 है, M1 8 है, M2 9 है एंड सो ऑन।
तीसरी एरे है उसमें परसेंटेज था जिसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पी 0 90.44 है, पी 178.31 है एंड सो ऑन। तीसरी एक करेक्टर एरे उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो सी 0 ए है, सी 1 बी है, सी 2 एच है एंड सो ऑन। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो भी एरे है, हर एरे में यहाँ चार एरे हैं, तो मैंने चार डिफरेंट वेरिएबल नेम्स यूज़ किए हैं। रोल नंबर वाली एरे के लिए आर, मार्क्स वाले के लिए एम, परसेंटेज वाले के लिए पी एंड नाम के पहले अल्फाबेट वाले के लिए सी। ये जो एरे है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम को हम आर कहते हैं, और उसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट में एरे के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सी प्रोग्रामिंग में उनकी पोजीशन जो कि 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरह से जो दूसरी एरे हैं उनमें एरे के नाम क्रमशः एम, पी और सी हैं। इनमें से जो पहली दो एरे हैं रोल नंबर एरे और मार्क्स एरे, ये दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए इनको जहाँ कहीं भी डिफाइन या डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर हम प्रोग्राम में इंट स्पेस आर स्क्वायर ब्रैकेट में 10 कॉमा एम स्क्वायर ब्रैकेट में 10 एंड सेमीकोलन इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आर एरे का नाम है, 10 उस एरे की साइज है कि वो एरे कितनी बड़ी है। यहाँ पर हम जो एरे का एग्जाम्पल्स दे रहे हैं उनमें 10 ही ले रहे हैं टोटल एलिमेंट्स, इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिखा है। इसी तरह से एम भी एक इंटीजर एरे है, इसलिए इसमें एम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिख दिया है। फ्लो दूसरी परसेंटेज वाली जो एरे है वो फ्लोट है, रियल नंबर है, इसलिए उसको डिक्लेयर करने के लिए फ्लोट स्पेस पी और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज। इसी तरह से जो चौथी एरे थी वो करेक्टर एरे है, इसलिए उसको सी एच आर, सी और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी साइज इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह से हमने पहली एरे में दो एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और दोनों वेरिएबल्स की साइज 10 दी है, मतलब उनमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी सबस्क्रिप्ट 0 से 9 तक होगी। तो इस तरह से एरे क्या होती है, तो एरे आर डाटा स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप। एरे उन डाटा आइटम्स का एक कलेक्शन है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के डाटा होते हैं। जैसे इंटीजर एरे है उसमें सारे इंटीजर्स होंगे, रियल नंबर्स की एरे है उसमें सारे रियल नंबर्स होंगे, करेक्टर एरे है उसमें सारे करेक्टर्स होंगे। एरेज आर स्टैटिक एंटिटीज इन दैट दे रिमेन द सेम साइज थ्रू आउट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। एरे है वो स्टैटिक एंटिटीज हैं, मतलब एक एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही रहेंगे पूरे प्रोग्राम के दौरान। किसी भी एक एरे में प्रोग्राम के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम या ज़्यादा नहीं होंगे। एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट दे ऑल हैव द सेम नेम एंड द सेम टाइप। तो अब एरे क्या है, तो एरे मेमोरी लोकेशन इस तरह का मेमोरी लोकेशन है जिसमें उन सब कई मेमोरी लोकेशंस का कलेक्शन है जिनमें सब का नाम सेम होता है और सब में सेम टाइप का डाटा फिल किया जाता है। टू रेफर टू ए पर्टिकुलर लोकेशन और एलिमेंट इन एरे स्पेसिफाई द एरेज नेम एंड द पोजीशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे। तो किसी एरे में हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करनी है, एरे के पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करनी है, तो हमें उस एरे का नाम और उस एलिमेंट का पोजीशन नंबर बताना होगा। ये आगे एग्जांपल्स में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वो रोल नंबर वाली एरे को लेते हैं जिसमें रोल नंबर स्टोर किया था, जिसमें पहला रोल नंबर 1 है, 10वां रोल नंबर 10 है। तो इस एरे में जो जीरोथ एलिमेंट है एरे का,
एरे का जीरोथ एलिमेंट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ जीरो लिखा है वो सही में पहला एलिमेंट है, मतलब किसी भी एरे के पहले एलिमेंट को उस एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, उसी एरे का दूसरे एलिमेंट को उस एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये अपना पैटर्न रहेगा। तो इसी तरह से एरे का सातवां एलिमेंट कौन सा हुआ, तो सातवां एलिमेंट है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में छः लिखा होगा। एरे का आइथ एलिमेंट कौन सा है जिसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आई माइनस वन लिखा होगा। एरे का जो नाम है वो अन्य वेरिएबल नामों की तरह, अन्य जो चर नाम हम प्रोग्रामिंग में करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में करते हैं, उन्हीं की तरह एरे के नाम में हम लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स रख सकते हैं, डिजिट्स रख सकते हैं और अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन एरे का नाम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो नाम एरे का नाम है, वेरिएबल नाम नेम है, वो किसी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। एरे का जो पोजीशन नंबर है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वहाँ पर हम नॉर्मली एक नंबर लिख सकते हैं या कुछ इंटीजर वेरिएबल लिख सकते हैं या इंटीजर वेरिएबल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे हम ए इक्वल टू टू और बी इक्वल टू थ्री ये दो इंटीजर्स हैं, तो एरे का स्क्वायर ब्रैकेट में नंबरिंग में ए प्लस बी लिख देंगे तो ए की वैल्यू टू और बी की वैल्यू थ्री ऐड होके फाइव हो गई। इसका मतलब आर की सबस्क्रिप्ट वो फाइव हो गई है। जो एरे के वेरिएबल नाम के आगे ब्रैकेट में जो नंबर लिखते हैं उसको उस एरे का सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर द ब्रैकेट्स यूज्ड टू इनक्लोज द सबस्क्रिप्ट ऑफ एन एरे आर एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी ऑपरेटर्स इन सी, दे हैव सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस एज द फंक्शन कॉल ऑपरेटर। तो जो भी ब्रैकेट्स हम सबस्क्रिप्ट के लिए काम में लेते हैं, मतलब जो एरे है उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में जो ब्रैकेट्स लगाते हैं उनको सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर कहा जाता है, और ये सारे ऑपरेटर सेम लेवल प्रेसिडेंस रखते हैं, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दो मिल लगते हैं तो उनकी प्रेसिडेंस सेम रहती है। हाँ, उनमें अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होगा, बाहर वाला स्क्वायर ब्रैकेट बाद में सॉल्व होगा। एरेज ऑक्यूपाई स्पेस इन मेमोरी, एरे है वो मेमोरी पे स्पेस लेती है, मतलब एक कोई भी वेरिएबल स्टोर करते हैं तो मेमोरी में स्पेस खाली स्पेस होगा उसी में उसको फिल कर पाएंगे। उसी तरह से एरे है वो भी एलिमेंट्स का कलेक्शन है इसलिए वो भी मेमोरी में स्पेस लेता है। You specify the type of each element and the number of elements in array so that the computer may reserve the appropriate amount of memory. अब normal variable में क्या होता है, जैसे हम एक integer declare करते हैं वो 4 bytes में store हो रहा, मतलब 32 bit memory store space लेता है, 32 bit memory space लेता है। तो और तो एक integer type array क्या होगी, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना गुणा स्पेस हो जाएगा। यदि हम इंटीजर एरे के रूप में 10 एलिमेंट वाली एरे डिफाइन करते हैं तो 32 टाइम्स 10 मतलब 320 बिट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो जब हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं तो प्रोग्राम या कंप्यूटर है वो उस एरे के लिए कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस पे उतनी मेमोरी एलोकेट कर देता है, उसको असाइन कर देता है, उस एरे को दे देता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एन एरे ऑफ टाइप करेक्टर कैन बी यूज टू स्टोर करेक्टर स्ट्रिंग, और जो करेक्टर एरे है उसमें हम करेक्टर स्ट्रिंग्स जैसे किसी का नाम है वो स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से सी प्रोग्रामिंग में जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी सबकी प्रेसिडेंस एक बार फिर से देख लेते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस प्लस
प्लस प्लस पोस्ट फिक्स एंड माइनस माइनस पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस सेम होती है, ये लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, और ये सी प्रोग्रामिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होता है। मतलब ये ऑपरेटर यदि मिलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस प्लस प्लस ऑपरेटर पोस्ट फिक्स के रूप में या माइनस माइनस ऑपरेटर पोस्ट फिक्स के रूप में, तो ये सबसे पहले इनको सॉल्व किया जाएगा, इन ऑपरेटर्स को सबसे पहले ऑपरेट कर किया जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी आती है प्लस या माइनस टाइप ऑपरेटर है। टाइप ऑपरेटर का मतलब जो साइन चेंज करते हैं, जब फाइव है उसके पहले माइनस लगा दिया तो माइनस फाइव बन जाएगा, तो ये ऑपरेटर एक्सक्लेमेटरी साइन से जो बाइनरी बिट वाइज ऑपरेटर बनता है वो, प्लस प्लस प्रीफिक्स और माइनस माइनस प्रीफिक्स, मतलब जो वेरिएबल लिखा है उसके पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस लिख दिया, जो एक का इंक्रीमेंट करते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं ये सारे। तो जो ऊपर वाले हैं उनके बाद में इन ऑपरेटर्स की, ये यूनरी ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रेसिडेंस आती है। उसके बाद में स्टार सिलेस एंड परसेंटेज, ये मल्टीप्लिकेटिव जो ऑपरेटर्स हैं ये लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं, और इनकी प्रेसिडेंस इनका इनका वरीयता क्रम ऊपर वालों के बाद में। इनके बाद में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एडिटिव जो ऑपरेटर्स हैं उनको ऑपरेट किया जाता है, और ये भी लेफ्ट टू राइट होते हैं। उसके बाद में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जो लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होते हैं, ये रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, उनकी वरीयता होती है। उसके बाद में इक्वलिटी के लिए, जो दो नंबर उनमें दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं या दोनों इक्वल नहीं हैं, ये चेक करने के लिए जो इक्वलिटी ऑपरेटर होता है वो भी लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होता है, उसकी वरीयता होती है। उसके बाद में एंड जो बाइनरी ऑपरेटर एंड होता है उसकी वरीयता होती है। उसके बाद में और जो बाइनरी ऑपरेटर है उसकी वरीयता आती है। उसके बाद में जो ट्राइनरी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग का अकेला ट्राइनरी ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क कॉलन जो हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, उसकी वरीयता आती है। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर की वरीयता आती है, और सबके बाद में कोमा ऑपरेटर है उसका नंबर आता है। एरे एग्जाम्पल्स, ये एरे एग्जाम्पल्स समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो हम देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला है ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 01, ये एग्जाम्पल है, ये पुटिंग एन एरे इनिशियलाइज्ड विद 0। एक एरे को डिक्लेयर करेंगे और उसको 0, उसके सारे एलिमेंट्स को 0 करेंगे। तो सबसे पहला एक एरे डिक्लेयर करते हैं, एन नाम की एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट में 10 लिखा है, मतलब उस एरे की साइज 10 है। बाद में एक साइज टी, इसको अभी के लिए अनसाइंड लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर माने, साइज टी को लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर मानेंगे अभी के लिए। बाद में एक फॉर लूप है, उसके अंदर एन आई इक्वल टू 0 लिख दिया है, ये फॉर लूप है, इसमें काउंटर वेरिएबल आई है, आई की वैल्यू 0 से, इनिशियल वैल्यू 0 है और आई लेस देन 10 लिखा हुआ है, मतलब आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी। तो एन जो एरे है उसका 0th एलिमेंट मतलब पहला एलिमेंट, बाद में एन का सबस्क्रिप्टेड 1 एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट, और इस तरह से एन एरे का 9 सबस्क्रिप्टेड एलिमेंट मतलब 10वां एलिमेंट, इस तरह से इस लूप में ये एलिमेंट आते जाएंगे और 0 होते जाएंगे। उसके बाद हम एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग एलिमेंट एंड वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और उनके नीचे एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू, आई की वैल्यू और एरे के आई थ एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये इस तरह से अपना प्रोग्राम है, हम कंपाइल करते हैं एंड रन एंड कंपाइल करते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो 0th, 1, 2, 3, ये एलिमेंट नंबर हैं, और हर एलिमेंट नंबर की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है जिसमें
एरे को इनिशियली एक लिस्ट के रूप में दे दिया जाता है। तो लिस्ट में के रूप में एरे एलिमेंट्स को देने के लिए हम क्या करते हैं, तो जहाँ एरे को डिक्लेयर किया है उसी के आगे सेमीकोलन लगाने के बजाय इक्वल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो लिख देते हैं कॉम मार्क से अलग करके, और बाद में कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद में सेमीकोलन लगा देते हैं, मजला कोष्ठक बंद होने के बाद में सेमीकोलन लगा देते हैं। इस तरह से एक एरे को इनिशियली नंबर दे सकते हैं। हम इनको प्रिंट करके देखते हैं क्या यही नंबर प्रिंट होते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमने जो नंबर्स दिए थे वही नंबर प्रिंट हुए हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इनिशियलाइजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे एस टू गिवन इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 20। तो इस बार इन एरे के एलिमेंट्स जो हैं एक एस नाम की एरे डिफाइन किया है, उससे पहले डिफाइन एक प्री प्रोसेसर कमांड है, उससे साइज एक सिंबॉलिक वर्ड लिया है जिसमें एस आई जे डी अपर केस में और उसकी वैल्यू 10 है, मतलब जहाँ कहीं भी साइज लिखा हुआ है वहाँ 10 कंसिडर्ड होगा पूरे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर साइज अपर केस में लिखा हुआ वहाँ 10 कंसिडर होगा। तो यहाँ एस नाम का एक एरे डिक्लेयर किया गया है जिसकी साइज 10 है, साइज है उसका, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स साइज है और साइज की वैल्यू 10 है, मतलब ये एरे है इसकी साइज 10 है। उस एरे के एलिमेंट्स को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि एरे का जो सबस्क्रिप्ट एलिमेंट जे है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर दिया गया है, मतलब जे की वैल्यू 0 है उसमें एरे के एलिमेंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे की वैल्यू जब 1 है उसमें एरे एलिमेंट की वैल्यू 2 + 2 = 4 हो जाएगी, जब एरे सेकेंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 2 + 2 = 4 तो ये 6 हो जाएगी, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। इस तरह की वैल्यूज असाइन होने के बाद में हम इस एरे को प्रिंट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो एरे को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। एरे सक्सेसफुली कंपाइल हो गई, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया एंड रन करने पर एरे के एलिमेंट्स 2, 4, 6, 10, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 आ गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब किसी एरे के अनबाउंडेड एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। अनबाउंडेड एलिमेंट्स का यहाँ क्या मतलब है वो भी देखते हैं। तो एक एरे है उसमें हमने 5 एलिमेंट्स लिए हैं और उन एलिमेंट्स को हम बाद में प्रिंट करके देख रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रिंट करने से पहले एरे में एलिमेंट्स 5 हैं, लेकिन जब प्रिंट कर रहे हैं तब 10 एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एरे में यदि एरे की साइज 5 है, नंबर भी 5 ही दिए हैं, लेकिन हम यदि प्रिंट करते समय लूप को 10 बार चला देते हैं आई की वैल्यू जब 5, 6, 7, 8, 9 होगी उसमें क्या प्रिंट होगा वो महत्वपूर्ण होगा, वो देखेंगे। और दूसरा, क्या ये प्रोग्राम कोई एरर देगा, तो वो चेक करते हैं। ये प्रोग्राम कोई एरर नहीं दे रहा कंपाइलेशन के टाइम, और जब रन कर रहे हैं तो जो एरे की डिक्लेयर्ड साइज है उसके आगे वाले एलिमेंट्स रैंडमली कोई भी नंबर आ रहे हैं। इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं। दोबारा रन करते हैं तो ये नंबर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब ये रैंडमली कोई भी नंबर आ रहे हैं, इन नंबर्स का हमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमने एरे की साइज 5 दी थी, तो जो शुरुआती 5 एलिमेंट्स हैं वो सही वही आ रहे हैं जो हमने दिए थे, आगे वाले रैंडमली कोई भी नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब एरे को हम यदि अनबाउंडेड रख देते हैं तो हमें कोई भी गलत वैल्यू मिल सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें एरे के सभी एलिमेंट्स का सम करते हैं, सबको ऐड करते हैं। तो इस यहाँ पर भी साइज इक्वल टू 10 दिया है, देन एक एरे दिया है, एरे के कुछ एलिमेंट्स दिए 9, 7, 5, 64, 76, 82, 68, 73, 67 एंड 5।
एक टोटल नाम का वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, एक लूप जिसमें आई एक काउंटर वेरिएबल है, उसमें टोटल में एन का आईथ एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, टोटल में एन का आईथ एलिमेंट ऐड करते जा रहे हैं। इस तरह से सारे एलिमेंट्स हैं एरे के, उनका एडिशन टोटल में स्टोर हो जाएगा, देन हम टोटल को प्रिंट कर रहे हैं। चेक करते हैं, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन किया तो एरे के सभी एलिमेंट्स का समेशन हमें प्रिंट में मिल गया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक स्टूडेंट पोल है उसका एनालिसिस करके देख रहे हैं। तो स्टूडेंट पोल का एनालिसिस का मतलब है यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, काउंटर वेरिएबल आंसर एंड रेटिंग। यहाँ दो डेफिनेशन दिए हैं, रेस्पॉन्स साइज एंड फ्रीक्वेंसी साइज। रेस्पॉन्स साइज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रिस्पॉन्डेड टू दिस पोल, और फ्रीक्वेंसी साइज है कौन सा कितनी बार आ रहा है। तो किसी कोई स्टूडेंट से एक ऐसा पोल करवाते हैं जिसमें उनको काम दिया जाता है कि वो किसी को रेटिंग दें, कितनी 1 मिनिमम है 10 मैक्सिमम है, मतलब वो किसी को रेटिंग दे रहे हैं, 1 रेटिंग दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में रेटिंग दे रहे हैं। ये रेटिंग कोई भी किसी भी तरह से दे सकता है, कोई कौन सी अच्छी कौन सी बुरी वो हम अभी नहीं कर रहे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी साइज, फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे लिया है जिसकी साइज है फ्रीक्वेंसी अंडरस्कोर साइज, और उसके सारे एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। एक एलिमेंट को इनिशियलाइज जीरो को कर्ली ब्रैकेट में देने पर बाकी सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली एरे में जीरो हो जाते हैं। और फिर दूसरा है रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स इस तरह से रहता है, पहला कैंडिडेट 1 देता है, दूसरा 2, तीसरा 6, चौथा 4, और इस तरह से सब कैंडिडेट्स 40 कैंडिडेट्स अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं। अब हम इसको कौन सा नंबर कितनी बार आया ये स्टोर करते हैं, तो एक लूप लगाते हैं जिसमें आंसर 0 से स्टार्ट करते हैं, आंसर एक काउंटर वेरिएबल है और वो रिस्पॉन्स साइज तक जाता है, मतलब कितने रिस्पॉन्सेज आए वहाँ तक जाता है। यहाँ हमारे पास ये 40 है और नेक्स्ट आंसर, और ये करता क्या है, फ्रीक्वेंसी नाम का जो वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी नाम का जो एरे है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देता है। उसके कौन से नंबर में करता है, कौन से फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट में करता है, तो वो नंबर है रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्सेज अपने आप में एक एरे है, और उस एरे का जो एलिमेंट आएगा आंसर नंबर पे, मतलब आंसर 0 है तो रिस्पॉन्सेज एरे का 0th एलिमेंट जो कि यहाँ 1 है, तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट एलिमेंट मतलब फ्रीक्वेंसी का 0 एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी का 1 सबस्क्रिप्ट वाला नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। बाद में 2 आएगा तो फ्रीक्वेंसी का 2 में ऐड हो जाएगा, बाद में 6 आएगा तो फ्रीक्वेंसी 6 में 1 ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट रेटिंग और फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर रहे हैं, दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आता है। तो प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और ये रन हो गया। तो यहाँ पर 1 है वो 1 बार 2 बार आया, 2 भी 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया, 4 भी 2 टाइम्स आया, 5 टाइम्स आया, 6 11 टाइम्स आया, 7 5 टाइम्स आया, 8 7 टाइम्स आया, और 9 1 टाइम आया, और 10 3 टाइम्स आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। हिस्टोग्राम या बार ग्राफ क्या होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई वीडियोस में। तो इसमें ये होता है कि एक नंबर कितनी बार आया है, जब पिछला एग्जांपल था उसकी तरह कोई नंबर कितनी बार आया है हम ग्राफ से शो करते हैं। यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम एक स्टार लगाते हैं। तो यहाँ एन नाम का एक वेरिएबल लिया है, एरे वेरिएबल लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 19, 3, 15, 7, 11, 9, 13, 5, 17 एंड 1, और उन एलिमेंट्स की वैल्यू एंड समथिंग सम हिस्टोग्राम। तो एलिमेंट्स जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रिंट करेंगे, उसके आगे जो भी 1 पे जैसे वैल्यू है 19, 2 पे 3, 3 पे 15 ये वैल्यू प्रिंट करेंगे, और उसके बाद में उसी लाइन में
उसी पंक्ति में उतने स्टार प्रिंट कर देंगे। जैसे 19 है तो पहले पंक्ति में 19 स्टार, दूसरी पंक्ति में 3 स्टार एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप लगाना पड़ेगा। एक फॉर लूप लगाया, उसके बाद में आई और एन आई को प्रिंट किया, और उसके बाद में न्यू लाइन में जाने से पहले ही हम एक और नेस्टेड फॉर लूप लगा के उसमें स्टार्स को प्रिंट करेंगे। जब स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद में हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। तो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ये रन हो गया। तो रन करने पर हमें जिस एलिमेंट की जितनी वैल्यू है उतने आगे स्टार प्रिंट होके मिल गए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रोल ए सिक्स साइडेड डाई 6 मिलियन टाइम्स। एक कोई क्यूब है जिसपे के हर साइड पे कोई नंबर लिखा है 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसको हम 60 लाख बार उछालते हैं तो हमें कौन सा नंबर कितनी बार मिलता है, 1 कितनी बार मिलेगा, 2 कितनी बार, 3 कितनी बार, 4 कितनी बार, 5 कितनी बार एंड 6 कितनी बार मिलेगा। तो इसको भी हम एरे की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर एक एरे लिया है फ्रिक्वेंसी और साइज। साइज यहाँ पर 7 है तो एक फ्रिक्वेंसी नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया है। अब ये जो क्यूब है वो हम रियल में तो उछाल नहीं सकते, तो यहाँ पर हम रेंडम नंबर से एक प्रोग्राम बनाते हैं। और रेंडम नंबर से प्रोग्राम क्या बनाते हैं, तो एक उछालने मतलब उतने राउंड हम लगाएंगे, एक रेंड फंक्शन है उसका 6 के साथ रिमाइंडर लेंगे। रेंड फंक्शन है वो एक इंटीजर देता है, 6 के साथ रिमाइंडर सेसपल देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से एक कोई एक हो जाएगा। वो हम फेस को असाइन कर देंगे। अब फेस की वैल्यू 1 होगी तो फ्रिक्वेंसी के फर्स्ट एलिमेंट 1th एलिमेंट में एक ऐड हो जाएगा। फेस की वैल्यू 2 होगी तो फ्रिक्वेंसी के सेकेंड एलिमेंट में, फेस की वैल्यू 6 होगी तो फ्रिक्वेंसी के 6th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। इस तरह से फेस की वैल्यू क्या आई है वो फ्रिक्वेंसी में हम काउंट कर चुके हैं, उन फ्रिक्वेंसीज के बाद में हम प्रिंट कर देते हैं। चेक करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल और ये वैल्यूज आ गई हैं। दोबारा रन करेंगे, वैल्यूज कुछ अलग आएंगी लेकिन लगभग हर वैल्यू 10 लाख के लगभग इक्वल है। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है ट्रीटिंग करेक्टर एरे एज स्ट्रिंग। एक करेक्टर एरे है जिसको स्ट्रिंग के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं ये देखना है। तो हमने एक करेक्टर एरे, इस बार एक एरे डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग 1 जिसका डाटा टाइप है करेक्टर, जिसकी साइज लिया है 20 एलिमेंट्स की। एक करेक्टर एक दूसरी एरे लिया है जिसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर नहीं लिखा है स्ट्रिंग 2, और उसके इक्वल कोटेशन मार्क में लिख दिया है स्ट्रिंग लिटरल। तो करेक्टर एरे है उसका एक खास ये है कि उसको हम स्ट्रिंग उसको हम डबल कोटेशन के अंदर भी दे सकते हैं। और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं। तो जैसे ये पहला प्रिंट स्टेटमेंट है जो एक परसेंटेज है इससे एक एरे को प्रिंट करता है, तो ये यहाँ पर प्रिंट करेगा एंट्री स्ट्रिंग नो लॉन्गर देन 19 करेक्टर्स, ये ऐसा प्रिंट कर देगा। फिर हम स्कैन रीड करते हैं एक करेक्टर एरे को, तो ये एरे है इस करेक्टर एरे जिसका नाम स्ट्रिंग 1 दे रखा है उसको रीड करते हैं। तो स्कैनएफ में रीड करेंगे, यहाँ पर एरे का नाम लिखने से पहले एम% नहीं लगाएंगे। उसके बाद में हम दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं। एक और प्रिंट करने का मेथड हम काम में लेते हैं कि जो स्ट्रिंग 1 है उसके एक एक एलिमेंट को विद सिंगल स्पेस प्रिंट करके देखते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और देन न्यू लाइन प्रिंट करते हैं। तो इसको कंपाइल करते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब यहाँ पर कोई हेलो नाम से हम एरे देते हैं। वाह, ये तो सक्सेसफुली रन हो गया।
यहाँ हमने हेलो दिया तो ये स्ट्रिंग वन है, जो स्ट्रिंग वन में हेलो स्टोर हो गया। देन स्ट्रिंग टू है, उसमें स्ट्रिंग लिटरल वहाँ दिया हुआ था, स्ट्रिंग स्पेस लिटरल, और स्ट्रिंग वन है हेलो, उसको अलग अलग करके करें तो एच ई ई एल ओ हर एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम एक और टेस्ट करते हैं, यहाँ जैसे मैं इनपुट में देता हूँ सी प्रोग्रामिंग और आगे सी और लिख देता हूँ। ये क्या, यहाँ पर जो स्पेस दिया, जो इनपुट दे रहे हैं उसमें यदि बीच में स्पेस दे दिया तो यहाँ स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, लेकिन स्ट्रिंग लिटरल वाली प्रोग्राम के अंदर कोटेशन में थी इसलिए उसमें स्पेस दे सकते हैं। मतलब हम इनपुट्स में कीबोर्ड से जो स्ट्रिंग देते हैं उसमें हम स्पेस दे देंगे या टैब दे देंगे या न्यू लाइन दबा देंगे, वो अलाउड नहीं होगा। मतलब उसके पहले तक ही स्ट्रिंग मानी जाएगी, उसके बाद वाली को स्ट्रिंग नहीं मान, इनपुट के रूप में नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में जो करेक्टर एरे लिया है उसको नॉर्मल एरे के रूप में हर एलिमेंट को अलग अलग दे दिया। यहाँ पर स्ट्रिंग एरे में हमें देखना होगा कि लास्ट में हमें एक नल करेक्टर देना है जो हम बैक स्लैश जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में इस स्ट्रिंग को प्रिंट करके देख लेते हैं क्या स्ट्रिंग लिटरली प्रिंट कर रही है। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, यस ये स्ट्रिंग लिटरल ही प्रिंट कर रही है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये एग्जांपल है स्टैटिक एंड ऑटोमेटिक एरे का। तो यहाँ एक स्टैटिक एरे इंट और एक ऑटोमेटिक एरे इंट नाम के दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, प्रोटोटाइप हैं ये दोनों। उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके अंदर पहला कॉल एक फर्स्ट कॉल टू ईच फंक्शन, ये एक प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट। बाद में स्टैटिक एरे इंट को कॉल करते हैं, देन ऑटोमेटिक एरे इंट को। बाद में एक प्रॉम्प्ट है सेकंड कॉल टू ईच फंक्शन, और बाद में स्टैटिक एरे और ऑटोमेटिक एरे को कॉल करते हैं। मतलब हम एक बार स्टैटिक एरे को कॉल कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिक एरे को, उसके बाद फिर स्टैटिक एरे को कॉल कर रहे हैं, और बाद में ऑटोमेटिक एरे इंट को। ये दोनों फंक्शन से इनको बारी बारी हम कॉल कर रहे हैं। दोनों फंक्शन क्या हैं, तो पहले है स्टैटिक इन एरे इंट फंक्शन। तो इस फंक्शन में एक तीन साइज की एरे वन डिक्लेयर किया, और उस एरे वन है वो इंटीजर टाइप है, स्टैटिक इंटीजर टाइप है, स्टैटिक इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ओनली इंटीजर होता तो ये ऑटोमेटिक होता, ये स्टैटिक इंट है। उसके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट किया है, ये स्टैटिक एरे है इसलिए इनिशियली इनके इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, सबको प्रिंट कर लिया। देन फिर से प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन फिर से प्रिंट करने से पहले फिर से जब प्रिंट कर रहे हैं एरे के हर एलिमेंट को फाइव, हर एलिमेंट में फाइव ऐड भी कर रहे हैं। तो यहाँ हर एलिमेंट में फाइव ऐड हो रहा है और बाद में प्रिंट होगा। ऑटोमेटिक एरे क्या है, तो ये ऑटोमेटिक इन एरे इंट है, INIT है, उसमें एक ऑटोमेटिक एरे लिया है। मतलब जब एरे को डिक्लेयर करना है उससे पहले इंट लिखा है, स्टैटिक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक एरे है। और इसमें एरे के सभी एलिमेंट्स को 1, 2, 3 ये वैल्यूज दिए हैं, मतलब जीरो एलिमेंट को 1, फर्स्ट एलिमेंट को 2 एंड सेकंड एलिमेंट को 3 वैल्यू दिया। उसके बाद उस एरे के वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 को प्रिंट कर रहे हैं। देन फिर से प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हर एलिमेंट में 5 के इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, पहला कॉल है उसमें तो सब कुछ इसी तरह से प्रिंट होगा, दूसरे कॉल में जब ये स्टैटिक इंट है उसमें वो इनिशियली 5 वैल्यू जो इंक्रीज करने के बाद हो गई वो वैल्यू लेगा, देन उनमें ऐड करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली में सब कुछ रिपीटेड होगा। चेक करते हैं कंपाइल एंड रन करके, ये सक्सेसफुली कंपाइल किया, देन ये रन किया। रन इसको जूम इन करके देख लेते हैं। हाँ तो ये पूरा आउटपुट है, ये पूरा आउटपुट है, और इस पूरे आउटपुट को यदि आप जूम करके देखें तो यहाँ से फर्स्ट कॉल टू ईच फंक्शन, ये तो प्रॉम्प्ट था,
वैल्यूज ऑन एंटरिंग स्टैटिक एरे इंट एरे। स्टैटिक इंट एरे में पहला एलिमेंट जीरो, दूसरा एलिमेंट जीरो और तीसरा एलिमेंट जीरो, तीनों एलिमेंट जीरो हैं। और उसके बाद हर एलिमेंट में फाइव ऐड कर दिया था, तो पहला एलिमेंट भी फाइव हो गया, दूसरा एलिमेंट भी फाइव हो गया, देन तीसरा एलिमेंट भी फाइव हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक एरे को का प्रॉम के अंदर, ऑटोमेटिक एरे के अंदर तीनों एलिमेंट्स वन टू एंड थ्री हैं, सब में वन वन ऐड करने पर पहला एलिमेंट सिक्स हो गया, दूसरा एलिमेंट सेवन हो गया एंड तीसरा एलिमेंट एट हो गया। उसके बाद में सेकंड कॉल है दोनों फंक्शंस को, उसमें पहले स्टैटिक इंट एरे को कॉल होता है। यहाँ पर ये जो पुरानी वैल्यू फाइव 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 थी वो तीनों वेरिएबल्स की रह जाती है, देन उनमें एक एक ऐड फाइव फाइव ऐड करते हैं तो तीनों की वैल्यूज टेन हो जाती है। देन दूसरा एरे है उसमें सब कुछ रिपीटेड है, पहले वैल्यू वन टू थ्री देन फाइव ऐड होके सिक्स सेवन एट। इस तरह से हमने एरे के कुछ एग्जांपल्स को रन करके देख लिया। अब हम देखें यहाँ पर जो कमेंट्स लिखे हैं, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को वन बाय वन सब पॉइंट्स को देखना चाहें तो इनको देखें। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले जैसे ये एक प्रोग्राम है जिसमें यहाँ साइज अंडरस्कोर टी और आगे आई लिखा है, ये डाटा टाइप पहले हमने नहीं देखा। तो पहले एक एग्जांपल इसको फिर से रन करके इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल को यदि हम फिर से रन करते हैं तो ये है एग्जाम्पल जीरो वन डॉट सी, इसमें साइज अंडरस्कोर टी नाम का, साइज अंडरस्कोर टी नाम का एक डाटा टाइप है और देन आई लिखा है। यहाँ पर ये आई काउंटर की तरह काम कर रहा है, एक इस लूप में और एक इस लूप में। फर्क इतना है इसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ सेव परसेंटेज सेवन एल यू लिखना पड़ रहा है। ये मैं मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा हूँ जिसमें जी सी सी का वर्जन कौन सा है देख लेते हैं। तो यहाँ जी सी सी माइनस वर्जन, माइनस वर्जन काम नहीं करता, दो बार माइनस लगाना पड़ता है। तो ये जी सी सी 7.4.0 है, मतलब मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं जब जी सी सी 7.4.0 लिख रहा हूँ उसमें ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस साइज अंडरस्कोर टी के अंदर, इस डाटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर के रूप में मानता है, लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर। इसलिए मुझे यहाँ 7 LE, यहाँ एल यू लिखना पड़ा है। यदि ये पुराना थोड़ा कंपाइलर है तो यहाँ अनसाइंड सिर्फ यू लिखने से काम चल जाएगा, क्योंकि साइज अंडरस्कोर टी का मतलब अनसाइंड ही है। बस इसको प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लें तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन हो गया। यस, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ये एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जैसे एक नॉर्मल लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर करता है। यहाँ पर ये जो साइज अंडरस्कोर टी है ये अनसाइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अभी जो मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइलर जीसीसी का 7.4.1 है या 7.4.0 है उसमें ये अनसाइंड इंटीजर की बजाय अनसाइंड लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर की तरह काम करेगा। ये इस तरह का वेरिएबल है वो नॉर्मली सबस्क्रिप्ट में लिखने वाले वेरिएबल्स को काम में लेने के लिए, काम सबस्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स के लिए काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ आई को हम सबस्क्रिप्टिंग के लिए काम में ले रहे हैं, एन जो एरे है उसमें सबस्क्रिप्टिंग के काम में ले रहे हैं, उसके लिए इस तरह के डाटा टाइप वाले वेरिएबल को काम में लिया जाता है जो साइज अंडरस्कोर टी के अंदर डिफाइंड है। और इसकी डेफिनेशन है वो stddf.h, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है stddf.h उसके अंदर होती है, लेकिन ये जो फाइल है ये stdio.h के अंदर वैसे ही इंक्लूड की हुई होती है, इसलिए हमें इसको अलग से इंक्लूड नहीं करना पड़ता। ये एग्जांपल है दूसरा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं।
ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक इंटीजर एरे लिया जिसकी साइज 10 है और उसके वेरिएबल्स को कर्ली ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया। उसके बाद उन वेरिएबल्स को उनकी उन एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। इसको कंपाइल एंड रन करके देखें, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन किया तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो यहाँ पर लिखा द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड व्हेन द एरे इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग द डेफिनेशन विद एन इक्वल साइन एंड ब्रेसेस। जब किसी एरे को डिफाइन करते हैं उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो पिछले एग्जांपल में हमने जीरो से इनिशियलाइज किया, यहाँ पर हम उसको दूसरे नंबर से इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर जीरो एलिमेंट को वैल्यू दिया 90, फर्स्ट एलिमेंट को 78, सेकेंड एलिमेंट को 59 एंड सो ऑन, ये हमने वैल्यूज दिए हैं। तो एक एरे को इनिशियलाइज कैसे करें डेफिनेशन के साथ ही? तो डेफिनेशन के जस्ट बाद में इक्वल का साइन लगाएं, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, मतलब मजला कोष्ठक। मजला कोष्ठक के अंदर जो भी एरे के एलिमेंट्स को वैल्यूज देनी है वो वैल्यूज कोमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर हमने नंबर, जैसे यहाँ पर एरे की साइज 10 लिया और यहाँ नंबर भी 10 लिखे, यदि मैं यहाँ 10 नहीं लिखता, कुछ कम लिख देता, 5 लिख देता, तो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली जीरो बना लेता। यदि मैं सारे एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज करना हो, किसी एरे के सारे एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज करना हो, तो मैं बार बार जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती। हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं एन एरे इक्वल टू, एरे को जहाँ डिफाइन किया उसके आगे इक्वल का साइन लगाए, कर्ली ब्रेसेस में एक बार जीरो लिख देंगे। इस बार एक बार जीरो लिखने का मतलब है ये पहले एलिमेंट को जीरो बनाएगा, लेकिन एरे के लिए सी प्रोग्रामिंग में स्पेसिफिकली ये पहले एलिमेंट को नहीं, ये बाकी सारे एलिमेंट्स को भी जीरो कर देता है। मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स यहाँ से जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखने लायक है कि जो ऑटोमेटिक एरे होते हैं, यहाँ दो तरह के एरेज होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह ऑटोमेटिक एरे एंड स्टेटिक एरे। तो ऑटोमेटिक एरे हैं उनके सारे एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट जीरो नहीं होते हैं, इसलिए हमें हमें जीरो करना होता है। जो स्टेटिक एरे होते हैं उसके सारे एलिमेंट्स बाय अपने आप से ही जीरो हो जाते हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक एरे है उसके एलिमेंट्स को हमें जीरो करना होता है, इसलिए हमें एटलीस्ट एक बार जीरो देना ही होगा। जी हम एक फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। ये जो मेथड है, ये जीरो करने का मेथड है या ये इनिशियलाइज करने का मेथड है, ये स्टैटिक एरे के लिए। यदि ये एरे स्टैटिक होती तो प्रोग्राम को जब हम स्टार्ट करते उसी समय सारे एलिमेंट जीरो हो जाते, लेकिन अपने यहाँ पर जैसे है ये ऑटोमेटिक एरे है, तो ऑटोमेटिक एरे के केस में जब इसको हम रन करेंगे तब ये एलिमेंट्स जीरो होंगे। एरे को जब हम यहीं पर इनिशियलाइज कर रहे हैं, सारी वैल्यूज दे रहे हैं, तो हमें एरे की साइज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देने की जरूरत नहीं होती। तो हम यहाँ पर जब डिक्लेयर करते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। ये साइज ऑटोमेटिकली आगे कितने नंबर्स दिए हैं, कितने एलिमेंट्स दिए हैं, उसके आधार पे साइज यहाँ अपने आप डिक्लेयर कर लेगा। तो इस तरह से हम डेफिनेशन में जब इनिशियलाइजर लिस्ट डेफिनेशन के साथ ही इनिशियलाइजर लिस्ट दे रहे हैं, जो इनिशियलाइज करने की लिस्ट दे रहे हैं, तो इसमें कितने नंबर आ रहे हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे के, उनको छुपा सकते हैं, उनको लिखे बिना काम निकाल सकते हैं, उनको बिना लिखे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है जो 2 से 20 तक किसी एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर रहा है। यहाँ पर हमने हैश डिफाइनर है, हैश डिफाइन एक काम में लिया। हैश का मतलब प्री प्रोसेसर कमांड है,
और डिफाइन का मतलब ये कुछ डिफाइन कर रही है, क्या डिफाइन कर रही है, साइज नाम का एक सिंबल डिफाइन कर रही है जिसकी वैल्यू 10 है, मतलब कहीं भी साइज लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली उसको 10 असाइन कर देगा। आगे हमने जैसे एरे को डिक्लेयर किया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिख दिया, साइज लिखने का मतलब 10 लिख रहे हैं। आगे हम एरे को जब कुछ नंबर्स दे रहे हैं तब भी 0 लेस देन साइज जे लेस देन साइज मतलब जे लेस देन 10, एंड इसी तरह से जब प्रिंट कर रहे हैं तब भी जे लेस देन साइज लिख रहे हैं। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है और जो भी वैल्यू हम चाहते थे वो मिल रही है। तो जब हम ये हैश डिफाइन लिखते हैं इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि हैश डिफाइन, जैसे हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो ये जब हैश लिखा जाता है तो प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है उसको काम में लेता है। और डिफाइन का मतलब ये एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है एन आइडेंटिफायर दैट इज दैट द प्रोसेसर रिप्लेसेस विद द रिप्लेसमेंट द टेक्स्ट बिफोर द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। तो जहाँ भी ये हमने आइडेंटिफायर लिखा है, जैसे यहाँ पर आइडेंटिफायर एस आई जेड ई लिखा है, तो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ एस आई जेड ई लिखा है वहाँ पर इस वैल्यू उसके आगे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू जैसे यहाँ हमने 10 लिखी है वो ये कंसिडर कर लेगा और उसके बाद में प्रोग्राम कंपाइल होगा। तो कंपाइलर है वो एस आई जेड ई अपर केस में जहाँ भी लिखा है उसकी जगह 10 कंसिडर करेगा। जब प्रोग्राम का प्री प्रोसेस पूरी हो जाती है तो जो भी अक्रेंस होती है जहां पर भी साइज लिखा मिलेगा, जो भी प्री प्रोसेस में हमने हैश डिफाइन में दिया है वो जहां कहीं मिलेगा, ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट इसको कहते हैं, ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट जहां कहीं भी मिलेगा उसको उसके आगे लिखे हुए टेक्स्ट से रिप्लेस कर लेगा। आगे हमने क्या लिखा है, एक नंबर लिखा है 10 लिखा, तो ये 10 से सब जगह रिप्लेस कर लेगा। और मोस्टली ये किसी प्रोग्राम को हमें स्केलेबल बनाना हो, मतलब गलती कम हो, हम साइज भूल ना जाएं बड़े प्रोग्राम्स में, उसके लिए इस तरह के प्री प्रोसेसर को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम है जिसमें एक एरे को डिफाइन किया है, आगे उसके एरे के एलिमेंट्स भी दे दिए, लेकिन जब वो प्रिंट कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा प्रिंट करके देख रहे हैं। एरे की साइज 5 है लेकिन हम 10 एलिमेंट्स प्रिंट करके देख रहे हैं। पहले कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं और प्रिंट हम 10 एलिमेंट्स कर रहे हैं। कंपाइल हो गया, रन करने पर 5 एलिमेंट ठीक ठाक प्रिंट हो रहे हैं जैसे दिए थे, आगे वाले एलिमेंट्स गलत प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, तो सी जो प्रोग्रामिंग होती है, सी प्रोग्रामिंग में एरे पर बाउंड चेकिंग नहीं होती है। एक प्रोग्राम में एरे में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने इस एरे में 5 एलिमेंट दिए हैं, तो ये प्रोग्राम हमें नहीं रोकेगा जब हम इसी एरे का 6ठा 7वां आगे के एलिमेंट्स पूछेंगे, तो ये प्रोग्राम हमें रोकेगा नहीं, जबकि वो एलिमेंट्स इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, प्रोग्राम क्या करेगा, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय ये हमें कोई वार्निंग नहीं देगा, यहाँ ना कोई एरर दिखाएगा ना कोई वार्निंग दिखाएगा। तो इस तरह के एरर से हमें बचना चाहिए, हमें इस तरह के एरर का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम जैसे साइज नाम का वेरिएबल काम में ले रहे थे वो भी इसके लिए ले रहे थे, तो जब भी हम कहीं एरर काम में ले रहे हैं तब हमें इस तरह की संभावित गलती से बच के रहना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। अब हम किसी एरे के सभी एलिमेंट्स का सम कैसे होता है इसको कंप्यूट करते हैं। तो उसके लिए एक एरे है उसको डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज किया, उसको नंबर्स दे दिए, देन एक लूप लगा के टोटल नाम का वेरिएबल है उसमें 1 by 1 वेरिएबल्स को ऐड कर दिया और हमने एरे के टोटल को प्रिंट कर दिया। यदि कम प्रोग्राम के रूप में देखें तो ये प्रोग्राम है जिसमें एक एरे दिया,
सभी एलिमेंट्स इसको इनिशियलाइज किया एरे को, एक टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू इनिशियली जीरो की, और उसको उसमें सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, देन उसको प्रिंट कर दिया। ये कंपाइल किया और ये रन कर दिया। एक स्टूडेंट वॉल है उसको एनालाइज करें, तो यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, रेस्पॉन्स साइज, एक कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स साइज है जिसकी वैल्यू 40, फ्रिक्वेंसी साइज की 11, और फिर जो रेस्पॉन्स है वो सारे एक एरे में लिए हैं, उनको उस एरे को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब सारे रेस्पॉन्स टाइप कर दिए। जो फ्रिक्वेंसी नाम की एरे है उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, एंड देन फ्रिक्वेंसी में जो रेस्पॉन्सेज हैं, कौन सा रेस्पॉन्स कितनी बार आ रहा है वो रिकॉर्ड कर लिया, देन उसको प्रिंट कर दिया। हम पहले रन करके देखें तो ये प्रोग्राम है, ये कंपाइल किया और रन किया, ये रेस्पॉन्सेज 2, 1 है वो 2 टाइम्स आया, 6 है वो मैक्सिमम 11 टाइम आया है, 10 है वो 3 टाइम्स आया। नेक्स्ट है एक डिस्प्ले करना हिस्टोग्राम का। तो एक एरे है, उस एरे में कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, उतना ही उतने एलिमेंट का एक स्टार हिस्टोग्राम प्रिंट होगा। हिस्टोग्राम में यहाँ जो वेरिएबल है वो स्टार काम में लेंगे, मतलब डिस्प्ले जो करेक्टर है वो स्टार काम में लेंगे। ये प्रोग्राम है, ये एरे हो गया, बाद में यहाँ पर एरे की वैल्यू कौन से एलिमेंट की कितनी वैल्यू वो प्रिंट हो रही है, उसके बाद में जो वैल्यू है उतने स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन हो गया और ये हमें हिस्टोग्राम मिल गया। देन एक डाई को 6 मिलियन टाइम्स 60 लाख बार उछालना, तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं और उस रैंडम नंबर का 6 के साथ रिमाइंडर ले रहे हैं, तो वैल्यू 1 to 5 कोई वैल्यू, 0 to 5 कोई भी वैल्यू मिलती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 to 6 कोई भी इंटीजर वैल्यू हो जाती है 1 2 3 4 5 6 में से, और उसमें फ्रिक्वेंसी में के उसी एलिमेंट में 1 ऐड कर लेते हैं, देन फ्रिक्वेंसी को प्रिंट कर देते हैं। ये प्रोग्राम है जिसमें हम एक रैंडम फंक्शन से 1 2 3 4 5 6 रैंडमली जनरेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं, देन फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर देते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन हुआ, रन करने पर ये सारी वैल्यूज लगभग 10 लाख के बराबर हर वैल्यू आ रही है। करेक्टर एरे में दो तरह की एरे हमने काम में लिए, एक स्ट्रिंग 1 है एक स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 1 में साइज, मतलब इसकी साइज 20 ली है, और दूसरी स्ट्रिंग 2 है उसको यही इक्वल का साइन लगा के डबल कोटेशन मार्क में उसमें लिख दिया है स्ट्रिंग स्पेस लिटरल, और बाद में हमने स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग 1 को रीड कर लिया स्कैनएफ के साथ। स्कैनएफ फंक्शन में जब स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो हमें कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज एस देना होता है, और स्ट्रिंग जो दे रहे हैं वो उसके पहले एम परसेंट नहीं लगाते। उसके बाद में स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 दोनों को प्रिंट कर लिया। स्ट्रिंग 1 को फिर से प्रिंट किया है, यहाँ 1 by 1 एलिमेंट वाइज प्रिंट किया है, तो यहाँ करेक्टर के रूप में प्रिंट किया है क्योंकि ये करेक्टर एरे है और हर करेक्टर के बीच में एक स्पेस भी प्रिंट किया है। तो यही प्रोग्राम दोबारा दिखा रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, देन स्ट्रिंग 1 को स्कैन किया, स्ट्रिंग 1 एंड 2 को प्रिंट किया, स्ट्रिंग 1 को विद स्पेसेस प्रिंट किया। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, यहाँ
हेलो लिख रहा हूँ तो यहाँ स्ट्रिंग वन में हेलो प्रिंट हो रहा है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट हो रहा है, और स्ट्रिंग वन को विद स्पेसेस सारे करेक्टर्स को प्रिंट करता हूँ तो एच ई एल एल ओ अलग अलग प्रिंट हो रहा है। फिर से कंपाइल करता हूँ, यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। इस बार भी स्ट्रिंग वन है, उसमें एरे के रूप में करेक्टर एरे के रूप में या स्ट्रिंग के रूप में सिर्फ हेलो को ही ले रहा है, वर्ड को नहीं लेगा। देखते हैं क्यों नहीं लेगा, कैसे ले रहा है। तो यहाँ पर जब हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को हम इस तरह से डबल कोट्स में दे सकते हैं, डबल कोट्स में हेलो लिख दिया जैसे स्ट्रिंग लिटरल को लिखा। ये एक स्टेटिक एरे है जो सारे इंडिविजुअल करेक्टर्स हैं, वो इस एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, करेक्टर्स हैं। एक एरे है उसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब इनिशियलाइज करते हैं जैसे यहाँ स्ट्रिंग लिटरल से इनिशियलाइज किया है, एरे को इनिशियल वैल्यूज हमने यहीं दे दिए, तो इसको कंपाइलर स्ट्रिंग की लेंथ से ऑटोमेटिकली पहचान लेता है। जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनका एंड कहाँ होता है, तो यहाँ जैसे स्ट्रिंग लिटरल है उसके बाद में एक छुपा हुआ करेक्टर है जो यहाँ हमें डिस्प्ले में नहीं दिखाई देता, और वो है \0। \0 इसको हम नल करेक्टर कहते हैं। तो ये नल करेक्टर एरे के टर्मिनेशन को, एरे के एंड को, एरे के पूरा होने को प्रदर्शित करता है। मतलब एरे का लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो एरे का लास्ट एलिमेंट नल करेक्टर होगा, और नल करेक्टर को हम यहाँ सी प्रोग्रामिंग में \0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरे है उस जब भी हम करेक्टर एरे की बात करें या स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल नंबर इस तरह का देना चाहिए कि अपनी एरे है उसकी साइज कभी भी इससे ज़्यादा ना हो। जैसे हमने यहाँ 20 दी है, तो ये करेक्टर एरे जो है स्ट्रिंग वन उसकी साइज कभी भी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी यहाँ पर ये साइज जो वेरिएबल देते हैं या साइज जब करेक्टर एरे को डिफाइन करते हैं वहाँ पर वो करेक्टर एरे का साइज वाला वेरिएबल है उसमें एक बड़ा नंबर दे देते हैं, और ये नंबर एटलीस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स आने के बाद नल करेक्टर भी आ जाए। मतलब एक एक्स्ट्रा, यहाँ 20 लिखा है, मतलब करेक्टर में डिस्प्ले वाले करेक्टर्स मैक्सिमम 19 हो सकते हैं, क्योंकि 20 वाला एलिमेंट \0 होगा तो सिर्फ 19 एलिमेंट्स हो सकते हैं। और जो भी स्ट्रिंग होती है वो करेक्टर्स का एक एरे होता है। तो हम जैसे पहली स्ट्रिंग है उसको एक एक करेक्टर रूप में हम प्रिंट करके देख चुके हैं, तो वो सारे करेक्टर्स अलग अलग प्रिंट होते हैं। कोई भी स्ट्रिंग है उसको हम स्कैनएफ से रीड कर सकते हैं, मतलब करेक्टर एरे को रीड कर सकते हैं। इसके लिए हमें कन्वर्जन स्पेसिफायर %s काम में लेना होगा, और जो स्ट्रिंग है उसको विदाउट %m हमें लिखना होगा एज ए आर्ग्यूमेंट। जो फंक्शन स्कैनएफ है वो सारे करेक्टर्स को तब तक रीड करेगा जब तक कि उसको कोई वाइट स्पेस नहीं मिल जाता। वाइट स्पेस का मतलब है हम कीबोर्ड से स्पेस की दबा दें और या एंटर की दबा दें या टैब की दबा दें, तो वहां तक के सारे करेक्टर्स को ये एरे में रीड करेगा। इट डज नॉट चेक द एरे साइज। ये इस जो हमने यहाँ जैसे 19 लिखा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने 19 लिखा कि इस करेक्टर एरे में 19 स्पेसेस तक ये रीड करे, लेकिन जब हमने रन करके देखा तो हेलो हेलो में HELLO 5 करेक्टर्स हैं, नल करेक्टर इंक्लूड करें तो 6 करेक्टर्स हैं, लेकिन इसने उतने 6 करेक्टर्स ही रीड किए। उसके बाद में जो स्पेस दिया इसने आगे करेक्टर्स को रीड नहीं किया। जो भी करेक्टर एरे है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हम उसको %s के साथ प्रिंट भी कर सकते हैं। मतलब उसका कन्वर्जन स्पेसिफाई %s होगा, और बाद में एज सिंपल वेरिएबल हम उसको प्रिंट कर देंगे, और ये तब तक प्रिंट होगी कोई भी स्ट्रिंग जब उस स्ट्रिंग का नल करेक्टर नहीं मिल जाएगा। मतलब %s है वो स्ट्रिंग को उतना लंबा प्रिंट करेगा जब तक कि उसको
नल करेक्टर नहीं मिल जाता। नेक्स्ट एग्जांपल ये देख लेते हैं। तो एक एरे है जिसको हम एक ये स्ट्रिंग है जो करेक्टर एरे है और उसको हम करेक्टर्स के रूप में इंडिविजुअल करेक्टर के रूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और हम सारे वेरिएबल्स को अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, तो strings देन स्पेस lightel एंड null करेक्टर, ये इसके ये जो एरे है उसके करेक्टर्स हैं एंड देन उस एरे को प्रिंट कर देते हैं। तो हम सेव करते हैं, सक्सेसफुली सेव कर दिया, देन कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है और ये स्ट्रिंग लिटरल को प्रिंट कर रहा है। जो करेक्टर एरे होती है उसको हम इनिशियलाइज करते हैं तो इंडिविजुअल करेक्टर्स को कॉन्स्टेंट इनिशियलाइजर लिस्ट के रूप में भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं जैसा कि इस एग्जांपल में किया है। नेक्स्ट है स्टैटिक एरे और ऑटोमेटिक एरे। तो स्टैटिक एरे है उसको हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली जीरो से इनिशियलाइज हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमने एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर स्टैटिक एरे ऑटोमेटिक एरे को कॉल किया, देन फिर से स्टैटिक एरे और ऑटोमेटिक एरे को कॉल किया। स्टैटिक एरे का फंक्शन है उसमें एक स्टैटिक एरे को डिक्लेयर किया, उसको प्रिंट किया है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो प्रिंट होंगे, तीन एलिमेंट के एरे हैं और देन उसके एलिमेंट्स को फिर से प्रिंट कर रहे हैं लेकिन 5 के इंक्रीमेंट के साथ, मतलब हर एलिमेंट 5 हो जाएगा। देन उसका ऑटोमेटिक एरे इंट का फंक्शन है उसमें एक एरे लिया है जिसमें इनिशियलाइज किया है वेरिएबल्स को 1, 2, 3, उनको प्रिंट कर रहे हैं। उसी तरह से उसमें भी हर एलिमेंट को 5 से 5 हर एलिमेंट में 5 ऐड करके उसको फिर से प्रिंट कर रहे हैं। हम कंपाइल एंड रन करके देख लें तो ये एग्जांपल है इसमें स्टैटिक एरे को कॉल किया, ऑटोमेटिक एरे को कॉल किया, देन अगेन स्टैटिक एरे को कॉल किया, ऑटोमेटिक एरे को कॉल किया। स्टैटिक एरे है उसमें एक एरे लिया है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, स्टैटिक एरे लिया है उसको प्रिंट कर रहे हैं, देन उसको फिर से 5 के इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट कर रहे हैं। ऑटोमेटिक एरे है उसमें एक एरे लिया है जिसको इनिशियल वैल्यू 1, 2, 3 दी है, उसको प्रिंट कर रहे हैं देन हर एलिमेंट में 5 ऐड करके फिर से प्रिंट कर रहे हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन किया तो यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल किया तो पहले कॉल में स्टैटिक इंट एरे में तीनों वेरिएबल 0, 0, 0 प्रिंट हो गए, देन तीनों वेरिएबल 5, 5 प्रिंट हो गए। उसके बाद ऑटोमेटिक एरे को कॉल किया तो ऑटोमेटिक एरे में पहले तीनों एलिमेंट 1, 2, 3 प्रिंट हो गए, देन 6, 7, 8 प्रिंट हो गए। दूसरी बार जब स्टैटिक एरे को इंट किया तो पहली बार उसके एलिमेंट्स 5, 5, 5 प्रिंट हुए, देन दूसरी बार 10, 10, 10, यानी स्टैटिक एरे में सब कुछ रिपीटेड है, सब कॉपी पेस्टेड है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, उनका स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या होता है। नॉर्मल वेरिएबल की तरह स्टैटिक जो एरे है उसमें भी स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। तो ए स्टैटिक लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम बट इज विजिबल ओनली इन द फंक्शन बॉडी। तो जो स्टैटिक एरे होती है उसमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ हमने एरे डिक्लेयर किया है, तो ये जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है पूरे टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका स्कोप एंड लाइफ टाइम पूरे प्रोग्राम के बराबर है। लेकिन ये डिस्प्ले कब होता है, विजुअल कब होता है, जब उस फंक्शन को कॉल किया जाता है जिसमें इसको डिक्लेयर किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। वी कैन अप्लाई स्टैटिक टू ए लोकल एरे डिफाइंड सो दैट द एरे इज नॉट क्रिएटेड एंड इनिशियलाइज्ड ईच टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड
and the array is not destroyed each time the function is executed in the program. This reduces program execution time, particularly for the programs with frequency called function that contain large arrays. तो जो ये स्टैटिक एरे होती है ये अपनी एक लोकल डेफिनेशन रखती है और हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो इसको बार बार हर टाइम क्रिएट नहीं किया जाता, हर टाइम इनिशियलाइज नहीं किया जाता। तो इस तरह से एरे बार बार डिस्ट्रॉय नहीं होगी और जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये अपनी पुरानी वैल्यू को एग्जिस्ट रखेगी, पुरानी वैल्यू को वैसा वैसा रखेगी। और इससे फायदा क्या होगा, प्रोग्राम का रन टाइम जो होता है, रन करने में जो टाइम लगता है वो कम होगा और ये रन करने का टाइम कम ज़्यादा नॉर्मली जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, जब हम बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं तो जो प्रोग्राम होते हैं उनमें हमें ये टाइम का महत्व समझ में आता है। जो स्टैटिक एरे होते हैं वो इनिशियल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं, उनकी इनिशियल वैल्यू सबकी जीरो होती है। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तभी स्टैटिक एरे को के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दिया जाता है। जब हम किसी स्टैटिक एरे को हम खुद इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो कंपाइलर उसके सारे एलिमेंट्स को स्वतः ही जीरो कर देता है। पासिंग एरेज टू फंक्शन, एरे एलिमेंट्स को फंक्शन को किस तरह से भेजा जाता है, मतलब फंक्शन में एरे कैसे भेजे जाते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो प्रोटोटाइप फंक्शन है, एक मॉडिफाई एरे और दूसरा है मॉडिफाई एलिमेंट। मॉडिफाई एरे में दो इनपुट आर्ग्यूमेंट हैं, इंट बी और आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है और दूसरा साइज अंडरस्कोर टी डाटा टाइप का, साइज नाम का वेरिएबल है। जो मॉडिफाई एलिमेंट है उसमें एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल इनपुट में लिया जा रहा है और दोनों के पहले वॉइड, ये मतलब दोनों ही एरे हैं, ये वॉइड टाइप रिटर्न करेंगे। देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में एक ए नाम का वेरिएबल है, ए नाम के एरे है जिसमें वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 दी गई हैं, उसको इनिशियलाइज किया गया है। उसके बाद में हम जो एरे है उसको प्रिंट कर लेते हैं और उसके बाद में उस एरे को प्रिंट करने के बाद में हम क्या करते हैं, हम मॉडिफाई एरे नाम के फंक्शन के को कॉल करते हैं, उसमें एरे को भेजते हैं और साइज़। यहाँ जब एरे को भेजते हैं तो सिर्फ एरे का वेरिएबल नेम देते हैं, जो आइडेंटिफायर नेम है उसकी साइज नहीं बताते, साइज अलग से आर्गुमेंट में हमने भेजी है। देन हम क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद में इसमें एक और फॉर लूप लगाया है जिसमें हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं। एरे को एक फंक्शन कॉल में भेजा है, वो फंक्शन कॉल में जो करेगा करेगा, मॉडिफाई एरे नाम का फंक्शन है जो हम देखेंगे क्या करेगा, उसके बाद में हम एरे को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। देन एक एलिमेंट है उसको प्रिंट कर रहे हैं, एरे ए का थर्ड एलिमेंट जो है, और उसको मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन के पास भेज रहे हैं और उसके बाद उस वेरिएबल को फिर से प्रिंट कर रहे हैं। तो मॉडिफाई एरे नाम का फंक्शन है वो क्या कर रहा है, तो उसके अंदर एरे के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मॉडिफाई एलिमेंट है उसमें उस एरे के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया जा रहा है। हम इस फंक्शन को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम है, में ये दोनों एरे हैं, एंड मेन फंक्शन है, एरे ए को इनिशियलाइज किया, डिफाइन करके इनिशियलाइज किया, एरे ए को प्रिंट किया गया, देन मॉडिफाई एरे फंक्शन को कॉल किया गया, फिर एरे को प्रिंट किया गया, देन एरे का थर्ड एलिमेंट ए 3 प्रिंट किया, फिर मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन को कॉल किया जिसमें इनपुट आर्गुमेंट ये थर्ड एलिमेंट है, देन उस एलिमेंट को फिर से प्रिंट किया। उसके बाद मॉडिफाई एरे फंक्शन है, उसके अंदर एरे के हर वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन मॉडिफाई एलिमेंट फंक्शन है जिसमें उस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया गया।
कंपाइल करते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, रन किया। तो रन करने पर हम देखते हैं एरे जो ओरिजिनल एरे थी उसके वैल्यू 0, 1, 2, 3 प्रिंट की हैं। तो बाद फंक्शन को कॉल किया गया था, उसके बाद में फिर से प्रिंट की तो एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुका है। मतलब मॉडिफाई फंक्शन जिसमें एरे को कॉल किया गया था वो एरे के वेरिएबल्स को चेंज कर देता है। बाद में वेरिएबल देखें तो A3 वेरिएबल की वैल्यू 6 प्रिंट किया, फंक्शन में भेजा तो वो वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में 12 हो गई, लेकिन मेन फंक्शन में वापस आया तो उस वेरिएबल की वैल्यू फिर पुरानी वैल्यू ही थी, 6 ही थी। तो इसमें क्या है, जब हम एरे को फंक्शन में पास करते हैं, एरे को फंक्शन में पास करते हैं, मतलब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें इनपुट वेरिएबल इनपुट आर्ग्यूमेंट के रूप में एक एरे लेते हैं, तो हम सिर्फ एरे का नाम लिखते हैं। जैसे हम यहाँ एरे ए है तो उसका सिर्फ वेरिएबल नेम एरे का नाम है वो हमने फंक्शन के अंदर इनपुट के रूप में लिखा। यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि जो करेक्टर एरे होती है उसका टर्मिनेशन हमें पता है कि नल करेक्टर पे उसका टर्मिनेशन होगा, लेकिन बाकी एरे होते हैं उनमें ऐसा कोई टर्मिनेटर नहीं होता है, हमें पता नहीं होता है कि एरे कहाँ टर्मिनेट होगी। इसलिए हम इस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो हम साइज इनपुट के रूप में दे देते हैं, जिससे फंक्शन को पता रहे कि ये एरे कितनी बड़ी है। यहाँ एक पूरा कमेंट समझते हैं, सी ऑटोमेटिकली पासेज एरेज टू फंक्शन बाय रेफरेंस। सी प्रोग्रामिंग में जब हम एरे को किसी फंक्शन में भेजते हैं तो इसको हम फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर एरे का जो कॉल है वो कॉल बाय रेफरेंस होता है। किस तरह से होता है, तो जो कॉल्ड फंक्शन है उसमें हमने एरे का ना वेरिएबल नेम लिखा है, या वेरिएबल नेम है वो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फंक्शन है उसके पास उस ओरिजिनल एरे का एड्रेस चला गया है, और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यूज हैं उनमें अब जब हम उन वैल्यूज को वेरी करेंगे तो वो उस वैल्यूज को चेंज करेंगे तो वो उन स्पेसेस पे जो एड्रेस है उस पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जब हम हमारा कंट्रोल वापस जिस फंक्शन से कॉल किया वहाँ वह आता है, जैसे अपने यहाँ के एग्जांपल में मेन फंक्शन था, तो वो फंक्शन जब उन्हीं वैल्यूज को रीड करता है तो ओरिजिनल एड्रेस पे जो वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं उनको रीड कर रहा है। इसलिए मेन फंक्शन के पास या जिस फंक्शन से कॉल कर रहे हैं उसके पास वो मॉडिफाइड वैल्यूज उसको मिलती हैं जो फंक्शन में मॉडिफाई हो गई थी। तो इस तरह से जब किसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फंक्शन की वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू पास होने के बजाय उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पास हो जाता है, एड्रेस पास होने का मतलब है मेमोरी लोकेशन चला गया है, मेमोरी में कहाँ पर वो वेरिएबल लिखा हुआ है ये उस फंक्शन के पास चला गया है, तो इसको हम कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। ऑल्दो एंटायर एरे आर पास्ड बाई रेफरेंस, इंडिविजुअल एरेज एलिमेंट्स आर पास्ड बाई वैल्यू, लेकिन जब हम इंडिविजुअल वेरिएबल को भेजते हैं, जैसे हमने A3 यहाँ भेजा है, तो यहाँ सिर्फ ये वेरिएबल की वैल्यू गई है, उसका एड्रेस नहीं गया, तो ये इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू। इस तरह से जब सिंगल एलिमेंट को जब हम किसी फंक्शन में भेजते हैं या सिंगल वेरिएबल को हम किसी फंक्शन में भेजते हैं तो उसको हम कॉल बाई वैल्यू कहते हैं, और ये उसी तरह बिहेव करेगा जैसे एक सिंपल वेरिएबल कॉल करता है। इस तरह के जो सिंगल वेरिएबल होते हैं, मतलब किसी भी एरे का कोई सिंगल एलिमेंट है उसको हम स्केलर्स कहते हैं, स्केलर कहते हैं, अदिस स्केलर कहते हैं। जब किसी एरे का हमें कोई सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल भेजना है तो हम उसका सबस्क्रिप्ट भी भेजते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम है उसके साथ उसका एलिमेंट नंबर क्या है वो भी इनपुट आर्ग्यूमेंट के रूप में भेजते हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल का नाम ए है, मतलब एरे का नाम ए है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा, मतलब उस एरे का थर्ड एलिमेंट हम भेज रहे हैं। जब हम एक फंक्शन में
कोई एरे रिसीव करते हैं, किसी फंक्शन में कोई एरे आती है, तो हम वहाँ पर उस एरे की साइज वहाँ नहीं बताते। पैरामीटर लिस्ट में जब एरे को हम स्पेसिफाई करते हैं तो उसके आगे सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, और वो स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप कंपाइलर चेक कर लेता है कि इसमें कितने वेरिएबल नेम्स आने हैं, उतने ही ये ले लेता है। यदि हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ मान लें 20 लिख दिया, लेकिन इनपुट आर्गुमेंट के रूप में 5 वेरिएबल्स आए, तो ये आगे के एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली जीरो कर लेता है। मतलब जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, वहाँ पर जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, उसके यदि उस एरे की साइज़ ज़्यादा है तो जितने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया उनकी वैल्यू हो जाती है, बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जितने हमने यहाँ पर यदि नंबर लिख दिया हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर नंबर लिख दिया, तो वो नंबर डिसाइड करेगा कि जो इनपुट में एरे आ रही है वो यदि उस नंबर से छोटी है तो उतने वेरिएबल्स को उतने एलिमेंट्स में वो एरे के नंबर स्टोर होंगे और बाकी में जीरो हो जाएगा। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। एक एरे है ए, उसको 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 एंड 30, और फिर एक फंक्शन को कॉल करते हैं ट्राई टू मॉडिफाई एरे। इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, इसमें इनपुट आर्गुमेंट है वो इंटीजर एरे होने की बजाय कॉन्स्टेंट इंटीजर एरे है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट CONST, और कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि इसको ये जो वैल्यूज हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगी। लेकिन उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को 2 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको 2 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फंक्शन को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं एक बार। तो ये प्रोग्राम है जिसमें ट्राई टू मॉडिफाई नाम एरे नाम का एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसके अंदर हर एलिमेंट की वैल्यू को 2 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपाइल, ओ ये तो कंपाइल ही नहीं हुआ, ये कंपाइल नहीं हुआ। यहाँ कारण क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि ये रीड ओनली है, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं वो रीड ओनली होती हैं, उनको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उनमें हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं लगा सकते, उनको हम राइट नहीं कर सकते। और यहाँ ये स्टार बी लिखा रहा है, लोकेशन स्टार बी, बी वेरिएबल का नाम है, मतलब एरे वेरिएबल का नाम है, और स्टार उसकी पॉइंटर पॉइंटर आ रहा है, पॉइंटर का आगे इंट्रोडक्शन आएगा एरे कंप्लीट होने के बाद, जो कुछ एरे से मिलता जुलता है, कुछ उसमें डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ हम ये मान लें कि कोई भी एरे है उसको जब कॉल किया जाता है और उसको यदि कॉन्स्टेंट क्वालिफायर के रूप में कॉल किया जाता है तो उसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। तो जब कोई एरे है उनको जो आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर्स हैं, वो यदि कॉन्स्टेंट क्वालिफायर पैरामीटर्स हैं, तो उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम उन एलिमेंट्स में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई करने की हम कोशिश नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो ये उसको सिंटेक्स एरर मानेगा और कंपाइल टाइम एरर हमें देगा, मतलब हमें एक कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। सॉर्टिंग एरेज एंड एप्लीकेशंस, एरे हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना, मतलब कोई एरे है तो उसकी सॉर्टिंग कैसे करें और इसके क्या उपयोग हैं। सॉर्टिंग नॉर्मली कोई भी एरे है तो उसके काम में आती है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में हम आगे कुछ भी काम करें तो सॉर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों करनी पड़ती है सॉर्टिंग, जैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखें तो मोस्ट प्रोबेबल अपन हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें हमें अलग अलग वैल्यूज किसी डाटा की मिलती हैं, किसी रीडिंग की अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखें, सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखें, थर्ड मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देखें, जो हर प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है अपर मोस्ट सेकेंड मोस्ट थर्ड मोस्ट,
वो अपना एक महत्व रखती है। तो ये हम कैसे देख सकते हैं, तो ये उन उस जो आउटपुट में डाटा मिला है उसकी शॉर्टिंग करके देख सकते हैं। उसको शॉर्टिंग करेंगे तो हम शॉर्टिंग यदि आरोही क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू सबके लास्ट में, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी। यदि हम अवरोही क्रम में करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले और सबसे छोटी वैल्यू सबके बाद में आ जाएगी। तो इस तरह से एरे की शॉर्टिंग हम कर सकते हैं, और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्टिंग ऑफ एरे और इसकी एप्लीकेशंस। तो हम इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 6, 4, 8, 10, 12, 89, 68, 45, 37, ये कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये एक एरे है, इसको समझते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। इसी एरे के नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 37, 45, 68 एंड 89। इसी एरे को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 89, 68, 45, 37, 12, 10, 8, 6, 4 एंड 2। ये जो ऊपर वाली एरे है जिसमें पहले छोटे नंबर हैं बाद में बड़े नंबर हैं, इसको कहते हैं आरोही क्रम, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर। और जो जो नीचे लिखा हुआ है उसको कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक एरे को इस तरह से कैसे काम बनाएं, प्रोग्राम कैसे लिखें कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए। तो इसको लिखने का पहले हम अपना नेचुरल मेथड देखते हैं कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सॉर्टिंग जो डाटा है वो प्लेसिंग द डाटा इन टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर सच असेंडिंग और डिसेंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। मतलब जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो ये सॉर्टिंग है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टूल है या महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम किसी एरे की सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसको आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए एक पैटर्न देख रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे ये दो नंबर्स हैं 2 और 6, इनमें छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, छोटे को पहले रखते हैं बड़े को बाद में, इस तरह का हम चेंज करेंगे। तो 2 और 6 में पहले से ही छोटा पहले है बड़ा बाद में, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से आगे देखें, यदि 6 एंड 4 में देखा जाए तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें इनको स्वैप करना पड़ेगा, 4 को पहले और 6 को बाद में करना पड़ेगा। उसके बाद में जो बचा हुआ एरे है उसमें अब 6 बाद में आ चुका है 4 के, तो अब नेक्स्ट जो सेट बन रहा है 2 एलिमेंट्स का वो है 6 एंड 8, इनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 8 और 10 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 10 एंड 12 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, 12 एंड 89 में भी कोई चेंज नहीं करेंगे। 89 और 68 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 89 पहले वाला बड़ा है बाद वाला छोटा, तो पहले वाले को 68 को पहले और 89 को बाद में ले आते हैं। बाद में 89 एंड 45 में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 89 बड़ा है 45 छोटा है, तो इनमें भी चेंज कर देते हैं। अभी इनको एक साथ लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं। तो 89 अब लास्ट में बचता है 89 और 37, तो इनको भी स्वैप करना पड़ेगा और नंबर बन जाएगा 37 एंड 89। अब हम देखते हैं कि ये एरे जो है ये अभी भी ऑर्डर्ड नहीं है, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा है, सबके लास्ट में सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ जैसे देखें 68 के बाद में 45 बाद में 37, इसका मतलब ये ऑर्डर्ड एरे अभी नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए, जो फिर से ऊपर नीचे क्रम में लिख लेते हैं और फिर से चेक करते हैं। तो 2, 4 कोई चेंज नहीं होगा, 4, 6 कोई चेंज नहीं होगा, 6, 8, 10 कोई चेंज नहीं होगा, 10, 12 कोई चेंज नहीं होगा, 12 और 68 कोई चेंज नहीं होगा, 68, 45 यहाँ चेंज होगा और इन दोनों को स्वाप करना पड़ेगा, 45, 68 लिख देंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर इस तरह का जो स्वापिंग है इसके बारे में एक है कि जैसे कोई भी लिक्विड है और उसमें कोई बुलबुला होता है, कोई बबल होता है, वो नीचे से अपने आप ऊपर चला जाता है, मतलब जो भी हल्की चीज़ है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे। तो इस तरह की हम सक्सेसिव जो कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें बड़ी वैल्यू है वो नीचे जा रही है और छोटी वैल्यू है वो ऊपर जा रही है,
और ये एक एक पोजीशन ऊपर जा रही है, इस तरह की स्वैपिंग हम यहाँ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं 68 एंड 37, तो इसमें 68 नीचे आ जाएगा, 37 ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से 68 और 89 में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इस तरह से ऊपर से आते जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा, 37 और 45 स्वाप हो जाएंगे और यहाँ पर हमें एक एरे मिलेगी जो एरे पूरी सॉर्टेड है, सबसे ऊपर सबसे छोटा, सबसे नीचे सबसे बड़ा अंक दर्ज लिखा हुआ है। तो ये जो टेक्निक है जिसमें हम एक एरे की सॉर्टिंग करते हैं, इस सॉर्टिंग या इसको इस तरह की सॉर्टिंग को इस तरह के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को हम बबल सॉर्टिंग या सिंकिंग सॉर्ट कहते हैं, बबल सॉर्ट या सिंकिंग सॉर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बबल होता है, एक बुलबुला होता है, उसकी तरह जो छोटा है वो अंक ऊपर की तरफ जा रहा है और जो बड़ा है वो नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे बुलबुला हल्का होने की वजह से पानी में वो ऊपर की तरफ जाता है, या कोई हम सिंक उसमें रख दें तो, या कोई भारी पत्थर कुछ डाल दें तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। ये जो टेक्निक है वो कई स्तरों में हम पूरी कर लेते हैं। इसमें हर जगह हम एक पेयर लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं दो नंबर्स का, उनको कंपेयर करते हैं और इस तरह से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेते हैं। यदि कोई वैल्यू दो सेम है तो उनमें उनका प्लेस चेंज करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैल्यू सेम है, इसलिए उससे वो वैल्यूज लगातार रह जाएंगे। इस तरह से ये जो फंक्शन है उसमें हम स्वाप कर करके और इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसा हम चाहें बना सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम क्या लिखेंगे? तो एक एरे है, उसके एलिमेंट्स को जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करें तो ए नॉट, ए ए ज़ीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरह से लिखेंगे। हम पहले वाले की बाद वाले से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए आई, यदि ए आई प्लस वन से बड़ा है तो उनको स्वाप कर देना। स्वाप करने का तरीका है कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है होल्ड, जिसको वैल्यू हम ऊपर वाले वेरिएबल को की वैल्यू असाइन कर देंगे और उस वेरिएबल को उससे आगे वाले वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देंगे और आगे वाले को जो भी होल्ड में वैल्यू रखी है वो असाइन कर देंगे। इस तरह से जो बबल सॉर्टिंग है इसका एक फायदा ये है कि इसके आप प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है। बबल सॉर्टिंग है वो बहुत स्लोली काम करता है, इसलिए ये बड़ी एरेज जो होती हैं, मतलब जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए ये सही मेथड नहीं है। ये हम आगे समझेंगे किसी एग्जांपल से, क्योंकि बबल सॉर्टिंग किस तरह से सही मेथड नहीं है। अभी बबल सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम ले लेते हैं। इस प्रोग्राम में एक एरे ली है साइज नाम से, जिसमें जो एरे के एग्जांपल में हम ले रहे थे वो एलिमेंट्स असाइन कर दिए। ए नाम की एक एरे है जिसकी साइज 10 है और उसमें सारे एलिमेंट्स लिख दिए। बाद में एक काउंटर वेरिएबल है पास, दूसरा काउंटर वेरिएबल है आई, नेक्स्ट एक वेरिएबल लिया है होल्ड, उसके बाद में हम एरे को प्रिंट कर रहे हैं ओरिजिनल एरे को, उसके बाद सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग के बाद में फिर जो सॉर्टेड एरे है असेंडिंग ऑर्डर में उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक एरे ली है जिसमें वही वैल्यूज ली हैं जो अभी एक एग्जांपल में ली थी। उसके बाद में एक काउंटर वे दो काउंटर वेरिएबल्स हैं पास एंड आई, एक होल्डिंग वेरिएबल टेम्परेरी वेरिएबल, उसके बाद में एरे को प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट करने के बाद सॉर्टिंग
के लिए दो बार यहाँ एक लूप चला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा एक बार एक लूप में पूरा एरे शॉर्टिंग नहीं होती है। तो इस तरह के लूप को हम जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार चलाएंगे और उस प्रोसेस को उतनी बार चलाएंगे। इस तरह से ये नेस्टेड फॉर लूप बन जाता है। उसके अंदर स्वैपिंग वाला पार्ट डाल देते हैं और यहाँ पर हमें सॉर्टेड एरे मिलती है, जिसको हम लास्ट में प्रिंट कर देते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और इसमें पहले जो ओरिजिनल एरे थी वो प्रिंट हुई है, उसके बाद में सॉर्टेड एरे प्रिंट हो चुकी है। इस तरह से अब ये जो प्रोसेस है बबल सॉर्टिंग की, उसमें कुछ एक चेंज करने हैं, कुछ एक हमें बदलाव करने हैं। क्या बदलाव करने हैं? तो ये मेन पार्ट था सॉर्टेड एरे का, सॉर्ट एरे सॉर्टिंग का, जिसमें दो नेस्टेड फॉर लूप थे और अंदर एक स्वाप के लिए इफ स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल की स्वैपिंग लिखी हुई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि जब लूप एक बार चल जाता है, एक बार लूप को चला दिया जाता है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो पक्का रूप से सबके लास्ट में पहुंच जाती है। क्योंकि जो जो दो दो वेरिएबल्स की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बड़ी वैल्यू आगे की सकती जा रही है, आगे चल जाती जा रही है, या ऊपर से नीचे ही बात करें नीचे जाती जा रही है। तो फर्स्ट लूप में एरे की सॉर्टिंग इस तरह से होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू सबके लास्ट में जा चुकी है। तो जब अब सेकंड टाइम जब हम लूप चला रहे हैं, सेकंड लूप टाइम लूप चला रहे हैं, जैसे पास की वैल्यू 1 है, उसमें हाईएस्ट वैल्यू एट द एंड चली गई है। तो पास की वैल्यू जब 2 होती है, उसमें जो अंदर वाला वे फॉर लूप है आई काउंटर पे, उसको एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो साइज माइनस आई, जो अंदर वाले फॉर लूप के लिए कंडीशन है आई लेस देन इक्वल लेस देन साइज माइनस 1, उसको हम आई लेस देन साइज माइनस पास कर देंगे। ये बदलाव कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर एक और है कि जो एरे हम ले रहे हैं, ये हो सकता है कि हमने एक बार लूप चलाया और पूरी एरे सॉर्टेड हो गई, तो हम फिर इस लूप को इतनी बार क्यों चला रहे हैं। तो एक ऐसा वेरिएबल भी होना चाहिए जो चेक करे कि जो लूप है वो आगे चलाना है या नहीं है। यदि एरे सॉर्टेड हो चुकी है तो लूप को और ना चलाया जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें जो ये स्वाप वेरिएबल है, इसमें काउंटर लगाना होगा जो चेक करेगा कि कितने वेरिएबल्स स्वाप हुए हैं। यदि कोई भी वेरिएबल स्वाप नहीं होता है, इसका मतलब सॉर्टिंग हो चुकी है, हमें आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हर बार हम जो नेस्टेड लूप का फर्स्ट फॉर लूप है, उसके अंदर एक फ्लैग या काउंटर वेरिएबल लगाएंगे, जो जिसको हम इनिशियली 0 वैल्यू असाइन कर देंगे। उसके बाद जब इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर उस फ्लैग को कोई और वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे मैं फ्लैग प्लस प्लस कर रहा हूँ, इसी से हम कोई भी और वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फ्लैग इक्वल टू 1 कर सकते हैं डायरेक्टली। और नेक्स्ट है जब ये इन अंदर वाला फॉर लूप पूरा हो जाता है और बाहर वाला फॉर लूप नहीं होता है, वहाँ पर कंडीशन डाल देंगे कि यदि फ्लैग की वैल्यू 0 है तो प्रोग्राम ये लूप बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि फ्लैग की वैल्यू 0 तभी रहेगी जब इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू नहीं होगी। और उस कंडीशन का मतलब है कि कोई भी ए आई है वो ए आई प्लस 1 से बड़ा नहीं है। मतलब पहले वाला लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल किसी भी राइट साइड वाले वेरिएबल से बड़ा नहीं है, वैल्यू से बड़ी नहीं है, वैल्यू है उसका मतलब है एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुकी है। ये बदलाव हम करेंगे।
तो यहाँ फ्लैग इक्वल टू जीरो लिख देंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी फ्लैग प्लस प्लस या फ्लैग को कोई और वैल्यू असाइन कर देंगे, और बाहर वाला फॉर लूप पूरा होने से पहले इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो तो ब्रेक लगा देंगे। चेक करके देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इसमें जैसे होल्ड नाम से एक टेम्प्रेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वहीं पे फ्लैग नाम से भी एक टेम्प्रेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। बाद में यहाँ पर फ्लैग को जीरो कर दिया। नेक्स्ट ये फ्लैग है, इसको जीरो करने के बाद यहाँ अंदर वाले लूप में कंडीशन को आई लेस देन साइज माइनस पास कर दिया है। अंदर वाले इफ स्टेटमेंट के अंदर फ्लैग प्लस प्लस लिख दिया। और फ्लैग इक्वल टू जीरो, फ्लैग पे कंडीशन लगा दी, यदि फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो लूप बंद हो जाए ब्रेक। कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया और हमें सही रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर हम ये टेस्ट नहीं कर पाए कि कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है, क्योंकि हम ये प्रिंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि एरे बहुत बड़ी होगी, एरे में जैसे हजारों नंबर्स होंगे, तो हम ये भी मेजर कर पाएंगे कि कितना फास्ट प्रोग्राम रन हुआ है और कितना जल्दी इसने सॉर्टिंग की है, ये भी हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। अब हम देखते हैं इस सॉर्टिंग के कुछ यूजेस, कुछ उपयोग जो एरे सॉर्टिंग के हैं। तो बहुत इजी वे में एक हम मीन, मॉड एंड मीडियन, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इनके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं वो किस तरह से हो। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम में मीन नाम से एक फंक्शन लिया है, मीडियन नाम से एक प्रोटोटाइप फंक्शन लिया है, मॉड नाम से एक प्रोटोटाइप फंक्शन लिया है, इस साथ में दो और भी फंक्शन लिए हैं, बबल सॉर्ट एंड प्रिंट एरे। उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसके अंदर दो एरे हैं, एक फ्रिक्वेंसी नाम से, दूसरा रिस्पॉन्स नाम से। रिस्पॉन्स नाम से जो वेरिएबल्स हैं उनको 1 से 9 के बीच कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन है। और उसके बाद में मीन नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है, जिसमें रिस्पॉन्स नाम की एरे को इनपुट में दिया गया है। मीडियन फंक्शन को कॉल किया गया है, जिसमें भी रिस्पॉन्स नाम की एरे को इनपुट में दिया गया है। और मोड नाम का एक और फंक्शन है, उसको भी कॉल किया गया है, उसमें फ्रिक्वेंसी एंड रिस्पॉन्स दो एरेज को इनपुट के रूप में दिया गया है। यहाँ पर मीन फंक्शन क्या है, तो मीन फंक्शन है उसमें टोटल नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, जिसमें जो भी वैल्यूज हैं एरे के एलिमेंट्स हैं उनको सबको ऐड कर दिया गया है और टोटल को असाइन कर दिया गया है। उसके बाद में प्रिंट किया गया है, जो भी साइज है वो टोटल साइज और टोटल अपॉन साइज इनको प्रिंट किया गया है। इनको क्यों प्रिंट किया है, तो अर्थमेटिक एवरेज जो होता है, अंकगणितीय माध्य या औसत, वो होता है मीन, मतलब सभी वैल्यूज का को ऐड करके उसमें टोटल का भाग, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भाग दे दिया जाए, उसको हम मीन कहते हैं। ये अर्थमेटिक एवरेज होता है, मतलब अंकगणितीय औसत होता है। मीडियन, माध्यिका, माध्यिका क्या होती है, तो इसके लिए यहाँ पर माध्यिका में हमने पहले एक प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को कॉल किया है, मतलब जो भी एरे है उसको प्रिंट कर रहे हैं। फिर बबल सॉर्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया है, मतलब जो एरे है उसकी सॉर्टिंग की है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं। उसके बाद में एरे को फिर से प्रिंट कर रहे हैं, मतलब एरे जो है उसमें कौन सा वेरिएबल, जो एरे है
उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बबल सॉर्टिंग से सॉर्टिंग करने के बाद क्या मिलता है उसको प्रिंट किया है, एंड द एंड में साइज बाई टू साइज और आंसर एरे के साइज बाई टूथ एलिमेंट को प्रिंट किया है। इसको क्यों प्रिंट किया है, तो मीडियन है वो सॉर्टेड एरे का मिडिल एलिमेंट होता है, मतलब एरे की जब सॉर्टिंग हम कर देते हैं एरे को आरोही अवरोही क्रम में लिख देते हैं तो उसको जो सबके बीच में जो वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। मोड, तो मोड के लिए थोड़ा प्रोग्राम लेंदी है इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्प्ले में छोटा ही किया गया। यहाँ बता देता हूँ क्या किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक जो फ्रीक्वेंसी नाम का इनपुट में हमने एक लिया था एरे, उस फ्रीक्वेंसी नाम के एरे के सभी एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं। उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें इनपुट के रूप में आंसर लिख देते हैं, आंसर भी एक जो दूसरी रेस्पॉन्स एरे थी उसको यहाँ इनपुट के रूप में आंसर नाम से लिया है और उस एरे का नाम, उस एरे का जो भी नंबर है जैसे उस एरे में 1 to 9 कोई भी नंबर है तो यदि उसमें 5 है तो फ्रीक्वेंसी के 5th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा, यदि उसमें 9 है तो फ्रीक्वेंसी के 9th एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं कौन सा वेरिएबल कितनी बार आया है। उसके बाद में एक नेक्स्ट लूप स्टार्ट करते हैं और उस लूप में हम सारी फ्रीक्वेंसीज को प्रिंट करते हैं कि 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, एंड सो ऑन। उसके अलावा इनमें हम लार्जेस्ट कौन सा है वो भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, और जो जहाँ बड़ी वैल्यू है वहाँ मोड की वैल्यू क्या है, मोड वैल्यू मतलब यहाँ पर कौन से नंबर पर है वो वैल्यू क्या है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है वो मोड वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। देन हम मोड वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो मोड है वो होता है सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है उसको हम मोड या बहुलक कहते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू इन आवर रो डाटा इज द मोड। अपना जो डाटा है उसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार हुई है उसको हम मोड कहते हैं। बबल सॉर्ट ये उसी तरह का प्रोग्राम है बबल सॉर्ट का जो पहले हम सॉर्टिंग के लिए देख चुके हैं, जिसमें 2 लूप हैं और उसमें इनर लूप जो है उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट है जिसमें यदि लेफ्ट वाला वेरिएबल राइट वाले से बड़ा है तो उन दोनों वेरिएबल्स को स्वाप कर दिया जाता है। और प्रिंट एरे क्या है, तो प्रिंट एरे में एक इनपुट में एरे ली गई है और उसको सिंपली प्रिंट कर दिया गया है। हाँ, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि यदि एक रो में 20 एलिमेंट प्रिंट हो गए हैं तो उनके बाद एक न्यू लाइन आ जाए। मॉडिफाई फंक्शन मोड इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग ए टाई फॉर द मोड वैल्यू। अब यहां तक हमने मोड या मीडियन देखा, तो मोड में हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू आई है उसी को हम मोड कहते हैं, लेकिन यदि कोई 2 वैल्यूज सबसे ज़्यादा बार आई हैं, जैसे हमने 1 से 9 तक की डिजिट्स ली, लेट से 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आया था या 8 सबसे ज़्यादा बार आया था, तो क्या किया जाना चाहिए। या इससे पहले पुराने प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। तो ये पूरा प्रोग्राम है मीन मीडियन मोड का, जिसमें प्रोटोटाइप फंक्शंस दिए गए हैं, बाद में मीन मोड मीडियन मोड बबल सॉर्ट एंड प्रिंट एरे की प्रोटोटाइप फंक्शन है, बाद में फ्रीक्वेंसी नाम की एक
इंटीजर एरे है, उसके बाद में रिस्पॉन्स नाम का एक इंटीजर एरे है, 1 to 9 कोई वैल्यू है, ये टोटल 99 वैल्यूज हैं। उसके बाद में मीन फंक्शन को कॉल किया गया, देन मीडियन को, और उसके बाद मॉड फंक्शन को। बाद में मीन जो भी फंक्शन है वो है, उसके बाद मीडियन फंक्शन है उसकी बॉडी है, और सबके एंड में मॉड की, मॉड फंक्शन की बॉडी है। उसके बाद में जब मोड की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, उसके बाद में बबल सॉर्ट का फंक्शन है, और बबल सॉर्ट का फंक्शन पूरा होने के बाद में प्रिंट एरे फंक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हम पूरे प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, यहाँ रन होने में बहुत वैल्यूज आ गई हैं, बहुत लंबा आउटपुट आया है, तो हम इस लंबे आउटपुट को एक साथ देखने के बजाय प्रोग्राम को कई बार में कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो हम पहले एक ही फंक्शन को कॉल करते हैं, मीन को, बाकी दोनों को कमेंट कर देते हैं, मीडियन और मोड को, तो उनका इफेक्ट प्रोग्राम में हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन, यहाँ हमने रन किया, या दोबारा कर देते हैं, ये कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया है कि 681 टोटल एडिशन है उन वैल्यूज का, उनमें 99 का भाग देने पर 6.8788 आ रहा है। अब हम फिर से करते हैं, हम मीन को कमेंट कर देते हैं और मीडियन को, मीडियन नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है और रन करते हैं। तो यहाँ पर मीडियन जो फंक्शन है उसमें पहले अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट किया, जो ओरिजिनल एरे है, उसके बाद में उसको सॉर्टिंग करके प्रिंट किया, देन इसमें देखा गया क्योंकि इसमें टोटल 99 एलिमेंट्स हैं, तो 49th एलिमेंट कौन सा है, और यहाँ से 49th एलिमेंट देखा जाए तो वो 7 है। उसके बाद आता है मोड, तो हम मोड नाम के फंक्शन को रखते हैं, बाकी को कमेंट कर देते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन किया, तो रन करने पर सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट कर रहा है, 1 एक बार आया, 2 3 टाइम्स आया, 3 4 टाइम्स, साथ में हिस्टोग्राम भी बना दिया है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा 8 की का रिपीटेशन हुआ है, 8 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, कितनी बार, 27 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब इस रन के लिए 8 है वो मॉड है, बहुलक है, और उसकी अक्रेंस 27 टाइम्स है, वो 27 बार आया है। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन, तो मोड वैल्यू में जैसे यहाँ पर 8 है वो 27 टाइम्स आया, यदि यहाँ पर 7 एंड 8 दोनों की पुनरावृत्ति 27 टाइम्स होती तो मोड क्या होता। इसी तरह से यहाँ पर मीडियन जो है उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है कि यदि दो यहाँ अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते, जैसे अभी हमने 99 साइज ली थी तो अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओड थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब ओड होते हैं तो मीडियन उनके बीच वाला हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को छोड़ दो, सेकंड वाला मीडियन हो जाता है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ को छोड़ दो, थर्ड वाला मीडियन हो जाता है। यहाँ पर हम जो काम में ले रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग में मिडल वाला मतलब हम यदि 3 साइज ले रहे हैं एरे की तो एलिमेंट्स होंगे 0 फर्स्ट एंड सेकंड, 0 शून्यवा पहला और दूसरा,
तो हम सुनने वा और दूसरे एलिमेंट को छोड़ देंगे, फर्स्ट एलिमेंट है वो मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हम 3 में 2 का भाग दे देंगे। ऐसे ही यदि 5 एलिमेंट हैं तो 0, 1 को छोड़ देंगे, 3, 4 को छोड़ देंगे, 2 नंबर पर 2 नंबर पर जो एलिमेंट है वो मीडियन हो जाएगा, और 5 में 2 का भाग दें तो इंटीजर डिवाइडेशन में 2 ही 5 में 2 का भाग देने पर दो दो भागफल होता है, एक शेषफल होता है, तो हम आसानी से मिडिल वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, इस तरह से इवन है, तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन वहाँ जो बीच में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका माध्य होगा, उनका उनको दोनों को ऐड करके 2 का भाग देने पर जो वैल्यू आती है वो मीडियन होता है। तो वो करेक्शन इसी प्रोग्राम में कैसे करें? तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मीडियन वाली करेक्शन के लिए पहला तो हम साइज को चेक करेंगे कि साइज में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एरे है वो इवन एरे है, ओड एरे नहीं है, ओड एरे है, इवन एरे नहीं है। उस केस में जो मीडियन है वो पहले की तरह ही साइज बाई 2 नंबर पे जो एलिमेंट है उसको हम प्रिंट कर देंगे, और एरे जो है, सॉर्टेड एरे जो है, उसका मीडियन हमें मिल जाएगा। अदरवाइज यदि ओड नहीं है, इसका मतलब वो इवन एरे है, तो इवन एरे है उस केस में हम साइज बाई 2 एलिमेंट देखने बजाय साइज बाई 2 में से 1 कम करेंगे, और साइज बाई 2 पर जो एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, और ऐड करके उनमें 2 का भाग दे देंगे। इसी तरह से मोड की बात करें, मीडियन हो गया, तो मीडियन के बाद में मोड की बात करें, तो मोड में यदि एक ही नंबर था मोड वैल्यू तो हम उसको प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में चेंज करेंगे, और जहाँ जहाँ लार्जेस्ट वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी से मैच हो रही है उन सभी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। एक ही प्रोग्राम के बहुलक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है और वो संख्या एक से ज़्यादा है, तो हम उन सब को प्रिंट करेंगे। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर इस एरे में कुछ चेंजेज करने होंगे, तो पहले हम एरे में चेंजेज कर लेते हैं। और पहले सिर्फ मोड वाले, मीडियन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम किया है, जो एरे साइज है उसको 100 कर दिया है, क्योंकि जब एरे साइज 99 थी तो साइज इवन नहीं था, हमें इवन वैल्यू के लिए देखना है, तो साइज को 100 कर दिया। उसके बाद में जो एरे थी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी यह था कि यदि वो ओरिजिनल एरे लेते तो उसमें नंबर ऑफ 7 है वो इतने ज़्यादा थे कि 48, 49, 50, 51, 52 पोजीशंस पे 7 ही 7 आ रहे थे, इसलिए कुछ 7s की जगह ऐड कर दिए गए हैं। तो अब जो 2 नंबर आ रहे हैं वो उत्तरोत्तर नंबर एक के बाद जो सॉर्टेड एरे में आएंगे वो 7 के बाद में 8 आएगा, और मीडियन 7 और 8 का के बीच में कुछ होना चाहिए। ये 2 चेंज किए हैं। तीसरा चेंज मीडियन नाम का जो ये फंक्शन है उसमें किया है, उसमें ये कर दिया है कि यदि साइज में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो वो उसी तरह से प्रिंट करे जैसे पहले प्रिंट कर रहा था। यदि साइज में 2 का भाग जाता है तो यहाँ पर साइज
बाई टू माइनस वन नंबर पर जो एरे एलिमेंट है और साइज बाई टू नंबर पर जो एरे एलिमेंट है उनको दोनों को ऐड करे, ऐड करके उनकी फ्लोटिंग वैल्यू मतलब रियल मान के उनमें दो का भाग दे दे और इसको प्रिंट करें। चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया। यहाँ रन करने पर हमें 45 और 14 50 नंबर पे, 45 नंबर पे 7 है, 50 नंबर पे 8 है। तो इन दोनों का एवरेज मीन मीडियन के रूप में मिलना चाहिए और 7 और 8 को ऐड करके 2 का भाग देने पर 7.5 आता है। फिर से देखें तो अब हम चेंज करते हैं मेन फंक्शन में। तो यहाँ एरे अब फिर से अलग ले रहा हूँ क्योंकि पिछली एरे में 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा था और फिर 8 को ही हमने बढ़ा दिया। तो अब जो एरे ले रहा हूँ उसमें वापस वापस ऐसी एरे ले रहा हूँ जिसमें 7 और 8 की संख्या इतनी हो गई है कि 7 और 8 बराबर संख्या में है। और अब हम देखते हैं मोड। तो मोड देखने के लिए मीडियन को कमेंट कर देते हैं और मोड को अनकमेंट कर देते हैं। अब मोड में देखते हैं मोड में क्या चेंज किया है। तो मोड नाम का फंक्शन जो है उसमें और कोई खास चेंज नहीं है। उसमें प्रिंटिंग के जगह यहाँ पर हम एक लूप लगा के उन सब वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू लार्जेस्ट के इक्वल है, मतलब जो जो वैल्यूज सबसे ज़्यादा बार आई हैं उनको सबको प्रिंट कर रहे हैं और कोई चेंज इसमें नहीं है। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और रन करने पर हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 और 8 की पुनरावृत्ति बराबर हुई है, 25 25 बार हुई है। जब प्रोग्राम ने ये प्रिंट कर दिया कि जो मोड है उसकी वैल्यू 7 और 8 है जो 25 बार आए हैं। सर्चिंग एरेज। अब कोई एरे है उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम कैसे सर्च करें, तो इसके हम दो तरीके देखेंगे, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। पहले हम देखेंगे लीनियर सर्च क्या होता है और कैसे किसी एलिमेंट को एक प्रोग्राम लिख के उसे सर्च कर सकते हैं। दूसरा रहेगा बाइनरी सर्च। तो एक बाइनरी सर्च क्या होता है और एक प्रोग्राम में बाइनरी सर्च किसी एलिमेंट को करना है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर सर्चिंग एरेज के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन देख लेंगे। एक फंक्शन है लीनियर सर्च का। एक एरे लेंगे उसमें कोई एक नंबर लेंगे और वो सर्च करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन है, शुरुआत में हमने इसमें stdio.h नाम की एक लाइब्रेरी फंक्शन है वो इंक्लूड किया और एक डिफाइन डेफिनेशन प्री प्रोसेसर कमांड वाली डेफिनेशन दी sijd जिसकी वैल्यू 100 दे दी और बाद में लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया। लीनियर फंक्शन सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया जिसमें इनपुट में एक एरे है, एक की है और एरे की साइज है। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया। उसमें इनिशियलाइजेशन में जो भी एरे का नंबर है, एलिमेंट नंबर है, उससे 2 गुना वैल्यूज़ के उसको असाइन कर दी। मतलब एरे एलिमेंट जैसे 6th एरे एलिमेंट है उसको 12 असाइन कर दिया, 15th एरे एलिमेंट है उसको 30 असाइन कर दिया। उसके बाद में एक नंबर रीड कर लिया, उसको लीनियर सर्च एरे को कॉल करके उसको एरे और उस नंबर को उसमें भेज दिया। यदि एरे रिटर्न करता है वो रिटर्न वैल्यू -1 है नहीं है तो एलिमेंट को प्रिंट कर दिया जो कि एरे में उस सर्च नंबर की पोजीशन है, अदरवाइज वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। और ये एरे फंक्शन है। हम
इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये अपना फंक्शन है, ये प्रोग्राम है जिसमें हैश इंक्लूड एसटीडीआई डॉट एस, डिफाइन साइज इज 100, ये प्रोटोटाइप लीनियर सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसमें ये फॉर लूप है जो एरे को इनिशियल वैल्यूज दे रहा है, इनिशियल वैल्यूज पोजीशन का 2 टाइम्स है, और देन ये सर्च की को रीड कर लिया, लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया। यदि एलिमेंट की वैल्यू -1 नहीं है तो एलिमेंट मतलब पोजीशन नंबर प्रिंट कर दिया, एल्स वो वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। ये लीनियर सर्च फंक्शन है, इस फंक्शन में एरे को इनपुट के रूप में लिया है, एक की नाम से वेरिएबल लिया है जो कि सर्च की वैल्यू आएगी, और एरे की साइज यहाँ ये हर एक फॉर लूप स्टार्ट किया है, फॉर लूप में हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है सर्च की से या की से, जो ही ये कोई एलिमेंट यदि मैच कर जाता है ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है, एल्स रिटर्न -1 कर देता है। हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन करते हैं। रन करने पर एंटर इंटीजर सर्च की, कोई की सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, जैसे हमने 100 सर्च किया तो 150th नंबर पे है, हमने 198 सर्च किया ये 99th नंबर पे है, हमने 75 सर्च किया ये इस एरे में नहीं है, हमने 101 सर्च किया ये भी नहीं है, हम और सर्च करते हैं, हम 200 सर्च करते हैं ये भी इसमें नहीं है, क्योंकि टोटल 100 एलिमेंट्स लिए थे इसलिए एरे में मैक्सिमम 198 तक होगा, क्योंकि 100 एलिमेंट का मतलब है लास्ट सबस्क्रिप्ट 99 होगी जिसका डबल 198 है। अब हम देखते हैं ये फंक्शंस, ये लीनियर सर्च फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। तो ये लीनियर सर्च जो फंक्शन है ये एक प्रोसेस है किसी एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करने की। एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम देखना चाहते हैं कि ये एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसको सर्च करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं सर्चिंग। और इसी सर्चिंग का एक मेथड है जो है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, एरे के हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उससे, और यदि कोई भी एलिमेंट मैच कर जाए तो ये हमें उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है, उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। ये मेथड कोई अच्छा मेथड नहीं है एरे सर्च करने का, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। हालांकि हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया था उसमें एरे ऑर्डर्ड थी, लेकिन ये मेथड उन एरेज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जो ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड मतलब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे का लिखा हुआ होना, या एरे एलिमेंट्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना। हमने जो पर्टिकुलर एरे ली थी वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, 0, 2, 4 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, और जो एरे इस क्रम में नहीं हो, इस ऑर्डर में नहीं हो, एरे एलिमेंट्स पर किसी भी तरह से हो, वहाँ पर ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसमें हर एलिमेंट को सेम प्रोबेबिलिटी से देखा जाता है कि कोई भी हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो सबके शुरू में है या सबके एंड में है, उसकी प्रायिकता समान है। ये जो लीनियर सर्चिंग मेथड है ये छोटी जो एरे होती हैं या जो एरे अनसॉर्टेड होती हैं जिनकी सॉर्टिंग नहीं की होती है, मतलब जिनको आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिया गया है, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। जो एरे सॉर्टेड हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं उनके लिए बाइनरी सर्च जो टेक्निक है वो इससे ज़्यादा अच्छी है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो सर्च करते हैं। यहाँ जैसे जितने एलिमेंट हैं लीनियर सर्च में उतनी बार ये कंपैरिजन होगी, लेकिन जब हम बात करें बाइनरी सर्च मेथड की तो उसमें उतनी बार ये कंपैरिजन नहीं होगी। तो हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम देखते हैं। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का ये फंक्शन है, ये प्रोग्राम है जिसमें हमने बाइनरी सर्च फंक्शन लिया है, प्रिंट एडर फंक्शन लिया, प्रिंट रो, ये बाइनरी सर्च फंक्शन है
प्रिंट एड्रो और प्रिंट रो फंक्शंस ये हैं। तो पहले हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है जिसमें ये बाइनरी सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रिंट एड्रो फंक्शन का प्रोटोटाइप है, प्रिंट रो फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में एरे को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइजेशन में हमने सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद में एक नंबर रीड किया है जिसको हमें सर्च करना है। उसके बाद में बाइनरी सर्च जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया। यदि ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू -1 नहीं देता है तो हम पोजीशन नंबर प्रिंट कर देते हैं कि इतने नंबर पोजीशन में हमें एरे का ए एलिमेंट मिल गया है, अदरवाइज हम कह देंगे कि ये की हमें नहीं मिली। उसके बाद में बाइनरी सर्च फंक्शन क्या है, तो बाइनरी सर्च फंक्शन है वो एक सर्चिंग फंक्शन है जिसमें इनपुट में एक एरे ऑर्डर्ड एरे है, एक सर्च की है जिसको हम सर्च करेंगे, और एरे का पार्ट है कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है, लो से हाई तक सर्च करना है। इनिशियली नॉर्मली हम जब एरे में सर्च करते हैं तो लो वो वैल्यू होती है जो एरे का मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पर 0 लेंगे, जहाँ फंक्शन को कॉल किया वहाँ 0 लिया है, और हाई साइज से 1 कम लिया है। इसमें एक वाइल नाम का फंक्शन है और वो वाइल नाम का लूप है, और वाइल नाम के लूप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल नाम के वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं जो लो और हाई का एवरेज है। उसके बाद में हम उस रो को प्रिंट कर देते हैं। कहाँ से, तो प्रिंट रो में एक हम इनपुट में एरे दे रहे हैं, लो मिडिल एंड हाई, ये 3 वेरिएबल्स इनपुट में इनपुट पैरामीटर में दे रहे हैं। मतलब एरे को हम सर जब प्रिंट करेंगे तब हम सिर्फ लो और हाई वाली को ही प्रिंट, लो एंड हाई के बीच वाली वैल्यूज को ही प्रिंट करेंगे, पूरी एरे को हम प्रिंट नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो सर्च किया उसको एरे के मिडिल एलिमेंट से सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, सभी एलिमेंट से कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ मिडिल एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि ये इक्वल हो जाता है तो ये रिटर्न ये फंक्शन है वो मिडिल वैल्यू को, जो पोजीशन नंबर है मिडिल वैल्यू की, उसको रिटर्न कर देता है। अदरवाइज ये सर्च करता है कि सर्च किया वो मिडिल वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। यदि छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे काम में लेंगे, यदि बड़ी है तो राइट हैंड साइड वाली काम में लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेट करने के लिए हम हाई या लो वैल्यू को सेट करते हैं। इनिशियली लो वैल्यू 0 है, लेफ्ट हैंड मिडिल से लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए लो को 0 ही रखेंगे और हाई को मिडिल -1 कर देंगे। राइट हैंड साइड सेलेक्ट करने के लिए हाई को जो पहले वैल्यू वही रखेंगे और लो को मिडिल +1 कर देंगे। तो ये मिडिल से एक तरफ की एरे को ही काम मिलेगा, और वाइल लूप में जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उतने ही पार्ट में ये सर्च करेगा। यदि फाइनली सारे लूप पूरे होने के बाद भी इसको वैल्यू नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करेगा -1। प्रिंट एडर जो फंक्शन है वो सिर्फ पहले प्रिंट करेगा सबस्क्रिप्ट्स, और नेक्स्ट लाइन में जो एरे में पोजीशन नंबर्स हैं वो प्रिंट करेगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ एरे साइज हमने लिया 30, तो ये 0 से 28, एरे साइज हमने लिया 15, तो 0 से 14 तक प्रिंट करेगा। उसके बाद में न्यू लाइन में ये माइनस साइन को प्रिंट करेगा, कितनी बार प्रिंट करेगा, माइनस साइन को ये 4 times साइज, मतलब लगभग 60 बार प्रिंट करेगा। और इस तरह से नेक्स्ट हम ले रहे हैं प्रिंटर रो। तो प्रिंटर रो जो फंक्शन है उसमें हम रो को प्रिंट कर रहे हैं, जो एरे है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक प्रिंट करने का मेथड ये है, एरे पूरी है हम पूरी एरे को प्रिंट नहीं कर रहे, उसको सिर्फ जितने पार्ट में हम सर्च कर रहे हैं उतने को ही प्रिंट कर रहे हैं, मतलब लो और हाई की जो वैल्यूज हैं उनके बीच वाले पार्ट को ही प्रिंट कर रहे हैं। यदि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे चूज की है प्रिंट करने के लिए तो उसको प्रिंट कर रहे हैं, यदि राइट हैंड साइड वाली एरे प्रिंट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में उतने स्पेस आने के बाद राइट हैंड साइड में एरे प्रिंट होनी चाहिए। इसलिए हम फॉर लूप में क्या कर रहे हैं, यदि आई की वैल्यू काउंटर की वैल्यू लो या हाई, लो से कम या हाई से ज़्यादा है तो स्पेस प्रिंट कर दे, अदरवाइज यदि ये आई की वैल्यू मिड के बराबर है, मिडिल वैल्यू के बराबर है तो वहाँ पर एक स्टार प्रिंट कर दे। ये स्टार हम मिडिल वैल्यू के साथ प्रिंट कर रहे हैं जिससे जो आउटपुट में प्रिंट आ रहा है वहाँ पर डिस्प्ले में हमें स्टार दिखाई दे और वहाँ हमें ये देखना आसान रहे कि मिडिल वैल्यू कौन सी है।
अदरवाइज हम नॉर्मली वेरिएबल्स को प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन, यहाँ पर 0 से 28 के बीच का कोई नंबर देना है, हम दे देते हैं 14। तो 14 इसको फर्स्ट राउंड में मिल गया कि मिडिल वेरिएबल है, सातवें नंबर पे है। हम फिर से रन करें, हम दे देते हैं 0। 0 इसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, हमने 0 इनपुट में दिया तो इसने ये एडर प्रिंट कर दिया। देन एरे को प्रिंट किया जिसमें मिडिल वैल्यू 14 है, जिसके स्टार लगा है। 0 है वो मिडिल वैल्यू से छोटा है, इसलिए लेफ्ट साइड वाली एरे को काम में लिया, जिसका मिडिल वैल्यू 6 है, वो भी 0 के बराबर नहीं है और 0 इस मिडिल वैल्यू से भी छोटा है। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड की हाफ एरे को काम में लिया, जिसमें वैल्यू 2 है, 2 भी 0 से छोटा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और 0 इसको मिल गया। हम दूसरा नंबर लेते हैं, हम 28 लेते हैं। तो 28 एकदम 0 से ऑपोजिट रहा, यहाँ 28 है वो मिडिल वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए राइट हैंड साइड वाली एरे को काम में लिया। फिर मिडिल वैल्यू 22 मिली, 28 उससे भी ज़्यादा है, तो फिर राइट हैंड साइड को, फिर राइट हैंड साइड को, और इसको 14 नंबर पे 28 मिल गया। हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे हम वैल्यू लेते हैं 16। तो 16 में इसको दोनों काम करने पड़े हैं। सबसे पहले पूरी एरे में चेक किया, मिडिल वैल्यू 14 है, 14 से 16 ज़्यादा बड़ा है, इसलिए राइट हैंड वाली एरे को चूज किया। उसमें मिडिल वैल्यू है 22 जो 16 से बड़ी है, मतलब 16 उस मिडिल वैल्यू से कम है, तो इस बार लेफ्ट हैंड साइड वाली एरे को काम में लिया एंड देन लेफ्ट को, और इसको ये 16 मिल गया। हम जो एग्जांपल ले रहे हैं इनमें मैक्सिमम ये 4 राउंड में सर्च कर रहा है, 4 बार कंपेरिजन कर रहा है। हम कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं 100 एरे के अंदर नहीं है, तो ये इसको सर्च करने में नहीं मिली। हम कोई और वैल्यू लेकर देखें 17, तो 17 भी इसको नहीं मिला, 13 भी इसको नहीं मिला, लेकिन कहीं भी हम देख रहे हैं ये 4 बार कंपैरिजन कर रहा है, 4 बार एरे को प्रिंट कर रहा है, मतलब 4 बार कंपैरिजन कर रहा है, और 15 एलिमेंट्स में 4 राउंड में ये डिसाइड कर लेता है कि ये एलिमेंट इस एरे में है या नहीं है। हम इसको समझें, तो पहले फंक्शन है जो एडर प्रिंट कर रहा है उसको समझते हैं। तो ये है एडर, जिसमें सबस्क्रिप्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 एंड नीचे हाइपन से बनी एक सिंपल लाइन ये प्रिंट करे। तो ये वो है फंक्शन जिससे हम ये काम कर रहे हैं। तो इसमें सबस्क्रिप्ट को प्रिंट कर दिया, वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, 0 to 14 इंटीजर्स को प्रिंट कर दिया, देन न्यू लाइन में हाइपन प्रिंट कर दिए। अब हम एक इवन इंटीजर्स की एरे का एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक एरे है जिसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इस एरे में हम जैसे 20 सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे सर्च करेंगे? तो हम पहले मिडिल पार्ट को ढूंढ लेते हैं, मिडिल में है 14 जिसके हमने स्टार लगा दिया है, हम इस पे फोकस करें। तो 20 है वो इस मिडिल वैल्यू से बड़ा है, इसका मतलब 20 इस एरे में इस मिडिल वैल्यू के राइट हैंड साइड में होगा, दाईं तरफ होगा। तो दाईं तरफ की एरे को हम चूज कर लेते हैं। दाईं तरफ एरे में एलिमेंट्स हो गए 16 to 28, जिनका मिडिल पार्ट है 22। अब हम यहाँ पर और देखें तो 22 से 20 है वो छोटा है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड देन फिर राइट हैंड साइड, और इसको 20 मिल गया। ये प्रोसेस हम इस तरह से रिपीट करते जाते हैं रिमेनिंग पार्ट को, तो हमें इस प्रोसेस में वो नंबर है या नहीं ये मिल जाता है, है तो उसकी पोजीशन, अदरवाइज वो नहीं है। अब हम एरे को पार्शियली कैसे प्रिंट कर रहे हैं? तो ये प्रिंट रो नाम का फंक्शन है, ये पार्शियली एरे को प्रिंट कर रहा है। ये क्या करता है, इसमें हम पहले फंक्शन की स्ट्रक्चर को समझें। तो इसमें एरे है वो इनपुट के रूप में है, फिर एरे का मिनिमम वैल्यू जो हमें प्रिंट करनी है वो इनपुट के रूप में है, फिर एरे की मैक्सिमम वैल्यू जो है, मिडिल वैल्यू जो है वो इनपुट के रूप में, मतलब मिडिल सबस्क्रिप्ट है ये लो मिडिल एंड हाई,
उसके बाद में एरे की मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम जो पोजीशन है जो प्रिंट करना है वो है यहाँ पर। जो फॉर लूप है वो काउंटर वेरिएबल आई पर हमने लगा दिया है। ये लूप पूरा चलेगा 0 से साइज तक। प्रिंट सिर्फ वो वैल्यूज होंगी जो लो से हाई के बीच में है। यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी, यदि काउंटर वेरिएबल है वो हाई या लो के बीच में है नहीं है तो ये स्पेस प्रिंट करे, यदि हाई यदि मिडिल के इक्वल है तो एक स्टार के साथ प्रिंट करे, और यदि कुछ और है तो ये सिंपली उनको प्रिंट करे। अब हम फिर से 20 को स्टार सर्च करते हैं इस एरे में और प्रिंट करने का मेथड देखते हैं। तो ये मिडिल नंबर है जिसमें हमने स्टार प्रिंट कर दिया। अब हमें देखना है कि जो नंबर है वो लेस देन है या नहीं है। तो 20 है वो लेस देन नहीं है तो हमें राइट हैंड साइड वाला चूज करना है। हमें सिर्फ इसी पार्ट पे फोकस करना है तो हमें इसी को प्रिंट करना है। तो हम लेफ्ट साइड में स्पेस और यहाँ पर ये नंबर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ 22 मिडिल नंबर है, इससे हमें कंपैरिजन करना है। 20 है वो इससे छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को प्रिंट करना है। इसमें फिर 18 मिडिल नंबर है, उसको उससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो 20 उससे बड़ा है और उसको प्रिंट कर रहा है। इस तरह से बाइनरी सर्च जो फंक्शन है वो एक उस एल्गोरिथम को अपना रहा है जो ये कंसिडर करता है कि ये एरे सॉर्टेड है तो आधे एलिमेंट्स को ही कंपैरिजन करना है। मिडिल नंबर को कंपैरिजन किया और उससे पता कर लेता है कि ये जो नंबर सर्च करना है ये लेफ्ट साइड में मिडिल से या राइट साइड में। यदि लेफ्ट साइड में तो राइट साइड वाली को इग्नोर करो, राइट साइड में तो लेफ्ट साइड वाली एरे को इग्नोर कर दो। ये जो एल्गोरिथम है ये मिडिल नंबर को कंपेयर करता है, मिडिल नंबर को सर्च करके कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद में यदि ये मिडिल नंबर के इक्वल हमें मिल जाता है तो ये उस सबस्क्रिप्ट को रिटर्न कर देता है, ये हमें मिल गया है। यदि नहीं मिला तो ये फिर एरे को साइज को छोटा करता है। ओरिजिनल एरे में लेफ्ट साइड सर्च कर लेनी है या राइट साइड लेनी है उसको सेलेक्ट करता है, और फिर लूप या वाइल लूप में है तो ये उस पार्ट को ओरिजिनल एरे के सिर्फ उस छोटे से पार्ट में रिपीट करता है, पहले आधे में फिर एक चौथाई में फिर एक बटा आठ में हिस्से में। इस तरह से ये सर्च तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि मिडिल एलिमेंट इस एरे का इसे नहीं मिल जाता, ये इक्वल नहीं हो जाता। या तो तब इसका एंड होगा या फिर जब ये जो एरे है उसमें इसे की नहीं मिलती है, लॉग की वैल्यू हाई से ज़्यादा हो जाती है तो ये रिटर्न -1 कर देता है। ये जो बाइनरी सर्च का मेथड है ये आधे एलिमेंट्स को एक कंपैरिजन में हटा देता है। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट हैं तो हम फाइनल सर्च में 2 स्टेप्स में जा सकते हैं, क्योंकि पहले कंपैरिजन में ये बता देगा कि मिडिल वैल्यू सर्च कर रहे हो या लेफ्ट या राइट, और दूसरी स्टेप में पर्टिकुलर एलिमेंट ये बता देगा। यदि पहली स्टेप में नहीं मिला तो दूसरी में पक्का बता देगा। यदि 7 एलिमेंट की एरिया है तो ये 3 स्टेप में बता देगा। यदि हम इसी तरह से ये एरे ले रहे हैं, हमें 10 कंपैरिजन करनी है तो 1023 एलिमेंट्स तक की एरे को 10 कंपैरिजन में ये सर्च कर लेगा। इस तरह से ये जो एरे सर्च का बाइनरी सर्च का मेथड है ये कितनी कंपैरिजन इसको ज़रूरत होती है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने अपने एरे में हैं उससे हम कैसे पता लगाएं कितने कंपैरिजन में ये सर्च कर लेगा। तो एरे एलिमेंट हम 2 की पावर लगा के देखेंगे, और एरे एलिमेंट 2 की जिस पावर से छोटा है, जस्ट छोटा है, वो पावर का नंबर है, वो कंपैरिजन का नंबर होता है। जैसे 1023 है वो 1024 से छोटा है, और 1024 को हम 2 की घात 10 लिख सकते हैं, 2 रेज टू द 10th पावर 1024 को लिख सकते हैं।
इसका मतलब 1023 एलिमेंट्स तक की जो एरे है उसमें मैक्सिमम 10 कंपेरिजन ये करेगा, 10 टाइम्स में ये सर्च कर लेगा। लीनियर सर्च में ये पूरा 1024 कंपेरिजन होती, लेकिन यहाँ 1023 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ 10 कंपेरिजन होंगी। इस तरह से अब हम इस एरे के नीचे वाले पार्ट को जूम करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमने रिजल्ट इक्वल टू बाइनरी सर्च इस एरे को कॉल किया, तो फंक्शन है वो हमें उसकी सब जो एलिमेंट मिला उसकी सब स्क्रिप्ट रिटर्न करेगा। और हम एरे में सी प्रोग्रामिंग में जानते हैं एरे में सब स्क्रिप्ट नेगेटिव नहीं होती, इसलिए फंक्शन को इस तरह से डिजाइन किया है कि यदि इसको एरे नहीं मिलती है तो ये -1 रिटर्न करता है। यदि ये -1 रिटर्न नहीं करता है तो जो रिटर्न कर रहा है वो पोजीशन नंबर है, इसलिए पोजीशन नंबर को हम प्रिंट कर लेते हैं। और यदि इसको नहीं मिला, ये -1 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब इसको वो नहीं मिला, वो एलिमेंट नहीं मिला जो हम सर्च कर रहे हैं। अब है मल्टी डाइमेंशनल एरे। ये अब तक हमने देखा वन डाइमेंशनल एरे, सिंगल डाइमेंशनल एरे, अब हम देख रहे हैं मल्टी डाइमेंशनल एरे। मल्टी डाइमेंशनल एरे का क्या मतलब है, यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। तो इन सी प्रोग्रामिंग एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद मल्टीपल सबस्क्रिप्ट्स, वी कैन कॉल देम मल्टी डाइमेंशनल एरे। हेयर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड ए डबल सबस्क्रिप्टेड एरे। वी स्टार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ डबल सबस्क्रिप्टेड एरे एज टेबल ऑफ वेरिएबल्स मैट्रिक्स। तो सी प्रोग्रामिंग में हम मल्टी डाइमेंशनल एरे को, मल्टी डाइमेंशनल एरे क्या होती है, मल्टीपल डाइमेंशन, तो जब इसमें सबस्क्रिप्ट जो ऐसे एरे में ले रहे थे, सिंगल सबस्क्रिप्ट ले रहे थे, यदि सबस्क्रिप्ट दो या दो से ज़्यादा हो गई हैं तो उसको हम मल्टीपल सबस्क्रिप्ट वाली एरे कहते हैं या मल्टीपल डाइमेंशनल एरे कहते हैं। हम यहाँ पर टू सबस्क्रिप्ट वाली मतलब टू डाइमेंशनल जो एरे है उससे समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली इसको हम टेबल ऑफ वैल्यूज या मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे ये एक एग्जांपल लिया है जिसमें कॉलम एंड रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ दो सबस्क्रिप्ट हैं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में दो स्क्वायर ब्रैकेट हैं जिनमें दोनों में अलग अलग नंबर या सेम नंबर जो भी लिखे हैं। यहाँ तीन रो लिए हैं, चार कॉलम लिए हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रो का नंबर लिखा हुआ है और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नंबर लिखा हुआ है और ए यहाँ सब में कॉमन एरे का नाम है। तो यहाँ पर हम देखें एरे का नाम क्या है, ए है जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो रो इंडेक्स है, और जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कॉलम इंडेक्स है। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ए कॉमन यूज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज इज टू रिप्रेजेंट टेबल ऑफ वैल्यूज कंसिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे वो है जिसमें जो भी अपनी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपना डाटा है, वो रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ के रूप में, एक टेबल के रूप में लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर टेबल के एलिमेंट को आइडेंटिफाई पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दो सबस्क्रिप्ट डिफाइन करनी पड़ती हैं। जो कन्वेंशन है, जो प्रेजेंट परिपाटी चल रही है, वर्तमान परिपाटी है, उसमें हम पहला जो सबस्क्रिप्ट है उसको हम रो नंबर कहते हैं, पंक्ति संख्या, और दूसरे को हम कॉलम संख्या, स्तंभ संख्या कहते हैं। ये परिपाटी है, हम चाहें तो इसको ऑपोजिट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस हिसाब से अपना प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से टेबल ऑफ एरेज जो है उसमें दो सबस्क्रिप्ट की हमें जरूरत पड़ती है और इसको हम डबल सबस्क्रिप्टेड एरे कहते हैं। नॉर्मली मल्टी डायमेंशनल एरे की हम जब बात करते हैं तो नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स दो से ज़्यादा ले सकते हैं,
अब हम एक एग्जाम कुछ दो एग्जाम्पल लेते हैं, उनको रन कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये हमने एक प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम में हमने कुछ डेफिनेशंस लिए। पहले हमने stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड की है, फिर प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन लिया है, इसमें टू डायमेंशन एरे को इनपुट के रूप में दिया है। टू डायमेंशन एरे को इनपुट पैरामीटर के रूप में कैसे देते हैं इसको भी हम समझेंगे। उसके बाद में एरे वन, एरे टू और एरे थ्री, ये इंटीजर एरेज डिक्लेयर किए हैं, जिनमें पंक्तियों की संख्या दो और स्तंभों की संख्या तीन, मतलब टू रोज एंड थ्री कॉलम्स हैं। यहाँ इनको इनिशियलाइज भी किया है, नॉर्मल एरे और यहाँ पर इनिशियलाइज करने का थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल एरे में हम सिंगल कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने के अपने पास कई पैटर्न हैं, हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं और उसमें पहले रो के एलिमेंट्स लिख दिए, बाद में कोमा लगा के दूसरे कर्ली ब्रेसेस में दूसरे रो के एलिमेंट लिख दिए, या हम एक ही कर्ली ब्रेसेस में सारे लिख सकते हैं तो इनका ऑर्डर क्या होगा वो भी हम देखेंगे, या हम मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं उनका भी मतलब हम देखेंगे। फिर हमने प्रिंट एरे नाम के फंक्शन को कॉल किया और एरे वन को प्रिंट किया, फिर एरे टू को प्रिंट किया, फिर एरे थ्री को प्रिंट किया। हमने ये जो इनिशियलाइजेशन वाला डिफरेंटली किए हैं उसको समझने के लिए ये प्रोग्राम लिखा है। प्रिंट एरे फंक्शन क्या कर रहा है, तो प्रिंट एरे फंक्शन है उसमें दो नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, एक काउंटर आई पे, दूसरा काउंटर जे पे, और काउंटर आई है वो फर्स्ट एलिमेंट, काउंटर जे है वो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड सबस्क्रिप्ट। एक एरे जो भी एरे प्रिंट कर रहे हैं उसका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट काउंटर वेरिएबल आई है और सेकंड सबस्क्रिप्ट काउंटर वेरिएबल जे है, और इस एरे को हम प्रिंट कर रहे हैं। जो नेस्टेड लूप है उसमें अंदर वाला लूप है वो सिर्फ रो प्रिंट करेगा, एक रो को प्रिंट करेगा पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए विद स्पेस, और जो ही वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करेंगे और हम नई लाइन में नेक्स्ट रो वेरिएबल रो काउंटर के वैल्यू ले जाएंगे और वो प्रिंट करेंगे इस तरह से। अब हम फिर से देखें तो जो एरे तीनों एरे को तीनों टू डायमेंशन एरे इनको प्रिंट कर रहे हैं। पहले एरे में हमने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 1 2 3 रो वैल्यूज हैं, फर्स्ट रो की वैल्यूज हैं, मतलब कॉलम वन में वन, कॉलम टू में टू, कॉलम थ्री में थ्री, 4 5 6 सेकेंड रो की वैल्यूज हैं, कॉलम वन में फोर, कॉलम टू में फाइव, कॉलम थ्री में सिक्स। जो एरे टू है उसमें 1 2 3 4 5 दिए हैं, तो ये 1 2 3 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए हैं, 4 5 सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए हैं, और एक एलिमेंट जो हमने यहाँ नहीं दिया वो जीरो हो गया है। एरे थ्री में फर्स्ट रो में 1 2 है और थर्ड एलिमेंट जीरो हो गया है, और सेकेंड रो में पहला एलिमेंट फोर और बाकी दो एलिमेंट जीरो हो गए हैं, ये प्रिंट करेगा। प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, ये सक्सेसफुली प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। रन किया तो एग्जैक्टली उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई है जिसमें पहले हमने दोनों सेपरेटली दोनों रोज इनिशियलाइजेशन में दी थी। सेकंड जो एरे है उसमें फर्स्ट तीन एलिमेंट पहली रो के हो गए, दूसरे दो एलिमेंट दूसरी रो के, और लास्ट एलिमेंट हमने नहीं दिया था वो जीरो हो गया है। एरे थ्री में हमने फर्स्ट रो के दो एलिमेंट दिए थे 1 2, तीसरा एलिमेंट जीरो, और सेकंड रो का एक एलिमेंट दिया था 4, बाकी दोनों एलिमेंट जीरो हो गए हैं। हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, इसमें हम डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है उसमें मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं, उसमें चेंजेस कैसे करते हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम नाम के दो फंक्शन डिफाइन किए हैं। ये दोनों फंक्शन इनपुट में एक एरे है, डबल सबस्क्रिप्ट वाली एरे है, और दो पैरामीटर और हैं जिनमें एक का नाम पुपिल्स दूसरे का टेस्ट्स। ये है एक फंक्शन लिया एवरेज नाम का जिसमें एक इन एरे सिंगल
स्क्रिप्टेड एरे इनपुट में है और एक टेस्ट नाम का वेरिएबल इनपुट में है। एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन लिया है जो टू डायमेंशनल एरे उसका इनपुट है और दो पैरामीटर और हैं। यहाँ पर जो मेन फंक्शन है उसमें हमने एक एरे स्टूडेंट ग्रेड्स नाम की एरे ली है जिसमें रो सबस्क्रिप्ट को हमने स्टूडेंट्स का है, कॉलम सबस्क्रिप्ट को हमने एग्ज़ाम का है और स्टूडेंट एंड एग्ज़ाम ये हैं, इनकी वैल्यू 3 और 4 हमने पहले प्री प्रोसेसर कमांड के रूप में दे दी है। इस एरे में फर्स्ट रो में हमने 4 एलिमेंट लिए हैं 77, 68, 86, 73, सेकेंड रो एंड इसी तरह से थर्ड रो, ये एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज हमने ले ली हैं। उसके बाद में हमने द एरे इज लिख के प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल कर दिया जो इस एरे को प्रिंट कर देगा। देन हमने लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड और हाईएस्ट ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। लोएस्ट ग्रेड मिनिमम नाम के फंक्शन को कॉल करके वो जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू है, मैक्सिमम जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा वो हाईएस्ट ग्रेड है। फिर फॉर लूप में हमने सभी फॉर लूप लिया और उस फॉर लूप में हम द एवरेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट एंड एवरेज वो प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हर स्टूडेंट की का एवरेज प्रिंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर फिर देख सकते हैं कि स्टूडेंट नंबर ऑफ रोज, मतलब हम 3 स्टूडेंट की ग्रेड ले रहे हैं जिनके हर स्टूडेंट को 4 पेपर्स 4 एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उनका हर स्टूडेंट का एवरेज क्या है वो है वो हम प्रिंट कर रहे हैं। मतलब जैसे एक मैट्रिक्स है उसके हर रो का एवरेज हमें प्रिंट करना हो, इस तरह की हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मिनिमम नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर लो ग्रेड को हमने 100 कर दिया क्योंकि किसी भी कोई भी ग्रेड 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए हमने लो ग्रेड को 100 कर दिया, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसलिए जो मैक्सिमम है उसको लो ग्रेड कर दिया। उसके बाद में 2 नेस्टेड लूप लगाए हैं और उसमें हम ग्रेड को कंपैरिजन कर रहे हैं, यदि ग्रेड की वैल्यू लो ग्रेड से कम है तो वो लो ग्रेड को वो वैल्यू असाइन हो जाए, इसलिए उस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें जो मिनिमम है वो लो ग्रेड होगा, फाइनली इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो मिनिमम एरे के एलिमेंट्स का ये रिटर्न कर देगा। इसका ऑपोजिट हमने हाई ग्रेड को 0 किया और जो हाईएस्ट है एरे का एलिमेंट उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। एवरेज वाला फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसमें हमने एक एरे इनपुट के रूप में लिया है सेट ऑफ ग्रेड्स। जहां मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन में जब हम सेट ऑफ एवरेज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम सेट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स नाम की जो एरे है उसको इनपुट के रूप में दे रहे हैं। ये स्टूडेंट ग्रेड्स टू डायमेंशनल एरे है इसलिए इसकी एक डायमेंशन, मतलब यहाँ एरे जो टू डायमेंशनल एरे है उसकी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 7 में दे रहे हैं जिससे ये 1 डायमेंशनल एरे के रूप में जाएगी। हर रो है वो एक एरे के रूप में जाएगा, जैसे स्टूडेंट की वैल्यू 0 है तो ये फर्स्ट रो एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे के रूप में इनपुट में जाएगा। इस तरह से हम एवरेज फंक्शन की बात करें तो उसमें एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे आ रही है और उसको हम नॉर्मल जो एवरेज निकालने का मेथड होता है जिसमें टोटल करते हैं और टोटल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भाग दे देते हैं वो एवरेज आ जाता है, वो ये रिटर्न कर देता है। प्रिंट एरे नाम का फंक्शन है वो सिंपल मैट्रिक्स कैसे प्रिंट करते हैं उस तरह का एक प्रिंट फंक्शन, एक प्रिंट करने का फंक्शन है। इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं पहले कुछ कॉन्स्टेंट्स जिसमें कुछ स्पेस देके 0, 1, 2, 3 ये सबस्क्रिप्ट्स प्रिंट कर रहे हैं। देन 2 नेस्टेड फॉर लूप हैं जिसमें पहले लूप में हम प्रिंट कर रहे हैं सबसे पहले एक सबस्क्रिप्ट और रो सबस्क्रिप्ट की रो नंबर क्या है और आगे जो टेबल है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो टेबल फॉर्मेट में इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखें, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और रन किया तो सबसे पहले हमने एरे को प्रिंट किया तो कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3
और रो नंबर 0 1 2 ये रो नंबर हैं, और यहाँ साइड में जो भी है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, टेबल के एलिमेंट्स हैं, वो प्रिंट हो गए। इसमें लोवेस्ट 68 है, इसमें हाईएस्ट 96 है, ये दोनों प्रिंट हो गए। और बाद में फर्स्ट रो का एवरेज है वो 76.00 है, सेकंड रो का 87.50 है, थर्ड रो का 81.75 है, ये एवरेज प्रिंट हो गए। इस तरह से अब हम इस प्रोग्राम को समझें फिर से। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरेज हमने काम में लिए हैं, वो उन्हें पहले हमने इनिशियलाइज किया, इनको डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के साथ ही हमने इनिशियलाइज कर दिया। ये कुछ हद तक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे की तरह ही हैं। ये जो हमारा मेथड है इसमें सबसे पहली रो में जैसे हमने किया ग्रुप कर दिया, कर्ली ब्रेसेस, नेस्टेड कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, जिसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस है। तो हमने पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट रो और सेकंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेकंड रो दे दी। इस तरह से हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो ग्रुपिंग के रूप में रो को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अलग अलग रो को ग्रुप में डालने के लिए हम अंदर उतने ही कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। दूसरा है कि हम एनएफ नंबर नहीं देते हैं, जैसे 2x3 की जो रो एरे है उसमें 2x3 की टू डायमेंशन एरे है, उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे हमने एरे 2 में सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही दिए, तो ये एरे है वो एक एलिमेंट लास्ट एलिमेंट 0 रह जाएगा। दूसरी जो एरे 3 है उसमें हमने ग्रुप्ड दिए, लेकिन फर्स्ट जो रो है उसमें 3 एलिमेंट की जगह 2 इनपुट में दिए, तो तीसरा 0 हो जाएगा। दूसरी रो में एक एलिमेंट दिया तो बाकी 2 एलिमेंट 0 हो जाएंगे। इस तरह से हम इनिशियलाइजर में सफिशियंट नंबर्स नहीं देते हैं तो ये बाकी एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली 0 कर लेता है। जब हम एरे को कॉल करते हैं तो सिंगल स्क्रिप्टेड एरे है उसमें हम फंक्शन कॉल में एज ए पैरामीटर देते हैं, तो सिर्फ हम एक स्क्वायर ब्रैकेट, एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं। लेकिन जब डबल सबस्क्रिप्टेड एरे हम इनपुट के रूप में दें, उस समय हम सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट देने की बजाय हमें दो सबस्क्रिप्ट देनी पड़ेंगी, और दूसरा देते हैं उसमें हमें साइज बतानी पड़ेगी। ये साइज बताने का कारण ये है, मतलब दूसरे जो दो सबस्क्रिप्ट हैं उनमें पहली सबस्क्रिप्ट खाली दे सकते हैं, लेकिन आगे जितनी भी हैं वो सारी बतानी पड़ेंगी। मल्टी डायमेंशनल में अपने यहाँ टू डायमेंशनल है, इसलिए एक हमें बतानी पड़ रही है, 3 होती तो बाकी दो की साइज हमें बतानी पड़ती। ये इसलिए है कि जब कंपाइलर इसको देखता है, कंपाइलर जब हम कंपाइल करते हैं तो उसे लोकेशन, मेमोरी लोकेशन इस तरह से देखनी पड़ती है, तो वो साइज यदि हमने दे दिए तो वो उतनी साइज के बाद में नेक्स्ट एलिमेंट को देखना स्टार्ट कर देता है। ये कंपाइलर लोक मेमोरी में लोकेशन पढ़ सके, ये हम जब पॉइंटर पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो उसके लिए हमें इस तरह से इनपुट में देना पड़ता है। जो एरे एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में लगातार स्टोर होते हैं, मतलब एक एरे एलिमेंट है वो स्टोर हो गया, उसके जस्ट बाद में दूसरा एलिमेंट स्टोर हो जाता है, उसके बाद में तीसरा, ये कंसिक्वेंटली एक के बाद एक स्टोर होते हैं और ये लगातार स्टोर होते हैं। इसलिए जब भी हम एरे को कॉल करते हैं तो मेमोरी लोकेशन में ये रेंडमली कोई सिंगल इन वेरिएबल सम डिक्लेयर करेंगे तो वो कहीं 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 भी जगह के हिसाब से स्टोर हो जाएंगे, लेकिन जब मल्टी डायमेंशन एरे देते हैं हम तो एरे में ये सबसिक्वेंटली एक के बाद एक स्टोर होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसमें एक रो के एलिमेंट जहाँ ख़त्म होते हैं वहाँ से सेकंड रो के एलिमेंट्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। इस तरह से हमें जब कंपाइलर है उसको इस तरह से लोकेशन पता करने के लिए हमें पैरामीटर्स में ये एक के अलावा सिर्फ फर्स्ट
सबस्क्रिप्ट के अलावा बाकी सारे सबस्क्रिप्ट्स की साइज हमें देनी पड़ती है जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग द सबस्क्रिप्ट वैल्यूज इन ए पैरामीटर डिक्लेरेशन एनेबल्स द कंपाइलर टू टेल द फंक्शन हाउ टू लोकेट एन एरे एलिमेंट। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि नेक्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर है। इन ए डबल सबस्क्रिप्टेड एरे ईच रो इज बेसिकली ए सिंगल सबस्क्रिप्टेड एरे। एक जो टू डायमेंशनल एरे है उसमें हम हर रो को एक सिंगल सबस्क्रिप्टेड एरे मान सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर रो एक विशिष्ट अपनी पंक्ति है उसमें एलिमेंट को पहचानने के लिए पकड़ने के लिए देखने के लिए कंपाइलर को उस रो की साइज पता होना जरूरी है। उस पंक्ति की कितनी उसमें मतलब मेमोरी है या कितने एलिमेंट्स हैं ये पता होना जरूरी होता है। वेरिएबल लेंथ एरेज। अब तक हमने जो एरे ली उसमें एरे की लेंथ फिक्स ली। यदि एरे की लेंथ फिक्स नहीं लेते हैं तो एरे की कितनी लेंथ हम ले सकते हैं या कितनी लेनी है उस ये कैसे डिसाइड करें। या जैसे अब तक हमने एरे जहाँ डिक्लेयर किए वहाँ इनिशियली हमने दे दिया कि इस एरे की साइज़ ये है। यदि हमें एरे की साइज़ भी अपने हिसाब से लेनी हो तो कैसे लें और उसमें कैसे पहचाने इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो एक फंक्शन है जिसमें एक प्रोग्राम है जिसमें प्रिंट वन डी एरे प्रिंट टू डी एरे नाम के दो फंक्शंस हैं और इसको हम पहले देख लेते हैं। तो वेरिएबल लेंथ एरेज इन सी प्रोग्रामिंग से एक ये प्रोग्राम देखते हैं। इसमें एक प्रिंट वन डी एरे नाम का फंक्शन है एक प्रिंट टू डी एरे नाम का फंक्शन है। जो प्रिंट वन डी एरे नाम का फंक्शन है उसमें इनपुट में दो पैरामीटर्स हैं। पहला है पैरामीटर एरे की साइज़ है और दूसरा एरे है। जो प्रिंट टू डी एरे है उसमें पहले दो पैरामीटर रो एंड कॉलम है और तीसरा टू डायमेंशनल एरे है। मेन फंक्शन है उसके अंदर हमने एक कुछ पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं। पहला है एरे साइज़ दूसरा रो वन कॉलम वन रो टू कॉलम टू नाम के कुछ वेरिएबल्स हैं। अब हम पहले रीड करते हैं एरे वन है उसका जो वन डी एरे है उसकी साइज़। तो एरे साइज़ को रीड कर लिया। बाद में जो नेक्स्ट हम एरे टू डी एरे ले रहे हैं तो उसकी रो वन एंड कॉलम वन को एक मैट्रिक्स हम लेंगे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ हैं तो उसके कितने रोज लेंगे कितने कॉलम्स हैं वो रीड कर लिए। नेक्स्ट हमने एक दूसरी एरे के लिए रो टू एंड कॉलम टू रीड कर लिए। अब जो एरे डिक्लेरेशन है वो करते हैं। ये सब रीड करने के बाद में हम एरे वन की साइज डिक्लेयर करते हैं एरे वन डिक्लेयर करते हैं। तो ये सिंगल वन डायमेंशनल एरे है इसकी साइज तो एरे साइज हमने यहाँ डिक्लेयर कर दी। एरे वन है उसकी साइज एरे साइज दे दी जो हमने अभी रीड किया था। बाद में टू डी एरे लेते हैं एरे टू डी वन एंड एरे टू डी टू ये दो एरे लेते हैं जिनमें हमने रो वन एंड कॉलम वन रो टू एंड कॉलम टू जो वैल्यूज रीड किए हैं वो इसकी साइज है। तो यहाँ पर हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस समय हम डिसाइड करेंगे कि एरे की साइज क्या होनी है। फिर इन एरेज को वैल्यूज असाइन करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन में जो पहली सिंगल डायमेंशनल एरे है उसमें उसकी सबस्क्रिप्ट का स्क्वायर उसको असाइन कर देते हैं। मतलब एरे का फिफ्थ एलिमेंट है उसकी वैल्यू 25 होगी एरे का टेंथ एलिमेंट है उसकी वैल्यू 100 होगी। एरे जो टू डी एरे जो है टू डायमेंशनल एरे उसमें पहली एरे है उसमें एलिमेंट्स की वैल्यू आई प्लस जे होगी। दूसरी एरे है उसमें भी एलिमेंट्स की वैल्यू आई प्लस जे होगी। मतलब उसकी जो सबस्क्रिप्ट जो है उनकी का एडिशन उस एरे की वैल्यूज होगी। उसके बाद में हम प्रिंट वन डी एरे को कॉल करते हैं एरे वन को प्रिंट करते हैं एरे टू को कॉल एरे टू जो टू डी एरे है उसमें पहली और दूसरी एरे को प्रिंट करते हैं। प्रिंट वन डी एरे फंक्शन है वो क्या करता है तो वो सिंपली एरे वन के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है एरे
स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी सबस्क्रिप्ट इक्वल टू उसकी वैल्यू, ऐसे प्रिंट कर रहा है। जो 2D एरे वाला है वो मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट कर रहा है, मतलब एक दो नेस्टेड फॉर लूप हैं जिनमें एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है। हर एरे का एक एरे एक रो प्रिंट होने के बाद में न्यू लाइन प्रिंट कर रहा है। हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन, तो पहली एरे की हम साइज दे देते हैं जैसे 10, दूसरी एरे की हम दे देते हैं नंबर ऑफ रोज दे देते हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे देते हैं 4। नेक्स्ट के लिए नंबर ऑफ एरे रोज दे देते हैं 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दे देते हैं 2। तो ये आउटपुट आ गया है। फर्स्ट एरे जो है उसमें एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पर बीच में एक साइज ऑफ वेरिएबल और था जो देखना हम भूल गए, फिर से देख लेते हैं। साइज ऑफ, ये कहाँ रह गया, हाँ तो साइज ऑफ नाम, बीच में हमने एक जगह साइज ऑफ एरे नाम से एक फंक्शन को कॉल किया है। साइज ऑफ एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग का, जो किसी भी एरे या वेरिएबल की साइज हमें बताता है बाइट्स में। बाइट, एक बाइट में 8 बिट होती हैं और ये एरे की साइज बताता है। नॉर्मली इंटीजर जो होता है, इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट में स्टोर होता है, तो जो इंटीजर वेरिएबल्स की एरे होगी उसमें 4 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एरे में यदि 10 एलिमेंट लिए इंटीजर एरे में तो उसकी साइज 40 बाइट्स होगी। तो ये साइज ऑफ वेरिएबल हमें उसकी साइज बता देगा, एरे में टोटल कितने बाइट्स स्टोर और काम में आ रहे हैं, जब मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं तो कितनी मेमोरी ये ले रहा है। तो जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो सबसे पहले इसने, हमने पहला एलिमेंट हमने 10 दिया था इनपुट में, तो जो एरे है उसकी साइज 40 बाइट्स हो गई। जो 1 डायमेंशनल एरे है उसके एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए, तो ये सबस्क्रिप्ट स्क्वायर्ड नंबर्स प्रिंट हो गए। दूसरी एरे हमने ली थी 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ये एरे 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। दूसरी हमने 5 बाई 2 ली थी, तो 5 रो और 2 कॉलम प्रिंट हो गए। अब हम देखते हैं ये वेरिएबल लेंथ एरे है उसको फिर से समझते हैं। तो ए वेरिएबल लेंथ एरे इज एन एरे हुज लेंथ और साइज इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एवलेटेड एट एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब हम यहाँ पर जो वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं कि इसकी कितनी क्या साइज है, इसकी लेंथ क्या है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, ये जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस समय डिसाइड करते हैं, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जब हम साइज ऑफ फंक्शन काम में लेते हैं तो वो हमें रन टाइम में उस वेरिएबल की कितनी, उस एरे की लेंथ क्या है, उसमें कितनी मेमोरी वो स्टोर करेगा, कितनी मेमोरी लेगा वो बताता है बाइट्स में। जब हम एक फिक्स्ड लेंथ एरे लेते हैं उसी की तरह जो वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं उसमें भी जो ये लिख रखा है, एज विद फिक्स्ड लेंथ एरेज देर इज नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेपिंग आउट द एरेज बाउंड्स ऑफ वेरिएबल लेंथ एरेज। जैसे हम यहाँ पर ये सबस्क्रिप्ट ले रहे हैं आई एंड जे, यदि यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ एरे होती या हम वेरिएबल लेंथ एरे लेते हैं तो यहाँ पर हम आई और जे की यदि ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे यहाँ रो 2 से ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, तो ये प्रोग्राम हमें कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं दिखाएगा, रन टाइम में यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यूज प्रिंट कर सकता है, हमें ये एरर नहीं दिखाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये जो फंक्शंस हैं प्रिंट 1D एरे और प्रिंट 2D एरे, इसमें जब हम वेरिएबल लेंथ एरे को प्रोग्राम में भेजते हैं, एक फंक्शन में भेजते हैं, तो फंक्शन में एज ए पैरामीटर
यहाँ पर नॉर्मल एरे की तरह ही, ये फिक्स्ड लेंथ एरे की तरह ही ये वेरिएबल लेंथ एरे इनपुट में दे देते हैं, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा कुछ क्वेश्चन से, उनके वन बाय वन आंसर देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एंड टेबल ऑफ वैल्यूज आर स्टोर्ड इन, एक अपने पास टेबल है, टेबल्स हैं, सारणियां हैं, तो इनकी वैल्यूज या कोई लिस्ट है उसकी वैल्यूज हम किस में स्टोर करते हैं, तो वो वैल्यूज हम एरेज में स्टोर करते हैं। द नंबर यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड इट्स, किसी एरे का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उस एलिमेंट के उस नंबर को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ए शुड बी यूज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ एरे बिकॉज इट मेक्स द प्रोग्राम मोर स्केलेबल, प्रोग्राम को और ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हमें सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स काम में लेने चाहिए, जो हैस डिफाइन सबस्क्रिप्ट से हम काम में लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन ऑर्डर कॉल्ड द एरे, वो प्रोसेस क्या कहलाती है जिसमें हम किसी एरे के एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में लगा देते हैं, तो ये सॉर्टिंग कहलाती है। डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू इज कॉल्ड द एरे, कोई एरे है उसमें, डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू, डिटरमाइनिंग वेदर एन एरे कॉन्टेंट्स ए सर्टेन की वैल्यू इज कॉल्ड, कोई एरे है उसमें हमें कोई इनपुट वैल्यू दी गई है और हमें देखना है वो उस एरे में है या नहीं है, तो इस देखने वो क्या कहते हैं, तो इसको हम सर्चिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरे दैट यूजेस टू स्क्रिप्ट्स इज रेफर्ड टू एज एरे, कोई एरे है उसमें दो सबस्क्रिप्ट काम में ली गई हैं, तो उसको हम किस तरह की एरे कहते हैं, तो उसको हम डबल सबस्क्रिप्टेड एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। सी सॉर्ट्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन सी है प्रोग्रामिंग में, स्टोर्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज, अपने पास वैल्यूज की लिस्ट है उसको किस में स्टोर करता है, तो उसको एरे में स्टोर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर रिलेटेड बाय द फैक्ट दैट दे, कोई एरे है उसके एलिमेंट्स किस फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो वो सब सेम नाम शेयर करते हैं और सेम टाइप के होते हैं, मतलब कोई एरे है उसमें सभी एलिमेंट्स का नाम सेम होता है, सिर्फ सब स्क्रिप्ट चेंज होती है, दूसरा है उनका टाइप सेम होता है, मतलब या तो सारे इंटीजर हैं, सारे फ्लोट हैं, या सारे करेक्टर हैं, या सारे डबल हैं, सारे एलिमेंट्स एक ही तरह के होते हैं, डाटा टाइप एक ही होता है। When referring to an array element, the position number contained within the square bracket is called, कोई हम एरे की जब बात कर रहे हैं तो उसके आगे बड़े कोष्ठक में स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर लिखा होता है, पोजिशन नंबर लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं। द नेम्स ऑफ द फाइव एलिमेंट्स ऑफ एरे पी आर, एक पांच एलिमेंट की एरे है जिसका नाम पी है, तो वो एलिमेंट्स के नेम क्या क्या होंगे, तो उनका एलिमेंट्स का नाम पी जीरो, पी स्क्वायर ब्रैकेट में वन, पी स्क्वायर ब्रैकेट में टू, पी स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री एंड पी स्क्वायर ब्रैकेट में फोर होगा। द कंटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड ऑफ द दैट एलिमेंट, किसी एरे है उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में क्या सामग्री है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम उस एलिमेंट की वैल्यू कहते हैं।
Naming an array stating its type and specifying the number of elements in the array is called. एक एरे है उसका नाम है उसमें उसका टाइप हम बता देते हैं किस टाइप की है इंटीजर फ्लोट किस टाइप की है और उसके साथ हम बता देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं इसको क्या कहते हैं तो इसको एरे की डेफिनेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड कोई एरे है उसको आरोही या अवरोही क्रम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाए तो उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं ए डबल सबस्क्रिप्टेड एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाइज द ऑफ एन एलिमेंट एंड द सेकंड सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाइज द ऑफ एन एलिमेंट वो डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है उसमें जो परिपाटी है उसके अनुसार पहले सबस्क्रिप्ट को क्या कहते पहले और दूसरे जो सबस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई है उनको क्या कहते हैं तो पहले वाले को रो नंबर कहते हैं दूसरे वाले को कॉलम नंबर कहते हैं एक m बाई n की एरे है उसमें रो कितनी होंगी कॉलम कितने होंगे और टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे तो m बाई n की एरे में m पंक्तियाँ होंगी n कॉलम होंगे और m बाई n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे द नेम ऑफ द एलिमेंट इन रो 1 रो 3 एंड कॉलम 5 ऑफ एरे d इज कोई एरे है उसके तीसरे पंक्ति और पांचवें स्तंभ के का जो एलिमेंट है डी उसको कैसे लिखेंगे तो उसको डी टू फोर लिखेंगे स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स इफ द आंसर इज फॉल्स एक्सप्लेन व्हाई यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें बताना है कौन सा क्वेश्चन यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है सत्य या असत्य जो भी है वो बताने हैं और यदि वो कथन असत्य है तो कारण बताना है कि वो असत्य क्यों है पहला स्टेटमेंट है एन एरे कैन स्टोर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज एक एरे है उसमें कई तरह के वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं मतलब जैसे एक एरे है उसमें इंटीजर डबल फ्लोट किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अलग अलग जगह तो ये कथन असत्य है क्यों असत्य है क्यों फॉल्स है तो एन एरे कैन स्टोर ओनली वैल्यूज ऑफ सेम टाइप किसी एक एरे में हम सेम डाटा टाइप की वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं अलग अलग नहीं कर सकते एन एरे सबस्क्रिप्ट कैन बी ऑफ डाटा टाइप डबल एन एरे सबस्क्रिप्ट कैन बी ऑफ डाटा टाइप डबल कोई एरे है उसकी सबस्क्रिप्ट डबल डाटा टाइप की हो सकती है ये भी कथन असत्य है क्योंकि एक एरे है उसमें सिर्फ इंटीजर या इंटीजर एक्सप्रेशन टाइप की सबस्क्रिप्ट ही हो सकती है नेक्स्ट है इफ देर आर फ्यूअर इनिशियलाइजर्स इन एन इनिशियलाइजर लिस्ट देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे सी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेस द रिमेनिंग एलिमेंट्स टू द लास्ट वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ इनिशियलाइजर्स क्या ऐसा होता है कि एक एरे है उसमें हमने जब इनिशियलाइज किया तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने इनिशियल वैल्यूज हमने नहीं दी तो जो बच गए बाद में उन एलिमेंट्स की वैल्यू वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाली वैल्यू है वो लिख लेगा क्या ऐसा होता है नहीं ऐसा नहीं होता क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको वो जीरो सेट करता है इट्स एन एरर टू इनिशियलाइजर लिस्ट कॉन्टेंट्स मोर इनिशियलाइजर्स देन देयर इज एलिमेंट्स इन द एरे यदि कोई एरे है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने डेफिनेशन में दिए हैं उससे ज़्यादा यदि इनिशियल वैल्यू दे देते हैं तो ये एक एरर मैसेज एरर होती है त्रुटि होती है हाँ ये एक त्रुटि होती है एन इंडिविजुअल एरे एलिमेंट दैट्स पास्ड टू ए फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉर्म ए आई एंड मॉडिफाइड इन द कॉल्ड फंक्शन विल कॉन्टेन द मॉडिफाइड वैल्यू इन द कॉलिंग फंक्शन एक एरे है इंडिविजुअल उसका एक एलिमेंट है ए आई यदि इस फंक्शन को इस वैल्यू को किसी फंक्शन में भेजा जाता है जो इस वैल्यू को वहाँ फंक्शन में चेंज करता है
वहाँ जो फंक्शन है उसमें एक वैल्यू के रूप में भेजा जाता है, वहाँ कैलकुलेशन में वो उस वैल्यू को चेंज कर देता है। तो क्या ये मॉडिफाइड एरे, जो एरे है उसमें भी ये एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा? नहीं, ये मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट जब भेजा जाता है तो इसको पास्ड बाई वैल्यू बोलते हैं, उसमें वो लोकेशन नहीं जाती कि ये एलिमेंट की लोकेशन क्या है, सिर्फ वैल्यू जाती है और उस पर्टिकुलर फंक्शन में वो किसी और लोकेशन पे वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसलिए ओरिजिनल जो एरे है उसमें इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आता है। टू रेफर टू ए पर्टिकुलर लोकेशन और एलिमेंट विद इन एन एरे, वी स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे एंड द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हम कोई लोकेशन देखनी है, हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन या कोई एलिमेंट है कोई एरे में, तो हमें उसके एक पर्टिकुलर पोजीशन, उसकी विशेष जगह कौन सी है वो बतानी है, तो हम एरे का नाम और उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू बता देते हैं। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा वेरिएबल्स की सेम वैल्यू हो सकती है। एक एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू सेम है, इसलिए हम वो नहीं बताते। पोजीशन बताने के लिए हमें पोजीशन नंबर बताना होता है, वैल्यू नहीं। एन एरे डेफिनेशन रिजर्व स्पेस फॉर द एरे, एरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी लोकेशन पे पर्टिकुलर स्पेस रिजर्व कर लेता है, पहले से बुक कर लेता है कि यहाँ पर स्टोर होगी। यस दैट्स ट्रू, ये सत्य है। टू इंडिकेट दैट 100 लोकेशंस शुड बी रिजर्व फॉर इंटीजर एरे पी, राइट पी स्क्वायर ब्रैकेट में 100। एक हमें एरे है उसमें 100 लोकेशंस को रिजर्व करना है इंटीजर टाइप की एरे को, तो क्या हम उसको पी और स्क्वायर ब्रैकेट में 100 लिखेंगे? हाँ ऐसा ही लिखेंगे। ए सी प्रोग्राम दैट इनिशलाइजेज द एलिमेंट्स ऑफ ए 15 एलिमेंट एरे टू 0 मस्ट कॉन्टेन वन फॉर स्टेटमेंट। एक एरे है जिसमें 15 एलिमेंट हैं और सबको हमें 0 करना है, तो उसके लिए हमें क्या एक फॉर स्टेटमेंट देना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए हमें फॉर स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मजला कोष्ठक के अंदर 0 लिख देंगे जब डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ इन इक्वल टू लगाकर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिख देंगे, तो सारे 15 एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ए सी प्रोग्राम दैट टोटल्स द एलिमेंट्स ऑफ ए डबल स्लिटेड एरे मस्ट कॉन्टेन नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट्स। एक सी प्रोग्राम है जिसमें हमें एक डबल सबस्क्रिप्टेड एरे है उसके सभी एलिमेंट्स को का सम करना है या उनको सबको ऐड करना है, तो हमें दो फॉर लूप लगाने पड़ेंगे, नेस्टेड फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। क्या ये कथन सत्य है? हाँ ये कथन सत्य है। द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वैल्यूज आर 5, 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। नंबर्स हैं 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7। ये नंबर हैं, इनका मीन 5 है, मीडियन 6 है और मोड 7 है। क्या ये कथन सत्य है? तो पहले हम टोटल करके देखें, वो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14 एंड 14 प्लस 7 21, +7 28 +7 35, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो 35 अपॉन 7 इज 5। तो इनका मीन 5 है, सही है। मीडियन 6 है, तो 3 एलिमेंट लेफ्ट में 3 राइट में छोड़ें तो मिडल एलिमेंट 6 मिलता है, तो मीडियन 6 है। और इसमें रिपीटेशन सबसे ज़्यादा 7 का हुआ है, तो मॉड 7 है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिलो रिगार्डिंग एन एरे कॉल्ड फंक्शन फ्रैक्शंस। एक एरे है जिसका नाम हमने लिखा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस FRACTINS। तो उसके लिए कुछ कथन हैं, उनके अनुसार हमें सी प्रोग्राम में क्या लिखेंगे या क्या इनपुट आउटपुट होगा वो बताना है। तो वन बाय वन देखें। डिफाइन ए सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट साइज टू बी रिप्लेस्ड विद द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट 10। एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट साइज डिफाइन करना है, तो हम हैश डिफाइन साइज स्पेस 10 ये लिखेंगे।
हैज डिफाइन साइज स्पेस टेनिया इक्वल नहीं आएगा स्पेस. डिफाइन एन एरे विद साइज एलिमेंट्स ऑफ टाइप डबल एंड इनिशलाइज द एलिमेंट्स टू जीरो. एक एरे डिक्लेयर डिफाइन करनी है हमें जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो साइज सिंबल कॉन्स्टेंट है वो हो और उस एरे का टाइप डबल हो. तो हम लिखेंगे डबल फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में साइज और उनको इनिशलाइज करना है जीरो से इसलिए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 0.0. रेफर टू एरे एलिमेंट फोर. एरे एलिमेंट फोर है वो उसको हमें कहीं काम में लेना है. कैसे लेंगे तो हम लिखेंगे फ्रैक्शंस और स्क्वायर ब्रैकेट में 4. असाइन द वैल्यू 1.667 टू एरे एलिमेंट 9. एरे एलिमेंट 9 है उसको ये वैल्यू असाइन करनी है 1.667. तो फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में 9 और इक्वल टू 1.667. असाइन द वैल्यू 3.333 टू 7th एलिमेंट ऑफ द एरे. एरे के 7वें एलिमेंट को वैल्यू असाइन करनी है 3.333. नौ एलिमेंट नंबर 9 और एलिमेंट 7वां एलिमेंट इसमें एक डिफरेंस है. 7वां मतलब 0 जिस 0 जो एलिमेंट नंबर है वो पहला एलिमेंट है 1 एलिमेंट नंबर है और दूसरा एलिमेंट है. इस तरह 7वां एलिमेंट जिसकी सबस्क्रिप्ट 6 होगी वो है. इसलिए इसका आंसर होगा फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में 6 इक्वल टू 3.333. प्रिंट एरे एलिमेंट्स 6 एंड 9 विद टू डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड सो द आउटपुट दैट्स डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन. हमें एरे का वो दो एलिमेंट प्रिंट करने हैं जिनकी सबस्क्रिप्ट 6 और 9 है और इनका आउटपुट क्या होगा जो अब तक डेफिनेशन हमने दी उनके अनुसार वो प्रिंट करना है. तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ. फॉर्मेट स्ट्रिंग में पॉइंट परसेंटेज पॉइंट टू एफ क्योंकि डेसिमल के बाद में दशमलव के बाद में हमें दो डिजिट प्रिंट करनी है और फिर से परसेंटेज पॉइंट टू एफ और न्यू लाइन. यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट होगा फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में 6 और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में 9. हमने ये वैल्यूज अभी दी थी 6 जो 6 सबस्क्रिप्ट वाला एलिमेंट है उसकी वैल्यू दी थी 3.333. तो दो ही दशमलव के बाद में दो डिजिट 33 प्रिंट हो जाएंगे और जो सबस्क्रिप्ट 9 वाला है उसको हमने दिया था 1.666. तो वहाँ पर ये उसकी एक डिजिट कम करने के लिए 1.67 प्रिंट कर देगा. प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे यूजिंग ए फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट. अज्यूम द इंटीजर वेरिएबल एक्स हैज बीन डिफाइंड एज ए कंट्रोल वेरिएबल फॉर द लूप सो द आउटपुट. अब उस एरे के सारे वैल्यूज हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है एक रिपीटेशन स्टेटमेंट से मतलब एक लूप लगा के और यहाँ काउंटर वेरिएबल हमें एक्स काम में लेना है. तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक्स लेस देन साइज प्लस प्लस एक्स और प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स और फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिख के उसको प्रिंट कर देंगे. आउटपुट जो है वो आएगा पहला एलिमेंट है वो 0.000 पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा मतलब जिनकी सबस्क्रिप्ट 0 to 5 है वो 0 होंगे. सबस्क्रिप्ट 6 वाला 3.333000 7 और 8 सबस्क्रिप्ट वाले 0 एंड 9 सबस्क्रिप्ट वाला 1.667000. जो दो एलिमेंट है उनकी वैल्यू हमने दी थी वो दोनों वैसे वैसे बाकी सारे 0 प्रिंट हो जाएंगे. राइट स्टेटमेंट्स टू अकॉम्प्लिश द फॉलोइंग. अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोग्राम में क्या लिखेंगे वो बताना है. तो वन बाई वन देख लेते हैं. डिफाइन टेबल टू एन इंटीजर एरे एंड टू हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. अज्यूम द सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट साइज हैज बीन डिफाइंड टू बी 3. एक सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट साइज को हमने 3 डिफाइन किया है. अब हमें एक टेबल डिफाइन टेबल नाम एक टेबल डिफाइन करनी है एक मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन करनी है जिसमें 3 रो हों 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हों. तो इसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर टाइप की करनी है तो इंट टेबल और पहले स्क्वायर ब्रैकेट में साइज दूसरे में साइज. हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द एरे टेबल कॉन्टेन प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये एरे है इसमें टोटल कितने नंबर होंगे एलिमेंट्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
प्रिंट करने हैं हमें, तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे प्रिंट करने के लिए, प्रिंट परसेंटेज डी और आउटपुट में आर्गुमेंट के रूप में साइज स्टार साइज। यूज ए फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ टेबल टू द सम ऑफ इट्स सबस्क्रिप्ट्स। अज्यूम द इंटीजर वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिफाइंड एज कंट्रोल वेरिएबल्स। एक्स और वाई यदि कंट्रोल वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल के रूप में हम डिफाइन करें कर चुके हैं, तो एक फॉर स्टेटमेंट लिखना है जो एरे के सारे एलिमेंट्स को इस तरह से इनिशियलाइज करे कि ये जो टेबल नाम की एरे है इसका जो सबस्क्रिप्ट है उनका एडिशन इसकी वैल्यू हो। जैसे टेबल का 1, 2 वहाँ एलिमेंट हो, मतलब पहली सबस्क्रिप्ट 1, दूसरी 2, तो उसकी वैल्यू 1+2 मतलब 3 हो जाए। तो हम एक फॉर स्टेटमेंट लेंगे जिसमें x इक्वल टू 0, x लेस देन साइज। दूसरा फॉर स्टेटमेंट नेस्टेड लेंगे जो y इक्वल टू 0, y लेस देन साइज तक जाएगा, और टेबल x प्लस x y इक्वल टू x प्लस y लिख देंगे। अब हमने लिखा है प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एरे टेबल, एज्यूम द एरे वाज इनिशियलाइज्ड विद द डेफिनेशन। जो हमने अब जो टेबल की डेफिनेशन देखी थी उसके अनुसार यदि टेबल को इस तरह से डिफाइन किया जाए, टेबल साइज साइज इक्वल टू, पहले कर्ली ब्रैकेट में 3 कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं, पहले कर्ली ब्रेसेस में 1, 8, दूसरे में 2, 4, 6, तीसरे में 5, तो इसको प्रिंट करना है और ये क्या प्रिंट करेगा वो बताना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे, इन सबको प्रिंट करने के लिए हम 2 नेस्टेड लूप लगाएंगे और उनमें एक्स वाई टेबल है उसको प्रिंट करने के लिए टेबल पहले स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स आर्ग्यूमेंट एक्स, दूसरे में वाई और बाद में इक्वल टू उसकी वैल्यू जहां आर्ग्यूमेंट होगा टेबल पहले स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स दूसरे में वाई। आउटपुट होगा पहली 2 वैल्यूज 1 और 8 होंगी, तीसरी वैल्यू 0 होगी क्योंकि जो कर्ली ब्रेसेस पहला ग्रुप है उसमें 2 ही वैल्यूज दी हैं, तो तीसरी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। आगे वाले में हमने 3 वैल्यूज दी थी 2, 4, 6, तो वो तीनों प्रिंट हो जाएंगी। तीसरे कर्ली ब्रेसेस में हमने सिर्फ 5 दिया था तो बाकी 2 वैल्यूज 0 हो जाएंगी। डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ 7th एलिमेंट ऑफ करेक्टर एरे 5। कोई करेक्टर एरे है एफ नाम से, तो उसका 7th एलिमेंट क्या होगा उसको कैसे प्रिंट करें। तो उसको प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लेते हैं, और करेक्टर एरे है तो कन्वर्जन स्पेसिफाइड परसेंटेज सी लेंगे और एफ 7 या एफ 6 लिखना चाहिए, वैसे 7th एलिमेंट 6 होगा या एफ 6 होगा। इनपुट ए वैल्यू इनटू एलिमेंट 4 ऑफ सिंगल सबस्क्रिप्टेड फ्लोटिंग पॉइंट एरे बी। एक फ्लोटिंग पॉइंट एरे है बी, फ्लोट एरे है, फ्लोट मतलब फ्लोट है, उसका एलिमेंट नंबर 4 हमें इनपुट ए वैल्यू इनटू एलिमेंट 4। एक एलिमेंट नंबर 4 है उसमें कोई वैल्यू इनपुट देनी है तो क्या लिखेंगे, तो हम G5 इक्वल टू 8, 8, 8, 8, 8 ये वैल्यू लिख देंगे। टोटल द एलिमेंट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एरे C ऑफ 100 एलिमेंट्स। एक C फ्लोटिंग पॉइंट एरे है उसके 100 एलिमेंट्स का एडिशन कैसे करेंगे, तो हम एक फॉर लूप लगा के करेंगे, टोटल इक्वल टू पहले 0 और टोटल प्लस इक्वल टू CI कर देंगे लूप के अंदर। कॉपी एरे ए इनटू फर्स्ट पोर्शन ऑफ एरे बी। एरे ए है उसकी साइज 11 है और बी की 34 है, तो अब एरे ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके बी के इनिशियल एलिमेंट्स में कॉपी करना है, मतलब 11 एलिमेंट कॉपी करने हैं बाकी रह जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक लूप लगाएंगे लेस आई इक्वल टू 0 काउंटर वेरिएबल 11 तक और बी आई इक्वल टू ए आई लिख देंगे। डिटरमाइन एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू कॉन्टेंट इन 99 एलिमेंट फ्लोटिंग पॉइंट एरे डब्ल्यू। एक 99 एलिमेंट की एरे है डब्ल्यू, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करने वाला एक फंक्शन लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। तो हम स्मॉलेस्ट को डब्ल्यू जीरो, लार्जेस्ट को डब्ल्यू जीरो इनिशियलाइज करेंगे और फिर एक लूप लगाएंगे जिसमें यदि स्मॉलेस्ट की वैल्यू डब्ल्यू आई से ज़्यादा है तो स्मॉलेस्ट इक्वल टू डब्ल्यू आई कर देंगे, लार्जेस्ट की वैल्यू डब्ल्यू आई से कम है तो लार्जेस्ट इक्वल टू डब्ल्यू आई कर देंगे, और
बाद में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को प्रिंट कर देंगे। कंसिडर ए 2x5 इंटीजर एरे टी। एक टी नाम की एरे है जो 2x5 है, मतलब इसमें दो रो हैं और पांच कॉलम हैं, ये मानना है। राइट ए डेफिनेशन फॉर टी, इसके लिए डेफिनेशन लिखो। तो इसके लिए डेफिनेशन होगी इंट टी, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में 2, दूसरे में 5। हाउ मैनी रोज डज टी हैव, टी में कितने रो होंगे, तो टी में दो रो होंगे। हाउ मैनी कॉलम्स टी हैव, टी में कितने कॉलम है, तो टी में पांच कॉलम है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डज टी हैव, टी में कितने एलिमेंट है, तो 2x5 2x5 10 एलिमेंट हैं। राइट द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेकेंड रो ऑफ टी। ये रो टी है, इसके सेकेंड दूसरी पंक्ति में जो एलिमेंट्स उनके नाम क्या क्या होंगे, तो पहले सबस्क्रिप्ट वन वाले सारे एलिमेंट होंगे T10, T11, T12, T13 एंड T14। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द थर्ड कॉलम ऑफ टी। टी के तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट्स होंगे उनके नाम लिखने हैं, मतलब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सेकेंड सबस्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट रखनी है जो कि 2 होगी, तो एलिमेंट्स T02, T12 दो हीरो हैं, तो ये 0 और 1 होगा। राइट ए सिंगल स्टेटमेंट दैट सेट्स द एलिमेंट ऑफ टी इन रो 1 एंड रो कॉलम 2 टू बी 0। ये जो टी नाम की एरे है, इसके पहली पंक्ति में रो 1 में और कॉलम 2 में, पहली पंक्ति नहीं, रो 1 सबस्क्रिप्ट जिसकी 1 है और कॉलम जिसका सबस्क्रिप्ट 2 है उसको 0 सेट करें, तो हम T1 2 इक्वल टू 0 यहाँ 2 आएगा, ये गलत हो गया, T12 इक्वल टू 0 आएगा। राइट ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ टी टू 0। राइट ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इनिशियलाइज ईच एलिमेंट ऑफ टी टू 0 डज नॉट यूज ए रिपीटेशन स्ट्रक्चर। बिना कोई लूप काम में लिए हुए, फोर या वाहिल कुछ भी काम में लिए, टी के सारे एलिमेंट्स को 0 सेट करना है, तो हम इनको और एक साथ डेफिनेशन में नहीं करना है, तो हम सब एलिमेंट्स को इंडिविजुअली T00 इक्वल टू 0, T01 इक्वल टू 0, T02 इक्वल टू 0 और इस तरह से सबको 0 कर सकते हैं। राइट नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट दैट इनिशियलाइजेज ईच एलिमेंट ऑफ T20। एक नेस्टेड स्टेटमेंट काम में लेना है, मतलब फॉर लूप काम में लेना है, जो टी के सभी एलिमेंट्स को 0 कर दे। हम दो फॉर लूप काम में लेंगे, एक में काउंटर वेरिएबल i लिया, दूसरे में j और TIJ इक्वल टू दोनों के अंदर 0 कर देंगे। राइट ए स्टेटमेंट दैट इनपुट्स द वैल्यूज फॉर द एलिमेंट ऑफ टी फ्रॉम द टर्मिनल। एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो टी की सारी वैल्यूज टर्मिनल से रीड करे, जब हम कंपाइल रन कर रहे हैं तब रीड करें, तो उसके लिए हम फॉर लूप में जहाँ इनिशियलाइज किया उसकी जगह स्कैनएफ डाल देंगे और टी के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह रीड कर लेंगे। राइट ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिटरमाइन एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन एरे टी। एक ऐसे स्टेटमेंट्स लिखो जो एरे टी है उसके उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू, उसको सर्च करे, ढूंढे और प्रिंट कर दे। तो हम दो फॉर लूप लगाएंगे, उसमें एक इफ स्टेटमेंट देंगे नेस्टेड फॉर लूप के अंदर, जिसमें स्मॉलेस्ट को चेक करेंगे, वो यदि एरे टी है, एरे डब्ल्यू है यहाँ पर, उसके एलिमेंट से बड़ा है तो वो स्मॉलेस्ट को वैल्यू असाइन कर दे और फिर स्मॉलेस्ट को प्रिंट कर दे। यहाँ एरे का नाम टी की जगह डब्ल्यू ले लिया गलती से, ये यहाँ पर टी होगा, यहाँ टी होगा। राइट ए स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेस द एलिमेंट ऑफ रो ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ टी। जो एरे है उसकी पहली रो को प्रिंट करे ऐसा स्टेटमेंट, तो हम फॉर लूप में सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे। राइट ए स्टेटमेंट दैट टोटल्स द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ कॉलम ऑफ टी। एक स्टेटमेंट लिखना है जो टी जो एरे है उसके फोर्थ कॉलम को प्रिंट करे, तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है वो वेरी होगी, सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉन्स्टेंट होने का मतलब रो का नंबर कॉन्स्टेंट हो गया है। राइट ए सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट प्रिंट द एरे टी इन टेबुलर फॉर्मेट। लिस्ट इन द कॉलम सबस्क्रिप्ट एज एडिंग अक्रॉस द टॉप एंड लिस्ट द रो सबस्क्रिप्ट एट द लेफ्ट ऑफ द ईच रो। एक
कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं जिनमें टी को टी जो एरे है उसको टेबल के रूप में, सारणी के रूप में प्रिंट करें, और यहाँ पर जो कॉलम्स हैं वो टेबल के ऊपर कॉलम नंबर आने चाहिए और लेफ्ट साइड में रो नंबर आने चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे एक फॉर स्टेटमेंट जिसमें पहले में कुछ स्पेस देकर हम कॉलम नंबर लिख देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट दे देंगे लूप के अंदर। बाद में न्यू लाइन में हम दो एक फॉर लूप, उसमें पहले रो नंबर प्रिंट करेंगे, उसके बाद दूसरे लूप में उस रो के एलिमेंट्स प्रिंट करेंगे। इस तरह के नेस्टेड फॉर लूप लिख देंगे। राइट लूप्स दैट परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल सबस्क्रिप्टेड एरे ऑपरेशंस। ये कुछ एरे ऑपरेशंस हैं सिंगल स्क्रिप्टेड एरे के, उनको पूरा करना है। तो इनको कैसे पूरा करें? तो पहला है इनिशियलाइज द 10 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर एरे काउंट्स टू 0। एक एरे है उसको इनिशियलाइज करना है जिसके काउंट्स नाम के जो एरे है उसे 10 एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना है। तो हम एक फॉर लूप लगाएंगे और उसमें काउंट्स इक्वल टू जीरो, काउंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर वेरिएबल इक्वल टू 0 कर देंगे। एड 1 टू ईच ऑफ 15 एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे बोनस, बोनस नाम की एरे है उसके सभी एलिमेंट्स में, उसमें 15 टोटल 15 एलिमेंट्स हैं सब में एक ऐड करना है। तो हम एक फॉर लूप जिसमें काउंटर वेरिएबल आई इक्वल टू 0 से 15 और बोनस आई प्लस प्लस लिख देंगे। रीड दैट 12 वैल्यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एरे मंथली टेम्परेचर फ्रॉम द कीबोर्ड। ये मंथली टेम्परेचर नाम की एक एरे है, उसमें उसके सारे 12 एलिमेंट्स हैं उनको कीबोर्ड से रीड करना है। फ्लोटिंग पॉइंट एरे है तो हम फॉर लूप में कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज ऐप देंगे और नॉर्मल वेरिएबल के रूप में इसको रीड कर लेंगे। प्रिंट द 5 वैल्यूज ऑफ इंटीजर एरे बेस्ट स्कोर इन कॉलम फॉर्मेट। बेस्ट स्कोर्स नाम की एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं उनको कॉलम के रूप में, स्तंभ के रूप में प्रिंट करना है। तो फॉर लूप और उसमें जहाँ प्रिंट कर रहे हैं उसमें बैक स्लैश एन लिख देंगे जिससे हर वैल्यू के बाद में न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। फाइंड द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स एंड करेक्ट द एरर। ये कुछ प्रोग्राम सेगमेंट हैं जिनमें एरर ढूंढनी है और उस एरर को प्रिंट करना है। हैज डिफाइन साइज स्पेस एंड रेड सेमीकोलन। इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर है यहाँ सेमीकोलन नहीं आना चाहिए। तो कैसे सुधारें? इस सेमीकोलन को हटा दो और स्टेटमेंट हो जाएगा हैज डिफाइन साइज स्पेस 100, साइज इक्वल टू 10 सेमीकोलन। इसमें क्या एरर है? तो असाइनिंग ए वैल्यू टू ए सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये साइज एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट है, उसको हम इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। कैसे हटाएं? तो असाइन यहाँ पर पहले एक कन्वर्जन स्पेसिफायर हैज डिफाइन काम में लेना पड़ेगा और ये इक्वल टू का साइन और सेमीकोलन हमें हटाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा हैज डिफाइन साइज 10। ये स्टेटमेंट है इंट बी स्क्वायर ब्रैकेट में 10 इक्वल टू 0 कर्ली ब्रेसेस में लगा दिया कोमा आई सेमीकोलन फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस आई बी आई इक्वल्स टू 1। इसमें क्या गलती है? तो इसमें वैसे देखा जाए तो गलती कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये सबस्क्रिप्ट ये प्रोटेक्शन नहीं है वैल्यूज पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, क्योंकि बी एरे है उसकी साइज हमने 10 लिया और तो हम टोटल 10 एलिमेंट इस एरे में होंगे। तो यहाँ पर जो आई लेस देन इक्वल टू 10 लगाया है मतलब बी सबस्क्रिप्ट 10 होगी, वो कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हमें इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा या लेस देन इक्वल टू 9 लिखना पड़ेगा। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच सेमीकोलन। इसमें क्या गलती है? तो इसमें सेमीकोलन लगा हुआ है, प्री प्रोसेसर कमांड में सेमीकोलन नहीं लगता है। क्या गलती है? सुधारें कैसे? तो ये सेमीकोलन हटा देंगे। इंट ए टू टू इक्वल टू 1 2 3 4 ए 1 1 इक्वल टू 5। इसमें क्या गलती है?
तो इसमें पहले स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट में ए वन कोमा वन नहीं होगा। सबस्क्रिप्ट जब भी बना लिखते हैं तब दोनों हर सबस्क्रिप्ट को सी प्रोग्राम में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। कैसे सुधारें, तो यहाँ कोमा हटा के इसी जगह से एक कर ली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। हैस डिफाइन वैल्यू इक्वल टू 120, इसमें क्या गलती है, जो हैस डिफाइन होता है सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है। कैसे सुधारें, इक्वल टू का साइन की जगह स्पेस कर दें तो ये हो जाएगा हैस डिफाइन वैल्यू 120। सी एच ए आर एस टी आर फाइव स्कैन एफ परसेंटेज एस एस टी आर सेमिकोलन, इसमें क्या गलती है, तो इसमें सेंटेक्स एरर, किसी तरह की सेंटेक्स एरर नहीं है। यहाँ ध्यान रहे जब स्ट्रिंग करेक्टर एरे आती है तब यहाँ एम परसेंट लगाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ दिक्कत तब आएगी जब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम चार से ज़्यादा दे देंगे, क्योंकि चार फाइव सबस्क्रिप्ट वाली है तो टोटल पाँच एलिमेंट्स होंगे, पाँचवा एलिमेंट मतलब सबस्क्रिप्ट जिसकी चार है वो नल करेक्टर होगा, ये चार करेक्टर से लंबी एरे हम नहीं दे सकते। कैसे सुधारें, तो यहाँ साइज ज़्यादा ले लो, जैसे हमने 20 ले ली या हमें ज़्यादा की ज़रूरत हो और बड़ी ले लेंगे। इंट ए 3 और यहाँ ये स्टेटमेंट लिखा है, इसमें क्या गलती है, तो इसमें पहला तो यहाँ परसेंटेज डी की जगह कन्वर्जन स्पेसिफायर में डॉलर साइन है, डॉलर साइन नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ एरे साइज 3 ली है, यहाँ कन्वर्जन स्पेसिफायर भी 3 लिए हैं, उनमें A3 कन्वर्जन स्पेसिफाइड नहीं हो सकता क्योंकि एरे साइज 3 है, तो कन्वर्जन एलिमेंट्स A2 तक की जाएंगे। क्या कैसे सुधारें, तो यहाँ डॉलर साइन की जगह परसेंटेज और इनको 1 2 3 को 0 1 2 करना होगा। डबल F3 इक्वल टू 1.1 10.1 100.001 1000.0001, इसमें क्या गलती है, तो ये एरे है इसकी साइज हमने 3 लिया है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने 4 दे दिए हैं, इसलिए ये गलती है। कैसे सुधारें, तो लास्ट एक एलिमेंट को या तो हटा दें या एरे साइज को 3 की जगह 4 कर दें। डबल D2 10 इक्वल और बाद में D1.9 इक्वल टू 2.345, इसमें क्या गलती है, तो यहाँ पर डबल सबस्क्रिप्ट में 1.9 नहीं लिखते। कैसे सही करें, तो कोमा को उठा के यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करें और दूसरा चालू कर दें। डुप्लीकेट एलिमिनेशन, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, यूज ए सब सिंगल स्क्रिप्टेड एरे टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंगल सबस्क्रिप्टेड एरे काम में लेनी है। रीड इन 20 नंबर, 20 नंबर रीड करने, ईच ऑफ विच इज बिटवीन 10 एंड 100, हर नंबर 10 और 100 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूसिव मतलब ये 10 और 100 भी उसमें शामिल हो सकते हैं। एज ईच नंबर इज रीड, हर नंबर को हम रीड करेंगे, प्रिंट इट ओनली इफ इट इज नॉट ए डुप्लीकेट ऑफ ए नंबर ऑलरेडी रीड, इसको तब भी प्रिंट करना है जब यदि ये किसी भी पहले वाले नंबर को जो रीड किए हैं उनमें किसी का इक्वल नहीं है। प्रोवाइड फॉर द वर्स्ट केस इन विच ऑल 20 नंबर्स आर डिफरेंट, वो एक संभावना है कि सभी 20 नंबर अलग अलग हैं, तो उसमें को प्रिंट करो उस स्पेशल केस को कि हाँ सारे के सारे डिफरेंट हैं, कोई भी मैच नहीं किया। यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और इस एरे को सॉल्व करने के लिए छोटी से छोटी, कितनी छोटी एरे हम काम में ले सकते हैं वो काम में लेनी है। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। ये एक प्रोग्राम लिया है, इसमें मेन फंक्शन है, उसके अंदर एक एरे लिया जिसकी साइज 20 है, कुछ वेरिएबल काउंटर वेरिएबल लिए आई जे एंड काउंट, काउंट इक्वल टू 0 कर दिया है, बाद में ये प्रॉम्प्ट दिया है कि 10 to 100 के बीच में 20 नंबर दो। एक लूप लिया, उसमें हर नंबर को रीड किया, उसके बाद में यहाँ एक कंडीशन लगा दी कि यदि वैल्यू 10 से छोटी हो या 100 से ज़्यादा हो तो,
यहाँ इंक्लूजिव है, इसलिए यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन ही लगाए हैं, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगाया। तो ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, गिवन नंबर, गिव ए नंबर बिटवीन 10 to 100 ओनली, और काउंटर वेरिएबल आई की वैल्यू एक कम कर लेगा, क्योंकि हमें 20 वेरिएबल्स इन रीड करने हैं, आई की वैल्यू वापस कम होके जाए, इसलिए उस वेरिएबल को दोबारा रीड कर लें। नेक्स्ट बाद में प्रिंट गिवन नंबर्स आफ्टर डुप्लीकेशन एलिमिनेशन आर। अब डुप्लीकेशन को हटाने के बाद में नंबर्स क्या बचते हैं वो प्रिंट कर रहा है। तो 4i इक्वल टू 0, i लेस देन 20। अब यहाँ पर ये सॉर्टेड एरे नहीं है, इसलिए हम सर्च करेंगे हर वेरिएबल, हर वैल्यू को, और यदि वो पहले आ चुकी है तो हम उसको नहीं प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू को प्रिंट करने से पहले एक और काउंटर वेरिएबल या जे नेस्टेड फॉर लूप में जे की वैल्यू 0 और जे लेस देन आई, मतलब जो प्रिंट कर रख चुके हैं उससे पहले वाले में ही चेक करेंगे, बाद वाले में चेक नहीं करेंगे। यदि ये इसको मिल जाता है, ये इसमें कंडीशन लगा दी इफ ए आई इज इक्वल्स टू ए जे, मतलब ये कोई दो वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो ब्रेक, ब्रेक का मतलब है ये लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आने का मतलब है जे की वैल्यू आई से कम ही रहेगी, क्योंकि जे की वैल्यू आई के इक्वल होने पर ये लूप के बाहर आएगा। ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर आया, इसका मतलब जे की वैल्यू आई से कम है। यदि आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो उस वेरिएबल, उस वैल्यू को प्रिंट कर दो, अदरवाइज प्रिंट मत करो। और यहाँ काउंटर लगा दिया, काउंट प्लस प्लस। लास्ट में यदि काउंट की वैल्यू 20 है, जो कि नो टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर हमने रीड किए थे वो है, तो ये प्रिंट कर देगा ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कंपाइल एंड रन करके देख लें, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। रन, हम कुछ नंबर्स देते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये कह रहा है ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, इसने सबको प्रिंट किया है, एक बार देने के बाद में सबको प्रिंट किया और कह रहा है सभी नंबर अलग अलग है। हम फिर से रन करके देखते हैं, नंबर दे देते हैं 5, तो कह रहा नहीं 5 नहीं दे सकते, 10 से 100 के बीच में देने हैं, हम 120 दे देते हैं, तो भी ये मना कर रहा है। हम कुछ डुप्लीकेट नंबर दे देते हैं, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 14, 11, 14, 14, 11, 15, 20, कितने हो गए, कम पढ़ रहे हैं, 21, 25, 18, 19, 18, और कम पढ़ रहे हैं, तो 20, हाँ। तो ये नंबर प्रिंट कर रहा है, गिवन नंबर्स आफ्टर डुप्लीकेशन एलिमिनेशन, इसने 15 प्रिंट किया, बाद में 16 प्रिंट किया, क्योंकि 15 का रिपीटेशन हो रहा था, सब किसी को प्रिंट नहीं किया, फिर 16 को प्रिंट किया है, दो बार आ रहा है लेकिन एक बार ही प्रिंट किया है, उसके बाद में 14 को प्रिंट किया है, उसके बाद में 11 को प्रिंट किया है, उसके बाद में 14 का रिपीटेशन हो रहा है, उनको नहीं प्रिंट किया, 11 का रिपीटेशन हो रहा है नहीं प्रिंट किया, 16 का भी रिपीटेशन हो रहा है नहीं प्रिंट किया, 20 आ गया तो 20 को प्रिंट कर दिया, उसके बाद में 21 को प्रिंट कर दिया, 25, 19 and 18 को प्रिंट कर दिया। इस तरह से डुप्लीकेट्स को सबको यहाँ से हटा दिया है। ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेबल द एलिमेंट्स ऑफ 3x5 डबल सबस्क्रिप्टेड एरे सेल्स टू इंडिकेट द ऑर्डर इन विच दे आर सेट टू 0 बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। एक नीचे प्रोग्राम सेगमेंट दिया है, इसमें एक एरे है डबल सबस्क्रिप्टेड, जिसमें 3 पंक्तियां और 5 स्तंभ हैं, 3x5 की है, तो उसमें किस ऑर्डर में ये उन एलिमेंट्स को जीरो करेगा वो पूछा है। तो सेल्स नाम का एक एरे है, जिसमें फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रो है, सेकंड कॉलम है, इक्वल टू 0 किया है, अंदर वाला लूप कॉलम है, तो पहले कॉलम की वैल्यू चेंज होंगी फिर रो की वैल्यू चेंज होंगी, तो इनका ऑर्डर रहेगा सबसे पहले सेल्स,
जीरो जीरो को ये जीरो करेगा, फिर सेल्स जीरो वन को, फिर सेल्स जीरो टू को, फिर सेल्स जीरो थ्री, सेल्स जीरो फोर, सेल्स वन जीरो, सेल्स वन वन, सेल्स वन टू, सेल्स वन थ्री, सेल्स वन फोर, सेल्स टू जीरो, सेल्स टू वन, सेल्स टू टू, सेल्स टू थ्री एंड सेल्स टू फोर, लास्ट में जीरो होगा। व्हाट डज द फॉलोइंग प्रोग्राम डू, ये नीचे प्रोग्राम है, ये क्या काम करेगा। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट साइज इक्वल की वैल्यू 10 की है, बाद में व्हाट इज दिस नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है। मेन फंक्शन के अंदर एक एरे लिया जिस में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स इक्वल टू व्हाट इज दिस एरे को कॉल, फंक्शन को कॉल किया जिसमें इनपुट में ए एरे और साइज दिया गया, और फिर प्रिंट रिजल्ट इज परसेंटेज डी, और जो ये व्हाट इज दिस रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट कर रहा है। व्हाट इज दिस फंक्शन क्या कर रहा है, तो उसके अंदर 1 इज इक्वल्स टू पी, यदि ये पी जो है साइज है वो यदि 1 है तो ये रिटर्न कर रहा है बी 0, यदि साइज पी की वैल्यू 0 नहीं है, साइज की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये प्रिंट कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है जो एरे है उसका पी माइनस 1वां एलिमेंट, मतलब लास्ट एलिमेंट है उसमें। फिर से इस पी फंक्शन को, ये रिकर्जिव फंक्शन होगा, इसी फंक्शन को कॉल करके इसमें सेम एरे लेकिन साइज की जगह पी की जगह पी माइनस 1, मतलब उससे पहले वाले वेरिएबल को, इस तरह से ये फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा सारे एरे एलिमेंट्स का एडिशन और वो यहाँ मेन फंक्शन में प्रिंट हो जाएगा। हम इसको देख लेते हैं प्रोग्राम को बना के, तो ये प्रोग्राम हमने ऐसा कैसा लिख लिया, ये फंक्शन है प्रोटोटाइप, मैन में ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए साइज ए को वैल्यू दे दी, एक्स इक्वल टू फंक्शन को कॉल कर लिया, देन एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद में फंक्शन है उसमें इफ वन इज इक्वल टू पी रिटर्न बी 0, एल्स रिटर्न बी पी माइनस 1 प्लस व्हाट इज दिस बी पी माइनस 1, इस फंक्शन को कॉल कर लिया। कंपाइल करें तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन करें तो सारे एलिमेंट्स का एडिशन 55 है जो कि प्रिंट हो गया है। तो ये फंक्शन सभी एलिमेंट्स का एडिशन प्रिंट करता है। ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पर एक फंक्शन है सम फंक्शन, कोई फंक्शन है उसमें इनपुट में एक एरे जा रही है, स्टार्ट सबस्क्रिप्ट एंड साइज नाम के दो वेरिएबल जा रहे हैं। ये हमने कोई एरे लिया है और बाद में आंसर इज ऐसा प्रिंट किया, और नेक्स्ट लाइन में हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं। फंक्शन क्या करता है, तो फंक्शन के अंदर यदि सबस्क्रिप्ट की वैल्यू, जो सबस्क्रिप्ट नाम से इनपुट लिया है उसकी वैल्यू साइज से छोटी है, जो कि यहाँ हमने इस फंक्शन में लिया है 0 लेस देन साइज, जबकि साइज की वैल्यू 10 है, तो ये क्या करेगा, ये सम फंक्शन को फिर से कॉल करेगा सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 1 में 1 ऐड करके, और साइज की वैल्यू सेम रहेगी, और फिर जो सबस्क्रिप्ट जो वेरिएबल है एरे है इनपुट एरे उसके उस एलिमेंट को जो सबस्क्रिप्ट है उसको प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट बाद में करेगा, पहले फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो सबस्क्रिप्ट की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, 1 हो गई इनिशियल वैल्यू, फिर ये इस तरह से चलता जा रहा है। इसका मतलब ये एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा लेकिन रिवर्स्ड ऑर्डर में, सबसे पहले लास्ट वाले को एंड सबसे पहले वाले को सबके लास्ट में। हम प्रोग्राम देख लें, ये प्रोग्राम है जिसमें सम फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन में एरे डिक्लेयर कर दी, देन सम फंक्शन को कॉल कर लिया, सम फंक्शन को कॉल कर लिया, सम फंक्शन के अंदर ये इफ स्टेटमेंट है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, देन खुद की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। कंपाइल सक्सेसफुली, रन किया तो ये एरे के रिवर्स ऑर्डर को प्रिंट कर रहा है, एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। डाइस रोलिंग,
एक और प्रॉब्लम है, राइट ए प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स द रोलिंग ऑफ टू डाइस। दो डाई हैं, उनको रोल करना है, उनको उछालना है। दो क्यूब हैं जिन पे चारों तरफ वन, जिसके जो फलक हैं छः, उन पे 1, 2, 3, 4, 5 से लिखा हुआ है, उनको हमें उछालना है। द प्रोग्राम शुड यूज रेंड ट्वाइस। ऐसा करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, RAND नाम का फंक्शन है, उसको दो बार काम में लेंगे, जिसमें पहली बार काम में लेंगे उसको पहली डाई मानेंगे, दूसरी बार वाले को दूसरी डाई मानेंगे। द सम ऑफ द टू वैल्यूज शुड देन बी डिक्लेयर्ड, देन बी कैलकुलेटेड। बाद में जो दोनों डाई हैं उन पे जो जो वैल्यूज आएंगी उनका हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ईच डाई कैन शो एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 1 to 6 एंड देन, अब एक डाई है जो भी वैल्यू आएगी वो मिनिमम 1 आ सकती है, मैक्सिमम 6, दूसरे में मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, इसलिए अब दोनों का एडिशन है वो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 12 है। और इसमें 7 है उसकी प्रोबेबिलिटी 6 है, 6 ऐसी अपने पास संभावनाएं हैं जिनमें ये वैल्यू 7 आ सकती है। फिगर ऑन राइट साइड शोज द 36 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू डाइज। ये यहाँ पर राइट साइड में एक फिगर ली हमने, इसमें ये पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं। पहली पे 1 आता है, दूसरी पे 1 तो 2, पहली पे 2, दूसरी पे 1 तो 3, पहली पे 2, दूसरी पे 2 तो 4, इस तरह की ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये ऑफ डायगोनल है, इसमें 7 दिखाया गया है कि 6 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें 7 आ सकता है टोटल एडिशन। हमें ये डाइज हैं, ये जो रिपीटेशन है ये 36,000 टाइम्स करना है, 36,000 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है। इसके लिए एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे काम में लेनी है जिनमें ये सम है, इसको स्टोर कर दें और फिर हमें उसको प्रिंट करना है। और इसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि 7 है, 7 है, वो लगभग 1/6 मतलब 36,000 बार उछला है, तो लगभग 6,000 बार 7 आना चाहिए लगभग, तो हमारा प्रोग्राम सही है। चेक कर लेते हैं। तो ये एक प्रोग्राम लिया बनाया है जिसमें फेस 1 और फेस 2 नाम से दो इंटीजर्स लिए हैं, रोल नाम से एक काउंटर वेरिएबल लिया है, फ्रीक्वेंसी नाम से एक सिंगल स्क्रिप्टेड एरे लिया है जिसकी वैल्यू 0 कर दी है, और इसकी साइज 13 ली है क्योंकि मैक्सिमम अपने 12 आ रहा है, तो 0, 1, 2, 12 तक मतलब 13 साइज लिया। बाद में एस रेंड फंक्शन को कॉल किया है जो टाइम से ऑटोमेटिकली एक इनिशियल नंबर सीड उठा रहा है। बाद में हमने फोर लूप जिसको 36,000 बार चलाया है उसमें फेस 1 एंड फेस 2 को दो वैल्यूज असाइन किए हैं, रेंड फंक्शन को दो बार कॉल किया है जिसमें 6 का रिमाइंड, जिसका 6 के साथ रिमाइंडर मतलब 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें 1 ऐड कर दिया तो 1 to 6 को इंटीजर हो गया। इसी तरह से फेस 2 और फिर फ्रिक्वेंसी फंक्शन में सब स्क्रिप्ट फेस 1 प्लस फेस 2 है उसमें 1 ऐड कर लेंगे, यदि फेस 1 प्लस फेस 2 की वैल्यू 2 है तो फ्रिक्वेंसी 2 में 1 ऐड हो जाएगा, फेस 1 प्लस फेस 2 की वैल्यू 12 है तो फ्रिक्वेंसी 12 में 1 ऐड हो जाएगा। उसके बाद में हम इनको प्रिंट कर रहे हैं और आउटपुट को हम देख लेंगे। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, रन किया तो रन करने पर हमें साफ दिखाई दे रहा है 7 है, वो 5,892 बार आया है, सबसे ज़्यादा आया है और लगभग ये 6,000 के बराबर है। फिर से इसको प्रोग्राम को रन करें तो इस बार 7 की वैल्यू 6,116 आई है, लगभग 6,000 के बराबर है। फिर से रन किया ये 6,078 आ गया, ये क्योंकि टाइम के अनुसार सीड चेंज हो रही है इसलिए ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम्स क्या होता है, तो कोई भी नॉर्मली हम नंबर की इंटीजर की बात करें तो उसमें उसका रिवर्स ऑर्डर और फॉरवर्ड ऑर्डर सेम हो उसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। नॉर्मली ये हर जगह लागू होता है, तो पैलिंड्रोम उनको कहते हैं, उन स्ट्रिंग्स को कहते हैं या उन सबको कहते हैं जिनका रिवर्स ऑर्डर उनके सेम हो। ए पैलिंड्रोम इज ए स्ट्रिंग दैट स्पेल्स द सेम वे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि उसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर भी पढ़ें वो सेम ही प्रोनाउंसिएशन देगा। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रडार,
अब रडार को लेफ्ट से पढ़ें आर ए डी आर, राइट से पढ़ें तो भी आर ए डी आर। एबल वाज आई एरे आई सा एल्बा, तो इसमें देखें ए बी एल ई स्पेस डब्ल्यू एस स्पेस आई स्पेस ई आर ई स्पेस आई स्पेस एस ए डब्ल्यू स्पेस ई एल बी ए। ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो भी ए बी एल ई स्पेस डब्ल्यू ए वाई डब्ल्यू एस स्पेस आई स्पेस ई आर ई स्पेस, वो ही रिपीट हो रहा है। और यदि हम स्पेस है उनको इग्नोर कर दें तो और भी अलग है, जैसे ए मैन ए प्लेन ए कैनल पनामा, ए मैन ए प्लान ए कैनल ए कैनल पनामा। तो ये इसको ऑपोजिटली पढ़ेंगे तो भी पनामा में ए एम ए एन बाद में ए पी, और एकदम इसी तरह से रिपीट करेगा अपने आप को, दोनों तरफ ये रिपीट करता है जिसमें सी बीच में है कैनल वाला। तो इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक टेस्ट पैलिड्रोम नाम का फंक्शन काम में लेना है। वो क्या करेगा, वो फंक्शन वन रिटर्न करेगा यदि जो स्ट्रिंग हमें मिली है वो पैलिड्रोम है, और जीरो रिटर्न करेगा यदि वो पैलिड्रोम नहीं है। ये फंक्शन है, ये स्पेस है उनको इग्नोर करने वाला होना चाहिए। हम प्रोग्राम में फंक्शन बना के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम हमने बनाया है, इसमें एक टेस्ट पैलिड्रोम नाम का फंक्शन है जिसमें एक करेक्टर एरे मतलब स्ट्रिंग इनपुट में जा रही है। ये स्ट्रिंग 100 करेक्टर्स की एक स्ट्रिंग ली है, ये आई इक्वल टू जीरो प्रिंट एक स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो रीड कर रहे हैं उसको इस तरह से रीड कर रहे हैं कि ये जो ही इसको न्यू लाइन मिले तब इस स्क्रीन का एंड हो जाए, स्पेस स्पेस का एंड ना हो, क्योंकि हम जो स्ट्रिंग ले रहे हैं जो क्वेश्चन में है उसमें स्पेस आ सकते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंग का एंड स्पेस पे हो जाता है। इसलिए हम इसको एज ए करेक्टर रीड कर रहे हैं डू वाइल लूप से, जिसमें पहला करेक्टर ये रीड करेगा फिर उसको चेक करेगा ये न्यू लाइन है या नहीं है, यदि ये न्यू लाइन नहीं है तो नेक्स्ट करेक्टर रीड करेगा, न्यू लाइन आते ही ये स्ट्रिंग है उसका एंड हो जाएगा। बाद में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं टेस्ट पैलिड्रोम को, यदि उसकी वैल्यू वन है तो ये प्रिंट करेगा गिवन स्ट्रिंग इज पैलिड्रोम, यदि जीरो है तो प्रिंट करेगा गिवन स्ट्रिंग इज नॉट पैलिड्रोम। अब यहाँ दो फंक्शन ले रहे हैं, एक पहला पेल टेस्ट है, पेल टेस्ट नाम से लिया है, उसमें इनपुट में एक स्ट्रिंग है ए और बी दो इंटीजर्स हैं, यदि दोनों इंटीजर सेम है ए और बी तो ये रिटर्न करेगा वन। यदि पहला यदि ये स्ट्रिंग जो ली है उसमें ए और बी जो दो इंटीजर्स लिए हैं उनके नम कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रिंग के एलिमेंट हैं वो यदि सेम नहीं है तो ये रिटर्न करेगा जीरो। अब यहाँ दो चीज़ें हो गई हैं, ए और बी सेम है तो रिटर्न वन, ए और बी सेम है नहीं है यदि सेम है तो ये रिटर्न वन कर देगा, सेम नहीं है तो उन पे यदि स्ट्रिंग के वैल्यूज सेम है मतलब स्ट्रिंग एलिमेंट्स की ए और बी पर सेम है तो ये रिटर्न सेम नहीं है तो जीरो, और यदि ये भी नहीं मिला इसको दोनों सेम ए और बी सेम नहीं है उन पे स्ट्रिंग के एलिमेंट ए और स्ट्रिंग एलिमेंट बी ये दोनों सेम मिल गए तो ये तीसरा काम करेगा, ये इसी फंक्शन को फिर से कॉल करेगा जहाँ ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट और बी की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट होगा। अब टेस्ट पैलिड्रोम फंक्शन क्या कर रहा है, तो टेस्ट पैलिड्रोम फंक्शन है वो पहले दो इन वैल्यूज ले रहा है आई और जे दो काउंटर जिनको जीरो कर रहा है, एक करेक्टर एक्स एरे है वो डिक्लेयर कर रहा है, ये बाद में एक दो नेस्टेड लूप लगा रहा है जिसमें जो एस इनपुट एरे है उसको इनपुट में यहाँ पर ले रहा है और फिर जो एक्स एरे है उसको वैल्यू असाइन कर रहा है। किस तरह से असाइन कर रहा है, तो यहाँ कई चीज़ें टेस्ट करनी है, लोअर केस अपर केस का डिफरेंस ना आए इसके लिए सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके अक्स को असाइन कर रहा है, मतलब यदि एरे है उसके एलिमेंट्स यदि लोअर केस में हैं तो उनको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा यदि अपर केस में है तो उनको जैसे हैं वैसे ही अक्स एरे को असाइन कर रहा है। इस तरह से हमने एक नई एरे बना ली है अक्स नाम से। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इफ़ जे इज इक्वल्स टू जीरो रिटर्न वन,
अब ये जे क्या है, तो जे यहाँ पर ये जो एरे है जो हम अक्स को असाइन कर रहे हैं वहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल काम में लिया हमने, और उस काउंटर वेरिएबल में हमने जे प्लस प्लस लिखा है, मतलब इसको कोई एलिमेंट ही नहीं मिला तो वो जे की वैल्यू जीरो होगी और रिटर्न ये वन कर देगा। यदि जे की वैल्यू जीरो है, जीरो नहीं है, तो ये रिटर्न कर रहा है पेल टेस्ट, पेल टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसमें अक्स एरे है वो इन कर रहा है, इनपुट में दे रहा है जीरो इनिशियल वैल्यू और जे माइनस वन फाइनल वैल्यू, जिनके बीच में टेस्ट करना है, जो उस एरे में ए और बी की वैल्यू होंगी, जो एक लेफ्ट साइड से मूव करेगी एक राइट से, और दोनों मिडिल की तरफ आती जाएंगी और दोनों टेस्टिंग चलती जाएगी दोनों तरफ की। यहाँ पर स्पेस कहाँ इग्नोर हो रहा है, तो हमने जो नई एरे बनाई है उसको सिर्फ वो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं जो अल्फाबेट हैं, उसके अलावा और करेक्टर्स हम असाइन ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ये टेस्ट हो, इसलिए स्पेस या और जो भी करेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो रहे हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लें, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गए हैं। रन करते हैं, इनपुट में एरे देते हैं रडार, ये पेलीट्रोम है, उसके बाद में हम देते हैं ए बी एल ई डब्ल्यू ए एस आई ई आर ई आई एस ए डब्ल्यू ई एल बी ए, ये भी पेलीट्रोम है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देते हैं ए मैन ए प्लान ए स्कैनल पी ए एन ए एम ए, ये भी पेलीट्रोम है। हम फिर से देते हैं ए मैन यहाँ कोमा ए प्लेन कोमा ए कैनल पनामा, ये भी पेलीट्रोम है, मतलब कोमा को भी इग्नोर कर रहा है। ए मैन ए प्लान ए कैनल पनामा, यहाँ कुछ अपर केस लोअर केस दिए हैं, इनको भी अपर के मतलब केसेस को भी इग्नोर कर रहा है, छोटे और बड़े अक्षरों को समान ही मान रहा है। अब हम कुछ और देते हैं, हम सिर्फ ए मैन लिख देते हैं, ये पेलीड्रोम नहीं है। हम रडार में आर छोटा बड़ा लिखते हैं वो पेलीड्रोम है, लेकिन हमने आर ए डी इतना ही लिख दिया तो ये पेलीड्रोम नहीं है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली टेस्ट हो रहा है।